किसी अपना TDS के चैप्टर में सेक्शन वाइज नोट्स चल रहा था ना, पार्ट टू। उसमें अपने को ये अदर सेक्शंस करने बाकी है अभी तक। इसमें अपना 194K हो चुका है, 194DA हो चुका है। अगला सेक्शन क्या है? 194IB। सेक्शन 194IB इज फॉर रेंट। तो थोड़ा पहले रेंट को लेके याद करो, रेंट का ऑलरेडी एक सेक्शन आया था ना। रेंट का तो ऑलरेडी एक सेक्शन आ चुका है, CD वक्रफ CP में R था ना, R 194I। तो अभी रेंट के लिए एक और सेक्शन है। तो अभी डाउट क्या आएगा कि रेंट के लिए दो दो सेक्शन क्यों, तो समझेगा तुमको। लेकिन पहले रेंट का जो ऑलरेडी सेक्शन पड़ा है उसको याद करके रखो। ये देखना, ऑलरेडी हमने जो रेंट का सेक्शन था ना, दैट वॉज 194I, और उसमें TDS कौन काटता था? बिग इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनीज, स्मॉल लोग नहीं काटते। ये कैसे मालूम पड़ा? स्मॉल लोग TDS कहाँ नहीं काटते? 194 रांचीज वाले सेक्शन में। पता है कीवर्ड बनाया था 194 रांचीज, मतलब 194 RACHIJ। तो उसमें आई भी तो था ना। तो इन सेक्शंस में क्या होता है, स्मॉल इंडिविजुअल HUF लोग TDS नहीं काटते। स्मॉल मतलब वो जिसका बिजनेस ही नहीं है, या फिर बिजनेस है तो छोटा बिजनेस है, यानी कि गए साल का टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसीव 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग रेंट का TDS नहीं काटते। ओके, दे आर एग्जेम्प्टेड अंडर रांचीज। ओके, फिर ये सब पॉइंट देख लो ना एक बार। तो ये था, फिर बाद में उस बिग लोग भी TDS कब काटेंगे? अगर रेंट 2,40,000 पर एनम से ज़्यादा हुआ तो, और कोई भी रेंट हो सकता है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट। लेकिन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर हुआ तो 10% TDS होता है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट होता है तो 2%। अब सुनो, इस सेक्शन में जिसको गवर्नमेंट ने बख्श दिया है ना TDS काटने के लिए, वो 194IB में कवर होता है। क्या बोला? 194I में जिसको गवर्नमेंट ने TDS काटने से बख्श दिया है, जिसको 194I में बख्शा है, आई में, तो उसको 194IB में कवर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इधर खाली बिग इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म लोग TDS काटते हैं ना, तो छोटे लोग को बख्श दिया है। लेकिन छोटे लोग को क्या बोला है कि छोटो, तुमको TDS काटना तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने छोटा मुंह बड़ी बात की, छोटा मुंह बड़ी बात मतलब तू छोटा होते हुए भी अगर बड़ा बड़ा रेंट दे रहा है, महीने का 50,000 से ज़्यादा, महीने का 50,000 से ज़्यादा, तो बाद में हम लोग ये भूल जाएंगे कि तू स्मॉल इंडिविजुअल HUF है। स्मॉल है लेकिन तू मोर देन 50,000 का रेंट दे रहे हो भी महीने का, तो उसमें सामने वाले की कमाई जोरदार है, और कहीं कमाने वाला टैक्स नहीं भरा तो हमको ये खतरा लग रहा है। इससे भले ही तू स्मॉल इंडिविजुअल HUF है, तेरे को TDS काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194IB। तो 194IB है ना, स्मॉल लोग के लिए खोला है। इन शॉर्ट, इधर 194I में जिसको बख्शा है ना, वो IB में कवर होता है, और 194I में किसको बख्शा हुआ है? स्मॉल इंडिविजुअल HUF, और उनको इधर कवर किया है। देखो इधर मैंने क्या लिखा, 194IB इज फॉर स्मॉल इंडिविजुअल HUF। ओके, तो मतलब दोनों सेक्शन में कोई क्लैश होने का सवाल ही नहीं है। 194IB और IB दोनों अलग ही है, सुनने में लगता है सेम है सेम है, दोनों रेंट थे इसलिए सेम लग रहा है ना, लेकिन फर्क है। इधर 194I में TDS कौन काटता है? बड़े बड़े लोग, बिग इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म कंपनीज, वो लोग रेंट पे करते तो 194I में TDS काटते। लेकिन स्मॉल इंडिविजुअल HUF अगर रेंट पे करता है तो IB में TDS काटता है। लेकिन कोई बोलेगा तो क्या फायदा, एक तरह तो गवर्नमेंट ने स्मॉल लोग को बख्श दिया था, अभी TDS काटने का बोल रही है। तो गवर्नमेंट बोले बराबर, हमको स्मॉल लोग को TDS के झमेले में डालना नहीं है, लेकिन अगर छोटा मुंह बड़ी बात करेगा, ये क्या होता है छोटा मुंह बड़ी बात? छोटा मतलब तू है स्मॉल इंडिविजुअल HUF, लेकिन रेंट बड़े बड़े दे रहा है, बड़े बड़े रेंट मतलब महीने का 50,000 से ज़्यादा, तो भले ही तू स्मॉल है तेरे को TDS काटना पड़ेगा। हाँ, अगर तू छोटा मुंह है, छोटी बात ही करेगा ना, मतलब तू स्मॉल है और रेंट भी स्मॉल स्मॉल पे करेगा, तो तू TDS की झंझट से मुक्त है। पर अगर तू छोटा होते भी रेंट बड़ा पे करेगा, देखो बड़ा रेंट मतलब लुक ईयर, महीने का मोर देन 50,000 पर मंथ, तो TDS काटना पड़ेगा। और इधर क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है ना कि ठीक है छोटा है तो क्या, सामने वाले की कमाई जोरदार है, और जो महीने का 50,000 से ज़्यादा रेंट कमाता है, कहीं वो टैक्स नहीं भरा तो वो खतरा गवर्नमेंट को ज़्यादा टेंशनदायक लग रहा है। इससे गवर्नमेंट ने बोला छोटों को भी TDS काटना पड़ेगा। और इधर पता है खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है,
ये सेक्शन गवर्नमेंट ने खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखा है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट में ना जोरदार कमाई होती है। ये जो 50,000 से ज़्यादा महीने का रेंट आता है, ये सब घरों में, फ्लैट्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बड़े बड़े रेंट मिलते लोगों को, और बड़े बड़े रेंट कमाने वाले कई बार टैक्स ही नहीं भरते ना, तो ये खास गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रखा है, और इसका परसेंटेज 5 है, 5%। तो सी, ये मैंने डिस्टिंक्शन के फॉर्म में क्यों बनाया हुआ मैं, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट को है ना 194 I और IB में कन्फ्यूजन रहता है, और कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो डिस्टिंक्शन से पूरी क्लैरिटी आ जाती है, और डिस्टिंक्शन से अपने खुद को लगे हाँ दोनों अलग ही चीज़ है। अब अगर कोई बोले मेरे को कन्फ्यूजन है, सवाल ही नहीं है, ये देख ये अलग लोग का, ये अलग लोग का है। पहले डिस्टिंक्शन देखो, ये आई था, ये IB है, इधर बिग इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज वो लोग TDS काट रहे, और इधर स्मॉल तो एकदम ही ऑपोजिट है। तो सी सेम लगेगा तो डाउट आएगा ना, सेम तो खाली रेंट दिख रहा है लेकिन बाकी सब पॉइंट तो डिफरेंट ही है। फिर अगला डिफरेंस देखो, इधर बिग लोग तो क्या है 240,000 भी हो गया ना साल का TDS काटना पड़ता है। सी बड़े लोग को तो गवर्नमेंट इजीली TDS के चंगुल में डाल देती है, तो इनको तो क्या बोला बड़ों को, भाई तुम्हारा तो साल का रेंट 240,000 क्रॉस होते TDS काट दो। लेकिन छोटों को इतनी आसानी से गवर्नमेंट चंगुल में नहीं डालती TDS के, उनको बोला तुम्हारा तो महीने का 50,000 के ऊपर हो तो ही काटना है। एंड फिर बड़ों को तो बोला है तुम तो हर रेंट का TDS काटो, तुम तो बड़े भी हो ना, और बड़ों को तो TDS काटने का कामकाज दिया तो हमको तकलीफ भी नहीं है, हर रेंट का काटो। लेकिन छोटों को बोला है तुम खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी का TDS काटना, और इधर हर रेंट पे है लेकिन हर रेंट का TDS परसेंटेज सेम नहीं है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर 10%, प्लांट मशीन इक्विपमेंट 2%, और इधर वही चीज़ का 5% था। ओके, ये था, तो ये 194 IB खत्म हो गया। फिर अगला सेक्शन देखो क्या अपना 194 M, ये सेक्शन भी है ना, अगला सेक्शन 194 IB टाइप सी है। सी IB की खासियत क्या थी, जिन छोटों को 194 I में बख्शा था उनको पकड़ने के लिए अलग सेक्शन खोल दिया, अगर छोटा मुंह बड़ी बात की तो। इसको याद ही ऐसे करो, छोटा मुंह बड़ी बात बेस्ट याद होगा। छोटा मुंह मतलब स्मॉल इंडिविजुअल, बड़ी बात मतलब मोर देन 50,000 पर मंथ का रेंट। और एक टेक्निक याद, IB लिखा ना, आई तो सबको याद रहता रेंट का है, बी फॉर बड़ा रेंट, IB है ना, बी फॉर बड़ा रेंट। अब देखो अगला सेक्शन क्या है, 194 M देखो किसके लिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज, अदर कमीशन। ये वो चीज है जिसके TDS के सेक्शन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी वापस ये सेक्शन क्यों आया तुमको समझाऊंगा, ये भी डिस्टिंक्शन के फॉर्म में बताऊंगा, पूरा क्लैरिटी रहेगा। तो क्या रूल है देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विस और अदर कमीशन, इसका TDS 194 M में कटता है, और ये तीनों चीज के लिए कॉमन सेक्शन है 194 M। तो अब डाउट क्या आएगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विस, अदर कमीशन का तो सेक्शन पहले आ चुका है, तो कौन सा आ चुका है, देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194 C था, ओके, प्रोफेशनल सर्विस के लिए 194 J था, अदर कमीशंस के लिए 194 H था। तो सी जो ऑलरेडी हमने सेक्शन पढ़े थे उसको याद कर लो तो अच्छी तरह मैं सिखा पाऊंगा 194 M में ऐसा क्या अनोखा है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए वापस सेक्शन आ गया। तो सी फर्क बताता हूँ, सी पहले जो हमने 194 C बोलो के J बोलो के H बोलो वो पढ़ा था ना, वो बिग लोग का था, इन सेक्शन में छोटों को बख्शा हुआ था। मेरे को कैसे मालूम पड़ता छोटों को बख्शा वो सेक्शन कौन से बताओ, 194 राचीज, राचीज मतलब 194 R, R अभी तक आया नहीं अपने पढ़ने में, 194 R A C H I J, इन सेक्शन में स्मॉल लोग को बख्शा है। तो देखो इन सेक्शन में का ही है ना ये तीनों, राचीज में सी भी आता है, जे भी आता है, एच भी आता है, तो बिकॉज ये राचीज वाले सेक्शन है तो इधर तो स्मॉल लोग को बख्शा है, और राचीज वाले सी और जे के लिए तो एक और अच्छा पॉइंट था, इधर तो पर्सनल ट्रांजेक्शन भी बख्श दिया गया था, सी और जे में तो पर्सनल ट्रांजेक्शन भी बख्श दिया गया था। तो सी ये वाले सेक्शन में TDS कौन काटता है, बिग इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज वगैरह लोग TDS काटते हैं, और उसमें भी बिग लोग अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो TDS नहीं आता है, उसको एक्सक्लूड किया है।
और थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000, एग्रीगेट मोर देन 1 लाख, और परसेंटेज सामने वाला इंडिविजुअल अचीव हुए तो 1%, वरना 2%, और प्रोफेशनल सर्विस में 30,000 के ऊपर हुआ तो 10%, ओके, अदर कमीशन में 15,000 के ऊपर हुआ तो 5%, ऐसा था ना। अब देखो 194M का पर्पस क्या, उनमें जिनको लुक इन सेक्शन में बख्श दिया गया है ना, CJH में जिनको यहां बख्शा है उसको पकड़ने के लिए 194M है। तो टेल मी इधर किसको बख्शा था, स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ को बख्श दिया था ना इन सेक्शंस में, तो गवर्नमेंट ने बोला है जिन स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ को हमने TDS काटने से बख्श दिया था उसको 194M में TDS काटना पड़ेगा अगर उसने छोटा मुंह बड़ी बात की तो। वो बोलते हैं ना बहुत लोग छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, बड़े सयाने बनते हैं, तो गवर्नमेंट भी TDS काटने का बोलती है। और इधर छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब क्या है, छोटा मतलब स्मॉल इंडिविजुअल चिप, बड़ी बात मतलब साल में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर दिया है, मोर देन 50 लैक्स इन अ ईयर, तो इतना भारी अमाउंट है। और ये किस चीज का पेमेंट किया है, मोर देन 50 लैक्स इज फॉर वॉट, फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विस, अदर कमीशन, तीनों में से किसी का हो कि तीनों का थोड़ा थोड़ा हो, टोटल 50 लाख से ज्यादा तूने किसी को दिया, तो भाई तू छोटा होगा लेकिन तूने छोटा मुंह बड़ी बात कर दी है। और तू इतना बड़ा बड़ा पेमेंट करेगा, बड़ा मतलब मोर देन 50 लाख, तो सामने वाले की कमाई जोरदार है, और एक ही जन को दिया है, ऐसे नहीं कि बहुत सारों को देके 50 लाख हुआ है, एक ही जन को मोर देन 50 लाख दिया है, मतलब सो जिसने कमाया उसकी तो जोरदार कमाई है, और कहीं वो टैक्स नहीं भरा तो हमको तो रिस्क है। इसलिए भाई तू छोटा है ना फिर भी तेरे को TDS काटना पड़ेगा, क्योंकि तू छोटा मुंह बड़ी बात कर ली। तो ये देख, और एक चीज हाँ, इधर पता है CJH में स्मॉल लोग को तो बख्शा ही है, बिग लोग को भी बख्श दिया था कई बार पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ तो। अरे कोई बिग बिग इंडिविजुअल भी पर्सनल ट्रांजेक्शन करते तो हम लोग क्या बोलते, चलो पर्सनल लाइफ है हम दखल अंदाजी करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी इंसान को पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, तो वो सोच के पर्सनल ट्रांजेक्शन भी एग्जेम किया था। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, हम तो अभी पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी अटैक करेंगे अगर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन में सामने वाले को मोर देन 50 लाख दिया है। तो भाड़ में क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पता है वो सब होता है, लेकिन तूने पर्सनल लाइफ में किसी को 50 लाख से ज्यादा दे दिया तो हमको सामने वाले की कमाई देख के कुछ हो रहा है, वो सामने वाला कहीं कमा के टैक्स नहीं भरा तो रिस्क है, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन में भी TDS काटना पड़ेगा। अरे इन शॉर्ट मतलब इधर जहां जहां गवर्नमेंट ने बोला था ना चलो इसमें TDS काटने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, मतलब जो जो 194CJH में बख्शा गया था उसको पकड़ने के लिए 194M है। लेकिन 194M एक ही शर्त रखता है, बड़ी पेमेंट हुई तो मोर देन 50 लैक्स टू अ सिंगल पर्सन, देन बाद में हम लोग पर्सनल ट्रांजेक्शन है, स्मॉल इंडिविजुअल सब बातें भूल जाएंगे, हमको खाली एक ही चीज दिख रही है जिसको मिला है उसने बहुत जोरदार कमा लिया। ओके तो ये देखो इधर TDS कौन काटता है, स्मॉल इंडिविजुअल HUF काटता है, और बिग लोग भी काटते हैं अगर पर्सनल हुआ तो, क्योंकि सी बिग लोग पर्सनल ट्रांजेक्शन करते तो इधर बच गए थे ना CJH में, तो इधर बचा तो M में फंसा, टेक्निक ही ऐसा याद करने का है, जो CJH में बचा वो M के अंदर फंसा, और M में फंसाने का अमाउंट क्या है 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और इधर परसेंटेज 5% है। ये देखो ये देख रहा है मोर देन 50 लैक्स, सी जो भी अपने अमाउंट्स में बताता हूँ ना पूरे साल का एग्रीगेट है, खाली दो ही जगह है ना पर ट्रांजेक्शन था, वो कंपल्सरी एक्विजिशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी और परचेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उधर पर ट्रांजेक्शन था, बाकी सब एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। ओके इधर देखो प्लस साइन दिख रहा है, सी बिकॉज ये एक ही सेक्शन है ना तो गवर्नमेंट क्या बोलती है इसको कंबाइन करके चेक करेंगे। ओके मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, प्रोफेशनल सर्विस का, अदर कमीशन का, सब मिला के एक ही जन को मोर देन 50 लैक्स दिया है तो TDS काटना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है मिस्टर अखिलेश,
अखिलेश को मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 लाख दिया, प्रोफेशनल सर्विस का 20 लाख दिया, अखिलेश को ही दिया है, और अदर कमीशन का 20 लाख दिया है। मतलब खैर एक जन सब तरह के काम कर रहा है ऐसा चांसेस कम है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। एक जन को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का 20 लाख, प्रोफेशनल का 20 लाख, अदर कमीशन 20 लाख, तो 20 20 20 ऐड करना चाहिए। देखो ऐड किया ना, और ऐड करके देखो मोर देन 50 लाख से ना तो TDS काटना पड़ेगा 5%। ओके, और हर जगह ऐसा ही होता है, ऐड करते रहो, जब तक 50 लाख नहीं हो रहा तब तक नहीं कटेगा। जैसे साल के स्टार्टिंग में 12 लाख ही हुआ था, मत काटो, फिर और 12 लाख किया 24 लाख हो गया, फिर और 12 लाख किया 36 लाख हो गया, फिर बाद में 36 किया और 20 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 36 + 20 = 56। तो द मोमेंट 50 लाख क्रॉस होता है ना TDS काटो, और पिछली पेमेंट्स पे नहीं काटा था ना तो उसको भी अभी एक साथ लेके TDS काटना पड़ेगा। ओके, वो तो मैंने पहले बताया था ना, एग्रीगेट करके करना पड़ता है। तो टेल मी इधर डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या था, इधर और ये कॉलम में डिस्टिंक्शन क्या है, इधर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अलग सेक्शन, प्रोफेशनल सर्विस का अलग सेक्शन, अदर कमीशन का अलग सेक्शन, लेकिन इधर सबके लिए कॉमन सेक्शन। दूसरा डिस्टिंक्शन, इधर बिग लोग TDS काटते हैं, पार्टनरशिप हम कंपनी स्मॉल लोग को बख्शा है, और बिग लोग को भी पर्सनल ट्रांजेक्शन बख्शा है, और इधर उल्टा है, जिसको बख्शा है उसको इधर पकड़ा है। फिर इधर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अलग से देखते हैं, सिंगल पेमेंट 30,000, एग्रीगेट 1 लाख, प्रोफेशनल का अलग रखते, अदर कमीशन का अलग रखते, लेकिन इधर कंबाइन करके देखते हैं, और वो भी मोर देन 50 लाख हुआ तो, और 5% TDS आएगा। ओके, एक चीज नोटिस की, ये 194 CJH में ना J क्या था, नहीं J में खाली प्रोफेशनल सर्विस नहीं था, 194 J में 5 चीजें थी, पर्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर, पार्टनर डायरेक्टर, तो उसमें प्रोफेशनल सर्विस था, टेक्निकल सर्विस था, नॉन कम्पीट था, रॉयल्टी था, डायरेक्टर्स फीस एंड रेम्यूनरेशन, तो उसमें ना फिलहाल मैं प्रोफेशनल का ही बात कर रहा हूँ। मतलब जो टेक्निकल सर्विस थे और क्या था, नॉन कम्पीट था, रॉयल्टी, डायरेक्टर्स वगैरह, उसमें अगर किसी को बख्श दिया है तो बख्श ही दिया है। खाली प्रोफेशनल सर्विस में अगर तू बख्शा गया इधर तो M में फंसेगा, खाली वो प्रोफेशनल के रखा है। देख गौर किया जाए, मैंने प्रोफेशनल को ऐसे कैजुअली नहीं लिखा है, 194 जे की 5 चीज़ों में से पहली वाली चीज़ प्रोफेशनल, दैट मीन्स अगर कोई टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करता है तो टेक्निकल सर्विस का 194 जे है ना, और 194 जे में तो बड़े लोग ही TDS काटते हैं, तो कोई बोले नहीं स्मॉल हुआ तो नहीं, काटना ही नहीं है टेक्निकल सर्विस में, स्मॉल लोग को काटना ही नहीं है। और क्या था, प्रोफेशनल टेक्निकल नॉन कम्पीट रॉयल्टी डायरेक्टर, उसमें स्मॉल लोग को काटना ही नहीं है। हाँ प्रोफेशनल में तो क्या है, तू बड़ा है तो जे में काट, छोटा है तो एम में काट, लेकिन जो बाकी लोग थे ना प्रोफेशनल के बाद टेक्निकल नॉन कम्पीट रॉयल्टी, वो लोग तो अगर छोटे हैं तो बख्श दिए गए हैं तो बख्श ही गए, बख्श दिया, मतलब ऐसा नहीं कि उसको एम के अंदर पकड़ा है। एम में किसको पकड़ा है, प्रोफेशनल के चंगुल से जो छूट गया ना अंडर 194 जे प्रोफेशनल में, वो एम के अंदर फंसेगा। तो ये थोड़ा माइन्यूट फर्क नोटिस करना। सी 194 सी तो पूरा इधर मैंने लिख लिया है, लेकिन इधर जो मैंने जे लिखा है ना, ये पूरा जे के प्रोफेशनल वाला पार्ट, खाली प्रोफेशनल, और एच तो पूरा ही अदर कमीशन था। ओके, तो ये 194 एम था। फिर अगला सेक्शन देखो 194 एन, हम लोग बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं ना, बैंक वाले TDS काट के देते हैं, सुना है TDS इनकम पे होता है, और बैंक से मैं पैसा निकालता हूँ तो मेरा ही पैसा मैं निकाल रहा हूँ, तो उसमें किस बात की इनकम, फिर भी मेरे ही पैसे मैं बैंक से निकालूंगा उसमें भी TDS कट रहा है, तो ये थोड़ा अजीब है, क्यों बताऊंगा, लेकिन रूल है ऐसा कि अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो बैंक वाले मेरे को है ना पूरा 1 करोड़ नहीं देंगे, सॉरी पूरा विड्रॉ करके नहीं देंगे, TDS काटेंगे, कितना 2%, और वो 2% कैसे निकालेंगे, उनमें 1 करोड़ माइनस कर देने का, ऊपर जो एक्सेस विड्रॉल है ना एक्सेस, उसका 2% कट करेंगे। तो अगर मैंने बैंक से 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ किया है, तो 1 करोड़ 20 लाख है, तो 1 करोड़ तो माइनस ही कर देंगे, 20 लाख का 2% उतना इन लोग कट करके देंगे, जबकि ये मेरी इनकम नहीं, मेरे ही पैसे मैंने बैंक से निकाले,
बट फिर भी इस पे टीडीएस क्यों रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, इतना ज्यादा तो कैश विड्रॉ करेगा तो कैश तो मार्केट में सर्कुलेट करेगा, और हम नहीं चाहते कि मार्केट में ज्यादा कैश सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि सी तू तो कैश निकाल के किसी को दे देगा, लेकिन तू जिसको देगा उसकी इनकम है, और लोग क्या कैश में कमाई भी इनकम का टैक्स नहीं भरते, और हमको मार्केट में कैश सर्कुलेट होता हुआ चाहिए ही नहीं। मोदी का तो सपना क्या है, कैशलेस इकोनॉमी, सब ऑनलाइन पेमेंट करो, जी पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर वगैरह, कैश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सी कैश देने वालों से गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कैश देता है वो तो देता है, लेकिन जिसको मिला उसकी इनकम हो सकती है, और कैश में मिली हुई इनकम का कितने लोग टैक्स ही नहीं भरते। इससे गवर्नमेंट ने बोला है तू इतना ज़्यादा कैश विड्रॉ करेगा तो हमको डर है कि तू कैश यहाँ वहाँ उड़ाएगा, मार्केट में कैश सर्कुलेट करेगा, तो ये चीज़ को हम रोकना चाहते हैं। उसको रोकने के लिए हमने पनिशमेंट रखी है, और पनिशमेंट रहती है ना तो लोग इतना कैश विड्रॉ भी नहीं करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट रूल क्या था, 1 करोड़, और कहां से विड्रॉ करना, सुनो, बैंक्स या पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी विड्रॉ किया। ओके, और ये बैंक वाइज देखना होता है, बैंक वाइज, एक बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने 50 लाख विड्रॉ किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 60 लाख, तो दोनों अलग है, अपने को बैंक वाइज देखना है। एंड फिर एक बैंक में मैंने कोई भी अकाउंट से निकाला हो, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, बैंक वाइज देखना है, बैंक वाइज ना, अकाउंट वाइज देखना है, अकाउंट मतलब सेविंग्स करंट वो, ना ब्रांच वाइज देखना है, बैंक वाइज देखना है। एक बैंक से तूने 1 करोड़ से आधा निकाला, क्योंकि सी टीडीएस के अमाउंट से ना पर्सन टू पर्सन होता है, सी विड्रॉ करने वाला मैं, लेकिन पैसा कौन दे रहा है मुझे, बैंक, तो बैंक एज अ होल देखना है, फिर बाद में उसका ये ब्रांच वो ब्रांच ऐसा नहीं है, इधर सीबीएस वीबीएस जैसा भी कुछ नहीं लिखा एक्ट में, मतलब एक बैंक से तूने अगर विड्रॉ किया 1 करोड़ से ज्यादा तो वो बैंक तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरे को 2% टीडीएस काट के देगी। ओके, इसमें देखो कभी कभी है ना टीडीएस 20 लाख विड्रॉ करने के बाद ही कट जाता है, यूजुअली क्या 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ किया तो ही टीडीएस कटता है ना, वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे, ये नोटिस के एक्सेस अमाउंट पे कट रहा है, ये पहला ऐसा सेक्शन है कि इसमें एक्सेस अमाउंट पे कट रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा था एक बार लिमिट क्रॉस हुई तो पूरे पे कटेगा, लेकिन ये पहला ऐसा था कि लिमिट क्रॉस हुई तो पूरे का कि ऊपर वाले अमाउंट का, ऊपर वाले अमाउंट का, ऐसे टोटल 3 आने वाले, गिन के रख लो अभी से, एक ये, दूसरा बाद में आएगा, तीसरा टीसीएस के टॉपिक में आएगा, टीसीएस जो टीडीएस का भाई है तो अपने लिए तो एक बराबर ही है ना, तो लास्ट में बच्चों को ना 3 ऐसी चीज याद रखनी पड़ेगी कि जिसमें लिमिट क्रॉस होती तो पूरे पे नहीं एक्सेस पे आता है, तो उसमें एक अभी आ गया कैश विड्रॉल का, दूसरा और तीसरा बाद में आने वाला है, अभी से बोल रखा है ताकि याद हो जावे। तो लुक हियर, हमें ये बोल रहा था कि कभी कभी तो 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हैं ना टीडीएस काट डालते हैं लोग, लेकिन वो कब मन में, अगर कोई नॉन फाइलर हुआ, नॉन फाइलर मतलब एक बंदा ऐसा है ना जो रिटर्न ही नहीं भरता है, 3 साल से लगातार रिटर्न नहीं भरा है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, हाँ, जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ बैंक में पैसे निकालने आ रहा हूँ, और मेरा कैरेक्टर कैसा है मालूम है, मेरा कैरेक्टर ढीला है, मतलब मैंने पिछले 3 साल से रिटर्न ही नहीं भरा है, और फिर बैंक से मैं विड्रॉ करूँगा ना, तो ऐसे लोग को तो गवर्नमेंट को देख के क्या लगता है, यार 3 साल से जिससे रिटर्न नहीं भरा है मतलब उसकी कोई इनकम कुछ खास नहीं होगी, नहीं तो अच्छी खासी इनकम होती है तो रिटर्न भी भरते हैं ना, लेकिन तूने 3 साल से लगातार रिटर्न नहीं भरा है, दैट मीन्स तुम्हारी इनकम कुछ खास नहीं है, और जब इनकम कुछ खास नहीं है तो बैंक से तू 20 लाख से ज़्यादा भी विड्रॉ करता है ना, वो शॉकिंग है। अरे सोचो, अगर किसी का कुछ इनकम विनकम नहीं होता है तो उसके बैंक में पैसे भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये आदमी सोच 3 साल से रिटर्न नहीं भरा है तो डैट इज़ द साइन ऑफ उसका कुछ इनकम नहीं के बराबर है। सी नहीं तो क्या होता है, किसी का भी बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा होता है ना रिटर्न भरना पड़ता है, रिटर्न फाइल करने का तो कैसा है, वंस योर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन रिटर्न यू टू फाइल, बट तूने रिटर्न फाइल ही नहीं किया वो भी 3 साल, तो इसका मतलब ये है कि 3ों साल तेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब तेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं होने चाहिए, तो तू बैंक से 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, शॉकिंग है। तो ऐसे लोग का तो क्या बोला है कि 20 लाख के ऊपर विड्रॉ किया टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा विड्रॉ करना तेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए, और ये आदमी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया तो 5%, 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%,
मतलब इधर डबल रेट्स है टीडीएस के, 2% 5%, मतलब ये देखो इधर देख के समझोगे इजी लगेगा। लुक यार, अगर तुम नॉन फाइलर हो, नॉन फाइलर मतलब रिटर्न नहीं फाइल करते हो, तो टीडीएस का रूल क्या है, 20 लाख तक बैंक से विड्रॉ कर। ये देख रहे हो ये आदमी पैसा निकाल के आया बैंक से, ओके, तो वो 20 लाख तक विड्रॉ करेगा तो 0% टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़ है तो 2%, लेकिन 2% कितने पे, पूरे पे कि 20 लाख के ऊपर वाले पे, 20 के ऊपर वाले पे, जैसे 25 लाख है तो 5 लाख का ही, फिर 1 करोड़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा है उसका 5%, मतलब इसको स्लैब रेट्स की तरह कैलकुलेट करना है, स्लैब वाइज, ओके। तो टेल मी, अगर किसी ने 1 करोड़ 6 लाख विड्रॉ किया है तो कैसे होगा, 1 करोड़ 6 लाख में 20 लाख तक तो 0% है, फिर 20 से 1 करोड़ 80 लाख हो गया ना, 80 लाख पे 2%, फिर मैंने 1 करोड़ 6 लाख बोला था, तो 1 करोड़ के ऊपर 6 लाख है तो 6 लाख के ऊपर 5%, इस तरह से टीडीएस कटेगा। अगर तू नॉन फाइलर है, और नॉन फाइलर का मतलब क्या हो गया, एक से आगे बढ़ो, उसके पहले नोटिस करो, इधर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, ये सेक्शन टीडीएस का ऐसा है ना, तू रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो यही सेक्शन में कटेगा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना, मैं अगर रिसीव करने वाला जिसको पैसे रिसीव हो रहे वो नॉन रेसिडेंट होता तो सेक्शन अलग है, मैंने बोला नॉन रेसिडेंट की दुनिया के टीडीएस के सेक्शन अलग है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेसिडेंट दुनिया के तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन मैंने तुमको एक्सेप्शन बताया था कल के लेक्चर में कि 3 सेक्शन में ऐसा है ना कि रेसिडेंटों के नॉन रेसिडेंट टीडीएस काटने के नियम सेम है, एक सैलरी, विनिंग्स और कैश विड्रॉल, ये कैश विड्रॉल है, तो सिर्फ सैलरी कमाने वाला, विनिंग्स कमाने वाला, कैश विड्रॉ करने वाला, चाहे वो आर हो के एनआर हो, टीडीएस काटने के नियम और सेक्शन सेम है। नहीं तो बाकी सब में क्या है, रेसिडेंट हुआ तो सीडी वक्रफ सीपी वाले नियम, नॉन रेसिडेंट है तो अलग नियम है जो सिलेबस में नहीं है, ओके। अब सुनो, नॉन फाइलर का मतलब क्या था, जिससे 3 साल लगातार रिटर्न नहीं भरा है, 3 साल, लेकिन पता है 3 साल कौन से लेने, प्रीसीडिंग ना, लेकिन इधर देखो अच्छा पॉइंट है, लुक ये देखो, लुक जैसे मान लो मैं अपना एग्जाम में ईयर क्या है 23 24, और 23 24 में मैं बैंक से कैश विड्रॉ करने गया, ये देखो ये डेट को मैं बैंक में विड्रॉ करने गया था, ये देखो मैं किसको गोल कर रहा हूँ, और जब मैं बैंक में विड्रॉ करने गया था ना उस वक्त अभी तक ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की आई नहीं थी। अरे ड्यू डेट, अरे अपने रिटर्न हमेशा है ना प्रीवियस ईयर का भरते हैं ना, तो अगर ये पीरियड में कोई रिटर्न भरेगा तो किस ईयर का भरेगा, 22 23 का भरेगा ना, तो सी बैंक में जब मैं काउंटर पे खड़ा होऊंगा और बैंक वालों को बोलूंगा मुझे कैश चाहिए कैश चाहिए, तो वो लोग मेरा रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस देखेंगे ना, तो उन लोग क्या ये वाले ईयर का स्टेटस नहीं चेक करेंगे, और ये वाले ईयर के लिए मेरे को बोले आपने 22 23 का रिटर्न नहीं भरा, तो मैं बोलूँ अरे शांति रखो ना, उसका तो ड्यू डेट भी अभी तक आया नहीं है। अरे ऐसे इमेजिन करो, मैं बैंक में पैसा निकालने गया उसकी तारीख क्या थी, ड्यू डेट के पहले, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, 31 जुलाई, और अगर अपना ऑडिट आता है तो 31 अक्टूबर, और मान लो मैं जुलाई और अक्टूबर के पहले बैंक में गया था कैश विड्रॉ करने, तो अगर उन लोग मेरा 22 23 का स्टेटस देखेंगे तो गलत है ना, तो 22 23 के लिए बोलूंगा ना भाई रिटर्न भरने की ड्यू डेट अभी निकली थोड़ी है, मैं भर दूंगा, तो बैंक वाले क्या करेंगे, बहस नहीं करेंगे, उन लोग ये ईयर को स्किप ही कर देंगे, है ना, क्योंकि इस ईयर का रिटर्न भरने का टाइम अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, तो इन लोग क्या इसको छोड़ के 21 22 2021, 1920 ये 3 साल का स्टेटस देखेंगे, और स्टेटस मतलब क्या स्टेटस, रिटर्न भरा था कि नहीं, और उसके लिए क्या बैंक वाले हैं ना जो काउंटर पे आदमी पैसा विड्रॉ किया है ना उसको पूछेंगे नहीं, बैंक वालों को सॉफ्टवेयर दिया हुआ इनकम टैक्स वालों ने, अरे इनकम टैक्स की वेबसाइट में देख के मालूम पड़ जाता है, मतलब जो बंदा बैंक में कैश विड्रॉ करने है उसका पैन नंबर पूछने का, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, तो बैंक वाले क्या करें कंप्यूटर में उसका पैन नंबर डालेंगे तो उसका तुरंत स्टेटस मालूम पड़ जाएगा कि फाइलर है कि नॉन फाइलर, नहीं तो सिर्फ बैंक को इतनी मगजमारी करनी पड़े तो काम कितना बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बैंक के काउंटर में कैश विड्रॉ करने की लाइन कम थोड़ी होती है और लंबी लाइन होती आएगी, सोच मतलब बैंक को बोलेंगे तो उसका 3ों साल का रिटर्न भरा कि चेक करो, रिटर्न फाइलिंग का प्रूफ देखो, वो सब बैंक को नहीं करना पड़ता,
ये सब ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब बैंक को कंप्यूटर के अंदर उसका पैन नंबर डालना है, देख के मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये तो नॉन फाइलर है। ओके, और नॉन फाइलर है तो टीडीएस काटने के नियम अलग है, 20 लाख तक तो नहीं कटेगा, उसके ऊपर 2% और 1 करोड़ के ऊपर हो तो 5%। लेकिन सी 20 to 23 ईयर को स्किप कर देंगे ना। लेकिन सुनो, अभी इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर स्क्रीन पर देख, नहीं ये तारीख को कैश विड्रॉ करने गया, ये हैशटैग को देखो, हैशटैग को, ये कौन सी तारीख है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद अगर मैं कैश विड्रॉ करने गया तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न निकल गए ना। किसकी ड्यू डेट, 20 to 23 की। और तो उन लोग क्या 20 to 23 का भी स्टेटस चेक करेंगे कि तुमने 20 to 23 का रिटर्न भरा है कि नहीं, क्योंकि ड्यू डेट निकल गई है तो तेरे को 20 to 23 का रिटर्न भरना है तो भर देना चाहिए था ना। अरे मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि ड्यू डेट के बाद अगर मैं कैश विड्रॉ करने गया तो बैंक तो बोलेगा कि ड्यू डेट निकल गया तो तेरा तो 20 to 23 का रिटर्न भर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर तू नहीं भरा है तो तेरा नॉन फाइलिंग आ गया। तो मतलब पता है इन लोग 20 to 23 को भी देखेंगे। फिर 3 ईयर्स कैसा हो जाएगा, देखो ड्रॉइंग पे लिखा हैशटैग वाले केस में 20 to 23, 21 22, 20 21, ये 3 साल का स्टेटस देखेंगे। और बैंक को क्या इतना डिटेल में स्टेटस नहीं चेक करना है, बैंक को इनकम टैक्स की वेबसाइट से मालूम पड़ जाता है। ये तो क्या स्टूडेंट लोग को बताना पड़ता है ना कैसे देखा जाता है। तो सी मैंने इधर 2 चीज़ बनाई है, ड्राइंग दिख रही मेरी, एक तारा और हैशटैग। तारा का मतलब क्या है, ड्यू डेट के पहले अगर कैश विड्रॉ करने गया तो गया साल को छोड़ दो, उसके पहले का 3 साल देखो, और ड्यू डेट के बाद कोई कैश विड्रॉ करने जाएगा तो गए साल को ले लो, उसका गया और उसका गया, ये 3 साल में, तीनों के तीनों साल में नॉट फाइलर है। एक साल भी रिटर्न फाइल किया ना तो फाइलर, और फाइलर बन गया ना तो फिर ऐसा हो जाएगा। और नॉन फाइलर का ठप्पा कब लगता है, 3 साल में नॉट फाइल, नॉट फाइल, नॉट फाइल है तो। ओके, फिर सुनो, कोई कोई केस में ना टीडीएस ही नहीं कटता। ये देखो, कोई कोई केस में ऐसा होता है ना कि बैंक से तुम 1 करोड़ के 100 करोड़ भी विड्रॉ करोगे, टीडीएस से कटेगा। लेकिन कब मालूम है, विड्रॉ करने वाला खुद पोस्ट ऑफिस है। ये देखो एरो, देखो पोस्ट ऑफिस ने विड्रॉ किया है, कहाँ से, किसी बैंक से या फिर किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से, तो साक्षात पोस्ट ऑफिस ही विड्रॉ करने गए है तो 100 करोड़ भी विड्रॉ करेगा, टीडीएस नहीं है। या फिर ये देखो, खुद बैंक विड्रॉ कर रही है, सी बैंक लोग भी तो विड्रॉ करते हैं ना, तो एक बैंक दूसरे बैंक से विड्रॉ कर रही है पोस्ट ऑफिस से, उसमें भी टीडीएस नहीं है। अरे एक्सेप्शन से, इसको ऐसे याद रखते, पोस्ट ऑफिस बागो, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, और इसको कैसे प्रोनाउंस करते, बागो, ऐसा होता है ना पोस्ट ऑफिस, भागो भागो, इधर भागो के बदले बागो। तो एक तो पोस्ट ऑफिस था, बी क्या था, बैंक था, फिर देखो ए क्या होता है, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। सी तुम लोगों ने ना यूजुअली जो एटीएम देखा है ना वो बैंक का ब्रांडिंग वाला होता है, उस पर बैंक की ब्रांडिंग की होती है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, तो वो तो नॉर्मल एटीएम होता है। लेकिन कभी कभी है ना कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी एटीएम का धंधा करती है, एटीएम को भी धंधा बना के रखा है कोई कोई लोगों ने, लेकिन किसने, नॉन बैंकिंग एंटिटी, जैसे टाटा, टाटा लोग थोड़ी बैंक खोल के बैठे, टाटा का बैंक थोड़ी है, सो टाटा इज अ नॉन बैंकिंग एंटिटी, तो उन लोग ने एटीएम का धंधा चालू किया है, उन लोग की एटीएम ये नाम से फेमस है, टाटा इंडी कैश। ये क्या मुंबई में ज़्यादा नहीं देखने मिलता, छोटे छोटे शहरों में देखने मिलता है, क्यों, मुंबई में तो बैंक वालों के खुद के एटीएम है। अरे मुंबई में तो बैंक की भीड़ है ना यार, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जहाँ बैंक्स लोग के अपनी ब्रांचेस नहीं खोल पाते, तो उधर नॉन बैंकिंग एंटिटी लोग अपना एटीएम का धंधा करते हैं। जैसे टाटा इंडी कैश एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, मतलब टाटा इंडी कैश नाम का एटीएम है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। ओके, सो व्हाइट लेबल का मतलब ही क्या, वेन एवर अ नॉन बैंकिंग एंटिटी, इट कैन बी टाटा, रिलायंस, रिलायंस तो ऐसे ही बोल रहा हूँ एक्चुअली है नहीं, लेकिन कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी एटीएम का धंधा करते तो बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। अरे तो क्या बात क्या हो रही है,
अरे तो फिर वो लोग भी कैश विड्रॉ करेंगे ना, तो उनमें टीडीएस नहीं आता है, क्योंकि बराबर ना, जो एटीएम का धंधा ही कर रहा है तो एटीएम को तो भरा हुआ रखना पड़ेगा, और एटीएम को भर के रखना है तो कैश तो विड्रॉ करना पड़ता है रिफिल करने के लिए, तो इसका भी चलेगा, टीडीएस नहीं आएगा। कितने लोग बोले सर ये व्हाइट लेवल एटीएम ही क्यों, नॉर्मल एटीएम हुआ तो। अरे नॉर्मल एटीएम तो इधर आ गया ना, ये क्या लिखा है, बी मतलब क्या, बैंक। अरे बैंक लोग विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस नहीं है, बोला ना। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, वो तो आईसीआईसीआई बैंक ही हो गया ना, वो तो पॉइंट इधर आ गया ना बी के अंदर। सो इधर बी बोला मतलब बैंक की कोई ब्रांच है कि बैंक का एटीएम है, वो आ गया ना, बैंक विड्रॉ करती है तो टीडीएस नहीं, पहले ही बोल दिया है। ये अलग से क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि बैंक नहीं है, कोई नॉन बैंकिंग लोग है, लेकिन एटीएम का धंधा कर रहे हैं, तो इन लोग एक तरह से बैंक जैसे दिख रहे गवर्नमेंट को, इसे इधर भी टीडीएस नहीं आएगा। फिर गवर्नमेंट अगर विड्रॉ करती कैश तो उसमें भी टीडीएस नहीं आता है, अगर विड्रॉ करने वाली गवर्नमेंट है। फिर अदर्स एज में भी नोटिफाइड, अब अदर्स में कौन कौन नोटिफाइड है उतना तुमको डिटेल में सीए इंटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे ही मुझसे रहा नहीं आ रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। फॉरेन करेंसी डीलर होते हैं ना, जो लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, तो उनको तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अगर फॉरेन करेंसी डीलर ज़्यादा कैश विड्रॉ कर लेता उसमें भी टीडीएस नहीं आता है। इस तरह से थोड़े और एक्सेप्शन है, लेकिन बिकॉज इन लोगों ने स्टडी मटेरियल में भी ज़्यादा दिया नहीं है, तो इसमें हम लोग नहीं घुस रहे हैं। लेकिन ये अदर्स की भी लिस्ट होती है, अदर्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, वो नोटिफाइड लोग भी अगर कैश विड्रॉ करते टीडीएस नहीं कटता है, ये एक्सेप्शन हो गया। फिर सुनो, एक अमेंडमेंट आया इसमें, इधर मैंने क्या बोला था, ये देखो इधर जिधर भी मैंने 1 करोड़ लिखा है ना, जिधर मैंने 1 करोड़ लिखा है ना, वो 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ हो जाएगा। अगर विड्रॉ करने वाला कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कैश विड्रॉ करने वाला अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जहां मैंने बच्चों को 1 करोड़ बताया वो 2 करोड़ हो जाएगा। मतलब कैसे, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइलर है तो 3 करोड़ तक नो टीडीएस, 3 करोड़ के ऊपर 2%, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन फाइलर है तो 20 लाख तक 0%, फिर 20 लाख से 3 करोड़ तक 2% एंड अबाउट 2 करोड़ 5%। अरे इन शॉर्ट जिधर जिधर 1 करोड़ है ना, उसको 1 करोड़ को चेंज करके 3 करोड़ करना है, लेकिन किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ। ओके, तो बी केयरफुल, क्वेश्चन में कोऑपरेटिव सोसाइटी आया ना, तो यही वाले टेबल में जहां मैंने 1 करोड़ लिखा है वो 3 करोड़ हो जाएगा। अरे ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, देखो मैंने लिखा इधर, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ की जगह पे 3 करोड़ है, तो अपना 194N हो गया। ओके, अब सुनो अगला सेक्शन, HIJK LMNO P ABCD आता है ना, LMNOON के बाद क्या आता है, ओ, तो 194O नाम का सेक्शन लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो LMNOPP पी वाला सेक्शन है, तो अपना अगला सेक्शन है 194P। सुनो 2 मिनट में खत्म हो जाए, एक सेंटेंस ध्यान से सुना, सुनो 194P पेंशन का टीडीएस है, पी फॉर पेंशन, पी फॉर पेंशन। तो सुनो एक रूल है, अगर मैं सीन देखो मेरा, अगर मैं एक बुढ़ा हूं, कैसा बुढ़ा हूं, 75 ईयर्स और मोर, अगर मैं एक 75 ईयर्स और मोर वाला बुढ़ा हूं और मेरा किसी बैंक में टाइम टू टाइम पेंशन आता है, सिर्फ बुढ़े लोग को पेंशन मिलता है ना, वो कैसे मिलता है, जिस कंपनी में नौकरी करता था कंपनी वाले उसका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा कर देते, तो मान लो मैंने जिस कंपनी से रिटायर हुआ था ना, बोला था मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरा टाइमली पेंशन इन लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्टली जमा कर देते। ओके, तो सी एक रूल है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन का, इधर सीनियर मतलब 75 ईयर्स एंड अबव वाला, उसका किसी बैंक में, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में टाइम टू टाइम पेंशन जमा कर होता है, तो बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन मिला है कि सीनियर सिटीजन का पेंशन जो आता है ना, उसका टीडीएस कट करके आप ही जमा कर दो, क्योंकि बुढ़े आदमी को हम कहाँ परेशान करेंगे, 75 ईयर्स का आदमी हो चुका है, अब वो अपनी बची हुई जिंदगी हेल्थ संभाले कि ये सब संभालेगा, लेकिन क्या करे, बूढ़े आदमी को इनकम आ रही है तो टैक्स तो चाहिए ना, लेकिन ये बूढ़े आदमी के ऊपर ही डालेंगे। लॉ ने क्या बोला है, इस बुढ़े का जिस बैंक में पेंशन क्रेडिट होता है, बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम उस आदमी का जो पेंशन आता है ना, उसमें पूरा टैक्स कैलकुलेट करो स्लैब रेट से। पेंशन बाय द वे कौन से हेड में आता है, सैलरीज,
क्योंकि 75 ईयर्स वाला बुड्ढा कोई नौकरी करता था ना, नौकरी के कारण पेंशन आया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसका इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करेंगे, पूरे साल में जितना भी पेंशन आया उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करो, सैलरी के हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे एंड फिर चैप्टर 6 से वगैरह कुछ हुआ, स्लैब रेट, मतलब बकायदा पूरा टैक्स कैलकुलेट करके भर देंगे। एंड फिर इस सीनियर सिटीजन को क्या बोला है, तेरा देख टैक्स बैंक वालों ने काट के भर दिया है, अब रिटर्न भरने का काम है, वो तेरे को माफ़ कर दिया, रिटर्न मत भर चलेगा। अरे हर इंसान को इनकम टैक्स में दो काम करने पड़ते, टैक्स भरो रिटर्न भरो। सी टैक्स भरो में तो पैसे भरो, रिटर्न भरो में फॉर्म भरो। तो सी टैक्स भरने का काम बैंक कर दिए, अब रिटर्न का एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो भरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सी फॉर्म भरवा के क्या करना है, वैसे भी टैक्स का ही मेन है ना, तो टैक्स तो बैंक वालों ने कैलकुलेट करके प्रॉपरली जमा कर दिया है, और ये टैक्स प्रॉपर कंप्यूटेशन होगा स्लैब रेट्स के हिसाब से। और इधर स्लैब रेट भी दो टाइप की होती है, ओल्ड रिजीम वाली और 115 BAC वाली। तो जो बूढ़ा आदमी है ना 75 ईयर्स वाला, वो बोलेगा मेरे को 115 BAC वाला अच्छा लगता है, तो बैंक वाले वो हिसाब से TDS काटेंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी बोले नहीं नहीं, ये 115 BAC वगैरह क्या है, मैं ओल्ड आदमी हूँ, मैं ओल्ड रिजीम ही पसंद करता हूँ, मतलब 2,50,000 वाला। तो बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर बैंक वो हिसाब से TDS काटेगा। ओके, लेकिन सी इस सेक्शन क्या चल रहा है, 194P, इस सेक्शन में शर्त है 75 ईयर्स वाला जो बुड्ढा है ना, उसकी और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम उसी बैंक में से, जिस बैंक में उसका पेंशन जमा होता है ना टाइम टू टाइम, उस बैंक में इंटरेस्ट इनकम वह चलेगा, लेकिन और कोई कमाई के सोर्सेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि सी उसके और कोई कमाई के सोर्सेज हो गए ना, तो मेरी बैंक का काम बढ़ जाएगा ना, मतलब मेरा बैंक, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उधर मेरा पेंशन जमा हो रहा है, और ये बूढ़ा आदमी है ना हज़ारों जगह से कमाते रहता है, तो फिर बैंक को बाद में पता कैसे चलेगा इसकी दूसरी इनकम क्या है, और बैंक को बोलेगा नहीं तू बूढ़े को पूछ तेरा और क्या इनकम है, तो बैंक बोलेगा भाई ज़्यादा हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी उस बूढ़े आदमी का टैक्स कैलकुलेट करके जमा कर रहे हैं, काम बढ़ा हुआ है ना, तो हम लोग उसकी दूसरी इनकम का पता ही नहीं लगाएंगे। इससे लॉ ने क्या बोला है, जिस बूढ़ों की दूसरी बहुत सारी इनकम है ना, उसके लिए सेक्शन नहीं है। कौन सा सेक्शन, 194P। ये कैसे बुढ़े लोग के लिए, जिसकी पेंशन के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, है भी तो इंटरेस्ट इनकम है, और वो भी उसी बैंक से, जिस बैंक में उसका पेंशन जमा हो रहा है ना, उसी बैंक में इंटरेस्ट इनकम आएगा चलेगा, सो डेट उस बैंक को पता रहे, उस बैंक को पता ना रहे ऐसी कोई इनकम, तो फिर बाद में ऑपरेट नहीं हो पाएगा ना। ये सेक्शन क्या चाहता है, इस बूढ़े आदमी का जो आता है ना भर भरा के ख़त्म करो, ताकि बूढ़ा आदमी फ्री हो गया। लॉजिक क्या है, बूढ़े आदमी को बुढ़ापे में परेशान नहीं करना है। तो सी इधर क्या क्या याद रखना है, सीन से याद करो इजी होगा, अपने आप को ऐसे इमेजिन करो, अगर मैं 75 ईयर्स का बुढ़ा हूँ, 75 ईयर्स और मोर, ओके, और रेसिडेंट होना चाहिए, सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट। खैर TDS के पूरे चैप्टर में क्या है, जिसकी इनकम है वो रेसिडेंट ही है, नॉन रेसिडेंट लोग का तो TDS का सेक्शन ही अलग है ना। तो सी इमेजिन करो, मैं 75 ईयर्स का बुढ़ा हूँ, मेरे को पेंशन इनकम मिल रही है, और कोई इनकम नहीं है, और है तो भी मेरे पास इंटरेस्ट इनकम है, वो भी किस बैंक से, उसी बैंक से जहाँ मेरा पेंशन जमा होता है, एंड फिर जिस बैंक में पेंशन जमा हो रहा है वो बैंक को काम दिया है कि वो पेंशन की मदद से उसका पूरा टैक्स कैलकुलेट करो स्लैब रेट्स के हिसाब से, और उसमें चैप्टर 6 से रिबेट विबेट जो भी होता है सब करो, मतलब प्रॉपर टैक्स कंप्यूट करके जमा कर दो। और बैंक वालों ने एक बार TDS के फॉर्म में जमा कर दिया, तो उस बूढ़े आदमी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। फिर ये देखो, ये सीन देखो, 75 ईयर्स और मोर का बुढ़ा है, और उसका कोई बैंक में पेंशन आता है टाइम टू टाइम, एंड क्या लिखा, ही शुड हैव नो अदर इनकम। यस, ही कैन हैव इंटरेस्ट इनकम इन दैट सेम बैंक जहां पेंशन जमा हो रहा है, बट नो अदर इनकम अदर देन दैट। स्लैब रेट्स के हिसाब से TDS काटेंगे, कौन काटेगा, बैंक वाले काटेंगे, कोई भी बैंक हो सकता है, मैं तो ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल लिया था। एंड फिर सच बुड्ढा आदमी नीड नॉट फाइल द रिटर्न। ओके, तो ये था 194P, याद कैसे करें, पी फॉर पेंशन। ओके, फिर देखो, वन पी हो गया, फिर अगला सेक्शन है क्यू। तो सी स्क्रीन पर बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरे को देखो, मैं पहले बाद में मेरा नोट्स होता है। ओके, तो ये देखो, मान लो मैं ना गुड्स परचेस कर रहा हूँ,
गुड्स परचेस 50 लाख से ज्यादा गया उसमें भी टीडीएस है। जैसे मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते तो परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी को टीडीएस काटना पड़ता है 50 लाख और मोर हुआ तो वैसे गुड्स परचेस करने में भी टीडीएस है। और इधर भी 50 लाख का रूल है कि अगर मैंने किसी से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स लिया है, मान लो मेरी कोई खिलौनों की दुकान है तो मेरे लिए स्टॉक खिलौने है, या फिर स्टेशनरी की दुकान है तो मेरा स्टॉक स्टेशनरी है, तो मेरे को सप्लायर लोग होंगे। और अगर मैंने एक ही सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा का परचेसिंग किया है एक ही जन से, तब इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटता है टीडीएस? टीडीएस हमेशा पेयर काटता है, और गुड्स परचेस के ट्रांजेक्शन में बायर होता है ना, बायर इज द पेयर। तो बायर जब पेमेंट करेगा ना अपने सप्लायर को तो उसमें 0.1% टीडीएस काटेगा, वो भी 50 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा परचेज है उसका, पूरे का नहीं। जैसे मान लो मैंने 60 लाख का गुड्स परचेज किया है, आई रिपीट, एक ही जन से लिया होगा, तो मल्टीपल लोगों से लिया है तो नहीं। सी टीडीएस के चैप्टर में जनरलाइज कर दो, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट से पर्सन वाइज है, तो एक ही जन से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स लिया मान लो 60 लाख का, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन कितने पे? 50 लाख को कट कर बैलेंस ऊपर एक्स्ट्रा 10 लाख है तो उसका 0.1% टीडीएस कट करना, 0.1%। लेकिन कंडीशन क्या मालूम है? जो गुड्स का बायर है ना, जैसे मैं गुड्स बाय कर रहा हूं, मेरा गया साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं गुड्स का बायर हूं और मेरा गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट मेरे को टीडीएस के झमेले में डालना नहीं चाहती है। लेकिन अगर तू ऐसा बायर है, एक तो तू 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स खरीद लिया और उसमें भी तेरे गए साल के टर्नओवर को देखेंगे तो 10 करोड़ के ऊपर था, तो भाई तू तो बिग शॉट आदमी है। तो तू भाई जब अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के देना। तो टेल मी इधर क्या क्या याद रखना है। एक ही जन से गुड्स खरीदा, पहले तो गुड्स खरीदा है एक ही जन से 50 लाख से ज़्यादा, और उसमें गुड्स का खरीदार का गया साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो टीडीएस काटना है। कौन काटेगा? बायर। 50 लाख छोड़ के बैलेंस पे 0.1% खत्म, 194 क्यों हो गया। यही चीज जो मैं एनैक्ट कर रहा था ना, उसका विजुअल्स देखो। बायर ऑफ द गुड्स, गुड्स बाय किया और उसका टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़ से प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, मतलब प्योर सेल्स प्रीसीडिंग ईयर का, एंड फिर उसने सेलर को पेमेंट किया था, इधर वो पैसा जा रहा है और पेमेंट इज मोर देन 50 लाख, तो 0.1% टीडीएस कटेगा ऑन दी एक्सेस। सी मैंने क्या बताया था, एक अमाउंट को निकाल के एक्स्ट्रा के ऊपर ही टीडीएस आता है, ऐसा 3 पॉइंट आएंगे। बाकी सब में क्या होता है, लिमिट क्रॉस होते ही पूरे पे आता है ना, लेकिन तीन जगह पूरे पे आता है कि एक्सेस पे। एक तो कैश विड्रॉल था, फिर ये दूसरा 194 की हो गया, एक और आएगा वो तो टीसीएस के टॉपिक में आएगा। ये हो गया, फिर सुनो नेक्स्ट सेक्शन देखना क्या, ये 194 क्यू था, फिर नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आर। मालूम रांची इसमें एक सेक्शन था, तो सी अभी स्क्रीन पर मत देखो, पहले मैं बता देता, लुक हियर, स्क्रीन पर देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। स्क्रीन पर क्यू दिख रहा है लेकिन मैं आर पढ़ा रहा, आर ये देखो 194 आर क्या बोलता है, किसी भी बिजनेसमैन को परक्यूजिट्स दिया, परक्यूजिट्स वो भी बिजनेसमैन को, क्योंकि सी एम्प्लॉई को सैलरीड आदमी को परक्यूजिट देते ना, देन तो इट बिकम्स इनकम फ्रॉम सैलरी, और सैलरी का तो टीडीएस 192 में आता है। तो अभी एक एम्प्लॉई को जो परक्यूजिट मिलते हैं ना वो मत याद करो, वो 192 में आ जाता है। एक बिजनेसमैन को परक्यूजिट मिल रहा है, और बिजनेसमैन को परक्यूजिट मिल रहा है मतलब कितने लोग को ये शॉकिंग लगता है, भाई परक्यूजिट मतलब जनरल चीज है, ऐसे नहीं कि नौकरी में ही मिलता है। परक्यूजिट का मतलब क्या है, तेरी जो मेन कमाई है ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिला है, एनीथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन फर्क क्या है, नौकरी करने वालों की मेन कमाई पगार होती है, मंथली पगार, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मिला परक्यूजिट है ना। इधर नौकरी करने वाले को परक्यूजिट मिला कि बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन, और हर बिजनेसमैन का मेन चार्ज होता है, उसकी मेन फीस होती है, उसके चार्जेस होते हैं, तो उसको अपने चार्जेस के अलावा जो ऊपर मिला परक्यूजिट। जैसे एग्जांपल, एक वकील है, वकील जो अपने क्लाइंट से चार्ज करता है वो क्या होता है, फीस। तो वकील अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करता है वो तो उसकी मेन कमाई है, लेकिन उसको अपनी फीस मिलने के बाद
एक्स्ट्रा ऊपर कुछ मिल गया, सिंगापुर के एयर टिकट, दुबई की फ्री एयर टिकट मिल गई, क्यों मिली वकील को? क्योंकि वकील ने अच्छा काम किया होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके बढ़ा तो मान लो मेरा एक लॉयर है, लॉयर ने ना मेरे को केस जीता दिया और मैं तो खुश हो गया, वाह केस में फंसा हुआ था और वकील ने अपना दिमाग लड़ा के केस मुझे जिताया, तो मैं वकील को वकालत की फीस तो दूंगा। तो फीस इज नॉट परक्यूज़, वो तो उसकी मेन इनकम है। लेकिन सिंस मैं खुश हो गया ना कि भाई तूने मुझे केस जिताया, तो मैंने खुशी से उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया। बस वो जो एक्स्ट्रा चीज देते हैं ना उसी को बोलते हैं परक्यूज़िट। परक्यूज़िट मतलब एडिशनल बेनिफिट। तो टेल मी इधर क्या होगा, सुनो, मैंने उसको जो फीस दी ना उसका तो 190 वो जे में TDS आएगा। अरे कहाँ से जे आ गया, लॉयर प्रोफेशनल फीस, तो उसका तो 190 वो जे में आएगा। और 190 वो जे में क्या था, 30,000 के ऊपर दिया तो 10% TDS काटो, वो अलग है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि वकील को मैंने फीस देने के अलावा उसको मैंने एक्स्ट्रा एक फ्री सिंगापुर की एयर टिकट दे दी। उसको बोला चल तू सिंगापुर घूम के आ, फैमिली के साथ मजा कर, तूने केस लड़ा जीता दिया मेरे को यार, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू यार। तो उसको मैंने फ्री सिंगापुर की एयर टिकट दे दी। अब है ना वो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ दी ना उसको सिंगापुर की एयर टिकट, उसका TDS आएगा। तो इसके लिए पता है देखने का कि उसको जो सिंगापुर घूमने की एरोप्लेन की टिकट दी उसका वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू 20,000 के ऊपर हुई तो ही TDS कटेगा। तो टिकट का प्राइस तो पता ही होता है ना। तो मान लो मैंने उसको जो फ्री सिंगापुर की एयर टिकट दी उसकी वैल्यू 50,000 है, मतलब 20,000 से ज़्यादा है, तो TDS आएगा। और इसमें TDS क्यों रखा है मालूम है, क्योंकि वकील मेरे एग्जाम्पल में जो था ना वो शायद क्या अपने को वकालत की फीस है ना वही इनकम में दिखाएगा। ऊपर जो क्लाइंट ने खुश होके एक्स्ट्रा चीज दी है ना लोग दिखाते ही नहीं है। अरे बिजनेसमैन लोग की स्टाइल है, उनको कस्टमरों से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना तो कायदे के हिसाब से तो वो भी उनकी इनकम है, वो भी उनको दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाते नहीं है ना। भारत में चोरी बहुत है, तभी तो TDS ने जन्म लिया है। तो गवर्नमेंट को डर क्या, वो वकील क्या अभी अपनी वकालत की फीस तो इनकम में दिखा देगा, लेकिन उसको सिंगापुर घूमने का जो टिकट मिला है वो इनकम में दिखाएगा ही नहीं, जबकि उसको वो भी इनकम में शो करना चाहिए। लेकिन लोग शो नहीं करते, इसे TDS काट दो। लेकिन पता है इसमें TDS कैसे कटेगा, सिंगापुर की टिकट मिली है तो उसमें TDS कैसे कटेगा, ये मनी है कि इन काइंड है, इन काइंड। क्योंकि सी इधर टिकट है, पैसा दिया होता तो कम पैसा दे देते कट करना है तो, लेकिन इधर फ्री सिंगापुर की एयर टिकट है तो इधर पता है वकील को क्या बोलेंगे, देखिए ये 50,000 की एरोप्लेन की टिकट है सिंगापुर घूमने की, उसका 10% निकालो। इधर 10% रेट है, तो 10% 50,000 का कितना हो गया 5,000। तो मैं वो लॉयर को बोलूँगा 5,000 रुपीज़ का तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, वो टैक्स भर, उसका मुझे प्रूफ दिखा, फिर तुझे मैं सिंगापुर की टिकट दूंगा। तब तक ये टिकट मैं नहीं देने वाला तेरे को, ये मेरा फ़र्ज़ है। TDS काटना किसका फ़र्ज़ होता, पेयर। तो मैं पेयर हूँ ना, मैं उसको सिंगापुर की टिकट दे रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आई शुड एंश्योर कि उसका जो TDS बनता है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टिकट ही शुड पे, एंड ओनली इफ ही पेज देन ओनली आई विल रिलीज द टिकट। और सी ये सिंगापुर की एयर टिकट एग्जाम्पल था, वकील भी एग्जाम्पल था, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो टोटली नया एग्जाम्पल अभी, हाँ मान लो मेरे सप्लायर लोग हैं, वो सप्लायर लोग हैं ना इतने प्यारे हैं ना, मुझे उनसे प्यार हो गया, मतलब कभी भी टाइम पे सप्लाई ना करे ऐसा होता ही नहीं है, हमेशा जब ऑर्डर प्लेस किया माल मेरे पास हाजिर होता है। अरे गुड्स के सप्लायर हमेशा इन लोग गुड्स टाइम पे डिलीवर करते हैं, तो मुझे बहुत बार ऐसा लगा यार मेरा सप्लायर कितना प्यारा है, नहीं तो कितने सप्लायर तो ऐसे ना ऑर्डर प्लेस करते माल ही सप्लाई नहीं करते। तो मुझे सप्लायर पे दिल आ गया, तो मैंने उसको खुशी से आईफोन गिफ्ट कर दिया। उसको बोला चल तू सप्लाई करता है ना तो तेरी गुड्स की सप्लाई का तो पैसा देता ही हूँ, एक आईफोन दे दिया। अब वो आईफोन सप्लायर को दिया तो वो क्यों, बिकॉज ऑफ बिजनेस रिलेशन। लेकिन क्या शायद वो आईफोन जो सप्लायर को मिला वो इनकम में नहीं दिखाएगा, तो आईफोन का भी TDS काटना पड़ेगा। कैसे, उस सप्लायर को बोलूँगा देख मैंने तेरे को खुशी से 1,00,000 का आईफोन तो दे दिया है, लेकिन तेरे को उसका 10% टैक्स भरना पड़ेगा, तू भर, फिर मैं तेरे को आईफोन दे दूंगा फ्री में। अरे अलग एग्जांपल हो गया, मतलब इन शॉर्ट क्या है, अपने से बिजनेस में जो भी जुड़े हुए हो, चाहे मेरा वकील हो कि मेरा सप्लायर हो कि कोई भी हो कि मेरा एडवर्टाइजर ही क्यों ना हो, कोई सामने वाला बिजनेस एंटिटी होना चाहिए।
सी मैं तो दे रहा हूँ उसको खुशी से कुछ एक्स्ट्रा, चाहे मैं सिंगापुर घूमने की टिकट दूँ कि आईफोन दूँ, किसको दे रहा हूँ? कोई ऐसा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशनल है, सैलरीड नहीं होना चाहिए बस, ही शुड बी सम बिजनेस करने वाला प्रोफेशनल बंदा। एंड फिर उसको मैंने खुशी से कुछ एक्स्ट्रा दिया और उसकी वैल्यू 20,000 के ऊपर होनी चाहिए और 10% आएगा। और ज़रूरी नहीं कि खुशी से उसको एरोप्लेन की टिकट आईफोन दूंगा, शायद पैसा भी दे दूँ। पैसा दिया तो काम और सिंपल है कि 100 देने वाला है तो 90 दे दे, के 100 में तो टीडीएस आएगा भी नहीं, 20,000 के ऊपर होना चाहिए अमाउंट। ये देखो, इट शुड बी मोर देन 20,000। सी इसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और बेनिफिट की वैल्यू शुड बी मोर देन 20,000। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, और 10% TDS आता है। लेकिन इधर देखो क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग स्मॉल इंडिविजुअल अचीवर। ये कौन है, ये पेयर है, पेयर रिपेयर है ना, तो पेयर कैसा होना चाहिए, बिग होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। और वो तो मैंने बता दिया था ना, रांचीज वाले सेक्शन में स्मॉल लोग को बख्शा है, तो ये रांचीज का आर ही तो है ना, तो बिकॉज ये रांचीज वाला सेक्शन है तो इधर छोटों को बख्श दिया है। तो टेल मी, मेरे वाले एग्जाम्पल में जिस वकील को मैंने सिंगापुर घूमने की एयर टिकट दी, वो वाले एग्जाम्पल में अगर मैं एक स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ हूँ, मतलब मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं, है भी तो छोटा बिजनेस है, एंड फिर मैं उसको सिंगापुर घूमने की टिकट दे रहा हूँ ना, तो TDS का कंप्लायंस नहीं आएगा, बिकॉज आई एम अ स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ। ओके, तो अगर पेयर स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ है देन नो TDS। ओके, तो ये 194R था। पता है आर को याद कैसे करते हैं, परक्यूजिट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर, तो र का साउंड आ गया ना। अरे परक्यूजिट का TDS है, तो परक्यूजिट के साउंड में किसका डोमिनेंस है, पर, र का साउंड है, र फॉर आर। इसके पहले क्या था, 194Q था, गुड्स परचेज था। इसके पहले था 194P, पेंशन का था, PQR हुआ। ओके, तो इसी अपने सेक्शन वाइज नोट्स चल रहे थे ना, वो खत्म हो चाहिए। देखो अपना OMR शीट था ना, OMR शीट, अब OMR शीट को अपने पूरा कंप्लीट कर देते। ये देखो, आज मैंने आके अदर सेक्शन पे ध्यान दो, मैंने 194IB करवा दिया, फिर 194M करवाया। IB और M में अपना स्लोगन क्या था, छोटा मुंह बड़ी बात था ना, फिर 194N करवाया, कैश विड्रॉल। अरे IB रेंट का था, M किसका था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल और अदर कमीशन 50 लाख के ऊपर हुआ तो। फिर N क्या था, कैश विड्रॉल। फिर 194P क्या था, पेंशन का TDS था, 75 ईयर्स और मोर वाला बुढ़ा। 194Q था, ये Q क्या था, गुड्स परचेज 50 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट पे 0.1% आएगा। और ये R क्या था, परक्यूजिट्स। तो अपने सेक्शन वाइज नोट्स के अंदर सब खत्म हो चुका। ओके, ये हो गया। अब देखो, TDS का चैप्टर मैंने 3 हिस्सों में बताया था, CD वक्रफ CP, पेयर रिसीवर। इसको याद कैसे करते, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP, CD वक्रफ CP। फिर इसके बाद सेक्शन वाइज नोट्स हो गया अपना। अब जनरल नोट्स, अब जनरल नोट्स में देखो क्या पढ़ते हैं अपने को। लुक, जनरल नोट्स में ना ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो हर सेक्शन में कॉमन है। जनरल मतलब कॉमन, कॉमन पॉइंट्स। तो ये देखो, इधर है ना, इतने पॉइंट्स अपने को देखने होते हैं, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेन टू डिडक्ट TDS, मतलब TDS काटना कब होता है, फिर डिपॉजिट कब करना होता है। ये देखो, दो पॉइंट दिख रहे इधर, वेन टू डिडक्ट, वेन टू डिपॉजिट। इसको सिंपल भाषा में बताऊं क्या है, बुक्स में TDS पेबल की लाइब्रेरी कब खड़ी करनी है, फिर वो खड़ी हुई लाइब्रेरी को चुकाना कब है। इंग्लिश में वो ही बोलते हैं, वेन टू डिडक्ट, वेन टू डिपॉजिट। तो पता है वेन टू डिडक्ट का मतलब क्या, वेन टू डिडक्ट मतलब बुक्स में लाइब्रेरी क्रिएट करना। लाइब्रेरी क्यों है, अरे TDS जमा करना लाइब्रेरी अपना। ये देखो, अगर मैं किसी को पे करूंगा तो उसको तो मैंने काट के दे दिया, लेकिन कटा हुआ अमाउंट मुझे जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, तो मेरे सिर पे तो लाइबिलिटी सवार है ना। ओके,
तो वो लाइब्रेरी बुक्स में कब रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और जिस दिन बुक्स में लाइब्रेरी क्रिएट होती है ना, उसको बोलते हैं मैंने टीडीएस काटा। एंड फिर डिपॉजिट कब करना चाहिए उसका रूल अलग है। ओके, सी डिपॉजिट करने का रूल सिंपल है, जब बुक्स में लाइब्रेरी खड़ी हुई ना, उसके अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कर दो। बट अगले महीने की 7 तारीख अगला महीना किसको लेके, डिपेंड्स अपॉन बुक्स में लाइब्रेरी कब खड़ा हुआ है। तो यही क्रूशियल है ना कि बुक्स में लाइब्रेरी कब खड़ा होना चाहिए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जून में, वो कब बुक्स में लाइब्रेरी खड़ी होनी चाहिए वो मैं सिखाऊंगा। फिर एक बार बुक्स में लाइब्रेरी खड़ी हुई ना, तो चाहे वो जैन के महीने में हुई के जून के महीने में, मुझे अगले महीने की 7 को डिपॉजिट करना है। हाँ, अगर मार्च के महीने में लाइब्रेरी खड़ी होती है ना, तो अगले महीने की 30 होता है, क्योंकि सी मार्च का महीना होता है ना तो ईयर एंडिंग आता है, और ईयर एंडिंग आता है तो हर बिजनेसमैन ऑलरेडी बहुत बिजी होता है। तो लॉ ने क्या बोला है कि अगर मार्च महीने में कोई टीडीएस जमा करने का आ रहा है, तो वो अगले महीने की 7 के बदले अगले महीने की 30 को जमा करेंगे तो भी चलेगा। तो इधर से बच्चों को दो चीज़ याद रखनी है, कभी अगले महीने की 7 को जमा करना होता है, तो कभी अगले महीने की 30। बट अगले महीने के अगले का मतलब क्या है, अगला डिपेंड्स अपॉन तूने बुक्स में लाइब्रेरी कब खड़ा किया है, और बुक्स में लाइब्रेरी कब खड़ा करना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं तुमको बताऊंगा अभी। तो सी एक बार ये समझ गया ना कि बुक्स में लाइब्रेरी कब क्रिएट करना है, तो बस बाद में सिंपल है। अगला पॉइंट तो सिंपल है, उसमें तो क्या है, जब बुक्स में लाइब्रेरी क्रिएट हुई अगले महीने की 7 को जमा कर दो। और अगले महीने की 7 मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा उतावली नहीं हो रही है कि ठीक है टीडीएस का लाइब्रेरी खड़ा हो गया ना, ऐसे नहीं कि तुरंत जमा कर दो, अगले महीने की 7 तारीख को करे चलेगा, वो भी मार्च महीने में लाइब्रेरी खड़ा हुआ है तो अगले महीने की 30। अब देखो लाइब्रेरी कब खड़ी करते, उसके लिए देखो रूल है, वेन टू डिडक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ इधर, मैं क्या सिखाऊंगा, बुक्स में टीडीएस पेबल की लाइब्रेरी कब खड़ी करते। ओके, तो सी ये रूल है इसका, पढ़ो। एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड और एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर। पेमेंट की बात क्यों हुई, क्योंकि टीडीएस पेयर को काटना है, तो पे करते तो उसमें काटते हैं ना, और टीडीएस काटते हैं तो अपने को गवर्नमेंट के जमा करना मेरी लाइबिलिटी है। लेकिन वो बुक्स में लाइबिलिटी कब शो होती है, ये देखो, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मीनिंग समझाने के लिए छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन रूल क्या था, पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर। तो ये देखो इसका ऐसे करते, लुक ये देखो, मान लो मेरा एक रेंट है, ये क्लासेस यूज करता हूँ ना मैं, तो क्लासेस का मुझे रेंट देना पड़ता है। अब मान लो रेंट मेरा 3 जून को ड्यू हो गया था, 3 जून को स्क्रीन पर देखो रेंट ड्यू हो गया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने ओनर को बोला अभी पैसा नहीं है बाद में दूंगा चलेगा, तो उससे लो ओके, घर की बात है कोई घाई थोड़ी है। अरे मतलब मैंने रेंट पे किया कि आउटस्टैंडिंग रखा, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या अकाउंट्स में हमने क्या सीखा, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो भी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो एंट्री क्या आएगी इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, और मैंने पे कर दिया होता तो टू बैंक अकाउंट आता, लेकिन पे किया कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। तो मैंने उधर पार्टी का नाम लिख दिया, मान लो मिस्टर आर मेरा पार्टी है जिसको मुझे रेंट देना पड़ता है। ओके, राजेश भाई नाम का आदमी, राजेश भाई, जैसे मैं जगह का रेंट राजेश भाई को देता हूँ ना, तो राजेश भाई का नाम इधर लिख दिया, टू राजेश भाई अकाउंट। इसको बोलते पार्टीज अकाउंट को क्रेडिट किया, पार्टी कौन, मेरा पार्टी, रेंट वाला पार्टी कौन, राजेश भाई। ओके, फिर ये तो 3 जून को आउटस्टैंडिंग था ना, फिर बाद में मैंने राजेश भाई का रेंट चुका दिया, कब चुकाया, 25 अगस्त को, तब एंट्री क्या आएगी, राजेश भाई की लाइबिलिटी कैंसिल बुक्स में से टू बैंक अकाउंट। इसको बोलते हैं एक्चुअल पेमेंट। अब रूल क्या बोलता है, टीडीएस का लाइबिलिटी कब दिखाना है इसमें। अरे मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 जून को टीडीएस की लाइब्रेरी खड़ी करूं के 25 अगस्त को, तो उसके लिए वही तो रूल क्या लिखा है, विच एवर इज अर्लियर था ना, विच एवर इज अर्लियर, तो करो विच एवर इज अर्लियर। 3 जून 25 अगस्त में से अर्लियर क्या आता है, 3 जून पहले आ गए ना, तो मुझे 3 जून के दिन टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये देखो टीडीएस काटने का रूल है ना, काटना पड़ेगा, और काट के लाइब्रेरी खड़ी करनी है। तो ये देखो 3 जून को मैं टीडीएस कैसे काटूंगा, नहीं तो काट के बताओ, ये देखो काट रहा हूँ, ये देखो राजेश भाई को काट दिया, कट गए राजेश भाई, देखो 100 रुपये के राजेश भाई थे, कितने हो गए,
90 हो गए, इसको बोलते हैं टीडीएस काटा। और काट के मैंने बुक्स में टीडीएस पेबल की लाइब्रेरी खड़ी की। ये मैं नीचे वाली एंट्री में भी कर सकता था, लेकिन चॉइस नहीं है अपने पास। कानून में क्या लिखा है, ऊपर वाली एंट्री, नीचे वाली एंट्री, कौन सी वाली एंट्री, विच एवर इज अर्लियर का रूल ही है। तो इधर 3 जून और अगस्त में अर्लियर क्या था, जून। तो 3 जून को मैंने बुक्स में लाइब्रेरी खड़ा किया है। और विच एवर इज अर्लियर का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट बोलती है भाई तू रेंट के लिए सामने वाले को तड़पा रहा है और सामने वाला तड़प भी रहा है, तड़पने दे। लेकिन हम टीडीएस के लिए नहीं तड़प सकते, हमको तो रेंट ड्यू होते ही टीडीएस तुरंत चाहिए। जैसे रेंट का खर्चा जन्म लिया, खर्चे के जन्म से हमको टीडीएस चाहिए। हाँ ठीक है, तेरा राजेश भाई जिसको तू रेंट देता है उससे तेरा अच्छा रिश्ता होगा, वो कोऑपरेटिव है, वो तेरे रेंट पे करने का इंतजार कर सकता है, लेकिन उसको इंतजार करने दे, हम क्यों इंतजार करें। हमको तो रेंट का जैसे जन्म हुआ, रेंट का जन्म कब हुआ, 3 जून को, हाथों हाथ टीडीएस का लाइबिलिटी खड़ा कर दे। सी गवर्नमेंट इतनी भी बुक कर दी कि 3 जून को ही दे दे, 3 जून को खाली लाइब्रेरी खड़ी कर दे, चुकाना भी नहीं है। टीडीएस कब चुकाना, आराम से अगले महीने की 7। अगले महीने के मतलब जून का अगला महीना क्या होता है, जुलाई। अब सी 3 जून को मत देखो, ये 3 जून है कि 13 जून है कि 30 जून नहीं देखने का। जून में लाइब्रेरी खड़ा हुआ ना, मतलब लाइब्रेरी खड़ा किया ना, अभी उसको चुकाना कब है, अगले महीने की 7। तो ये तो अगले महीने की 7 कैसा होता है, क्या लिखा है, 7th of July। और जुलाई क्यों लिया, क्योंकि जून है ना इसलिए। ओके, तो 7th जुलाई को। और जब मैं टीडीएस डिपॉजिट करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं पूछते रे ऐसे खाली सीखने के लिए। जो टीडीएस की लाइब्रेरी खड़ी हुई थी वो चुकता हो जाएगा तो क्या आएगा, एंट्री टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। ये देखो एंट्री भी पास कर दी है, बाय 7th of next month ये एंट्री आएगी, टीडीएस पेबल टू बैंक। सी मैं एंट्री से क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि समझे अपने को। ओके, बाकी जर्नल एंट्री वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तुमको तो खाली इतना याद रखना है विच एवर इज अर्लियर। और सी विच एवर इज अर्लियर का मतलब में क्या है, कि अगर रेंट ड्यू होने के पहले मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, जैसे राजेश भाई को बोला, राजेश भाई मेरे पास बच्चों से बहुत ज़्यादा ही फीस आ गई है, आप एक काम करो आपका अगले साल का रेंट भी रख लो। अरे मैंने उसको अगले साल का रेंट नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी दे दिया। तो गवर्नमेंट इसमें भी मुंह मारती है, गवर्नमेंट बोलती है जब राजेश भाई को रेंट मिल गया तो हम क्यों वेट करें, टीडीएस तो रेंट का है, तो रेंट कमाने वाले को अगर एडवांस में रेंट मिल गया तो हमारा टीडीएस भी एडवांस में दे दो। अरे विचर इज अर्लियर हो गया ना। फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोले रेंट तो फ्यूचर है, होने दो फ्यूचर का, जब राजेश भाई को रेंट मिल गया तो हमारा भी टीडीएस दे दो, शुभ काम में देरी किस बात की, इससे विचर इज अर्लियर होता है। कंक्लूजन क्या बताओ, बुक्स में लाइब्रेरी, तुम लोग देखो रेड कलर मैंने क्यों यूज किया है, ये बताता है कि टीडीएस काटा, और इसको बोलते हैं डिपॉजिटा, डिडक्टा डिपॉजिटा है ना, ये दिन को टीडीएस डिडक्ट किया। और डिडक्ट की फीलिंग आएगी, देखो 100 कट हो गया ना, एक से ना मेरी ये एंट्री चेंज हो जाएगी। अरे राजेश भाई को मैंने काट के कितना कर दिया था, ये दो राजेश भाई कटे हुए 90 हो गए ना, तो अभी राजेश भाई को जब एक्चुअल पेमेंट होगी, देख नीचे तो एक्चुअल पेमेंट कितनी होगी, 90। अरे पहले तो मैंने ऐसी एंट्री पास कर दी थी ना यार टीडीएस के बगैर, अभी टीडीएस आ गया तो पेमेंट थोड़ी 100 का होगा, कितने का होगा, 90 का, तो ये कट करना पड़ेगा, ये 100 के जगह मैं उनको 90 का पेमेंट करूंगा, समझा। तो ये था, लेकिन सुनो अगर ये जून की जगह मार्च महीना होता ना, तो अगले महीने की 30 मतलब 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक जमा होना चाहिए, बट वो मार्च हुआ। तो अब सुनो, ये रेंट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ ये सबके लिए कॉमन रूल ले दो। जनरल नोट्स मतलब क्या है, जनरल मैं पढ़ाते टाइम भले रेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन इसको तुम लोग जनरलाइज कर दो, चाहे रेंट हो के कुछ भी हो, टीडीएस का लाइबिलिटी कब खड़ा करने का, एट द टाइम वेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब एट द टाइम वेन इट इज पेएबल और एट द टाइम वेन इट इज एक्चुअली पेड। पेमेंट भी होता है टीडीएस, तो या तो जब पेएबल होता है पार्टी को क्रेडिट किया तब, या फिर जब एक्चुअल पेमेंट किया तब, विच एवर इज अर्लियर, तभी बुक्स में लाइब्रेरी खड़ी होती है। और डिपॉजिट कब करना है,
अगले महीने की 7 और मार्च महीना हुआ तो अगले महीने की 30। अब सुनो, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये केस में क्या होता है, TDS एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे काटना होता है। और ये केस में ये दो पढ़ो क्या लेगा, TDS कब काटने का है, एक्चुअल पेमेंट के टाइम। और एक्चुअल पेमेंट के टाइम वो तो पता है क्या होगा, ये देखो लुक किधर गया मेरा, ये देखो एक्चुअल पेमेंट के टाइम TDS काटा तो ये देखो स्क्रीन पर देखो ना, मैंने जो TDS पेबल की लाइबिलिटी ये वाली एंट्री में की थी ना, उसकी जगह पर देखो चेंज क्या होगा, लुक प्लीज देखना स्क्रीन पर कुछ होने वाला है, ये नीचे आ जाएगा। एक सेकंड, गलत हो गया, ये देखो नीचे दिख रहा है, शिफ्ट हो रहा है। TDS पेबल को देख, ये पहले मैंने ऊपर वाली एंट्री में डाला था विचर इज अर्लियर के हिसाब से, लेकिन कोई कोई केस में क्या होता है, विच एवर इज अर्लियर नहीं, एक्चुअल पेमेंट। ये देखो पेमेंट कब हुआ था, 25 अगस्त को हुआ था ना, तो इस दिन TDS का लाइबिलिटी खड़ा होगा। ओके, मतलब नीचे वाली एंट्री में आएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, ये देखो ऐसा कब होगा ना, उसके लिए देखो एक्सेप्शन है, SWCL सैलरीज विनिंग्स कंपल्सरी एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन कैश विड्रॉवल लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। पता लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पे क्लेम मिलता है बिग प्रीमियम पॉलिसी का, तो उसमें TDS था, तो इन सब में TDS का रूल क्या, एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो क्या क्या था, सैलरी विनिंग्स कंपल्सरी एक्विजिशन कैश विड्रॉवल और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। ये इतनी 5 चीजें रट लो। सी मैं इसके डीपली लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, उतना टाइम नहीं अपने पास, लेकिन ये 5 चीज को रट लो। ये 5 चीजों में क्या है, गवर्नमेंट उतावली नहीं हो रही है। उतावली क्यों बोला, अरे इधर तो गवर्नमेंट उतावली हो रही थी कि पार्टी को तूने पैसा नहीं दिया तो क्या हमारा TDS तो दे दे, विचर इज अर्लियर। लेकिन इधर तो क्या, जब तुम पार्टी को पेमेंट करोगे ना तभी हम TDS मांगेंगे, जब तक पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा हमको TDS की भी भूख नहीं लगेगी, मतलब एक्चुअल पेमेंट के टाइम ही आएगा। तो सी ये किधर किधर था, सैलरीज विनिंग्स कंपल्सरी एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन कैश विड्रॉल और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। तो ये देखो लुक, अगर ये रेंट की जगह पे विनिंग्स होता, अरे मतलब कोई मुझसे विन करके गया, मैं KBC वाला हूँ, KBC कौन बनेगा करोड़पति, तो देखो उसमें अगर रेंट के जगह विनिंग्स होता तो एंट्री क्या आएगी, विनिंग्स अकाउंट डेबिट टू विनर, जो जीता वो। एंड फिर मान लो 3 जून को जीत के गया था वो KBC में और उसको एक्चुअल पेमेंट किया था 25 अगस्त को, तो एंट्री क्या आएगी, रेंट के जगह विनिंग्स डाल दो ना, विनिंग्स टू आर अकाउंट। मान लो आर नाम का आदमी जीता था तो विनिंग्स टू आर, फिर आर टू बैंक एंट्री आएगी। लेकिन TDS कब आएगा, आर टू बैंक जब होगा ना तभी, मतलब यहां पर है ना ये वाली एंट्री में पूरा 100 रुपया दिखेगा, मतलब इधर TDS का नामो निशान भी नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ ना। लेकिन पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, जल्दी बोल, आर अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 70 और TDS 30, विनिंग्स में 30% था है ना, तो TDS पेबल 30 रुपीज आएगा। लेकिन ये लाइबिलिटी कब खड़ी होगी, एक्चुअल पेमेंट, मतलब विनर को जब एक्चुअली पैसा दिया ना KBC वालों ने तभी लाइबिलिटी खड़ा हुआ। सी विनर को तो पैसे मिल भी गए, गवर्नमेंट को नहीं मिले, गवर्नमेंट की तरफा तो खाली लाइबिलिटी खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट तो अभी लाइबिलिटी खड़ी करवाई है। गवर्नमेंट को कब देंगे, अगले महीने की 7, अभी अगला महीना इसको लेके पकड़ना पड़ेगा, अगस्त का अगला महीना सेप्टेम्बर, 7 सेप्टेम्बर तक, और वही अगस्त के जगह कोई रीजन से मार्च आता तो 30 अप्रैल। तो ये विनिंग्स का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि विनिंग्स इज एन एक्सेप्शन। ऐसे क्या क्या एक्सेप्शन है, सैलरीज विनिंग्स कॉम्पेंसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन कैश विड्रॉवल और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। ये सब में ऐसे याद रखो ना, ये सब में जो पेमेंट का एंट्री आएगा ना तो हम लोग टू बैंक लिखेंगे, पेमेंट में टू बैंक लिखते हैं ना, तो टू बैंक के साथ साथ TDS पेबल हो जाएगा। और टू बैंक बोला मतलब सामने वाले को तो मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट के लिए TDS पेबल का लाइबिलिटी खड़ा हुआ है। सी ये लाइबिलिटी कब खड़ा होना है वो सिखा रहा हूँ, ये देखो डिडक्ट का मतलब लाइबिलिटी कब खड़ा करना चाहिए, चुकाना तो अगले महीने की 7 को है और मार्च का महीने में है तो अगले महीने की 30,
फिर सुनो एक और एक्सेप्शन है, ये तो HWCL था, फिर 194IB क्या था, रेंट का सेक्शन था, छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने आज ही बताया था कि अगर स्मॉल इंडिविजुअल HUF अगर 50,000 से ज़्यादा महीने का रेंट देते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू भाई स्मॉल होगा लेकिन तूने जिसको इतना बड़ा रेंट दिया उसकी कमाई जोरदार है, तो हमको TDS तो चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात क्या, तो TDS आता है ना। लेकिन पता है गवर्नमेंट को इधर दया क्या आ रही है, बेचारे छोटों को काम पे लगा दिया। हमारे लालच में, हमको क्या लालच था कि 50,000 से ज़्यादा कोई कमा रहा है टैक्स नहीं भरा, तो हमने अपने आप को सिक्योर करने के लिए छोटों को काम पे लगा दिया। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है। इससे छोटे लोग के लिए ना एक स्पेशल रिलीफ है, क्या बोला उन्होंने, मैं छोटो, ओ छोटो तुम महीने का 50,000 से ज़्यादा रेंट देते हो ना, तो ऐसे तो साल में 12 बार रेंट देना पड़ता है, साल में 12 बार रेंट देना पड़ता है, लेकिन आपको 12 बार TDS जमा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार जमा करना पड़ेगा। ये इन लोगों के लिए स्पेशल राहत दी है, छोटों के लिए स्पेशल रिलीफ। क्या रिलीफ है कि रेंट तू भले महीने महीने दे दे, लेकिन TDS का काम महीने महीने ना करके एक ही बार करना है साल के एंड में। अरे ये रिलीफ है, नहीं तो रेंट अगर मैं महीने महीने देता हूँ तो TDS काट के जमा भी महीने महीने करना है, हर महीने का रेंट का TDS काटो जमा करो, और 12 बार रेंट, साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 बार रेंट पे करूँगा तो 12 बार TDS का काम करना पड़ेगा। लेकिन इनको बोला है तू 12 बार नहीं, एक ही बार करना। तो ये स्पेशल रिलीफ है किसके लिए, 194IB। सी ऐसे तो 194M में भी छोटों को फंसाया था, लेकिन 194M में क्या था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विस, अदर कमीशन, उन लोग को बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो बार बार TDS का मचमच नहीं आएगा। लेकिन IB वाला तो रेंट पे कर रहा है, और रेंट तो महीने महीने, और महीने महीने रेंट भरो, महीने महीने TDS काटो, काम बढ़ जाता है। इससे गवर्नमेंट इनको बोला है तू महीने महीने TDS मत काट, एक ही बार काट। और एक बार कब मालूम है, लास्ट महीने में, साल खत्म होता था अभी। तो सी इन लोग के लिए भी ना, ये देख इन लोग के लिए भी रूल ऐसा ही है, और रूल ऐसा ही है मतलब ये देखो लोग क्या लिखा है, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड और एक्चुअल पेमेंट विचर इज अर्लियर है, लेकिन ये हर महीने करना है कि एक ही बार करना है, एक ही बार। ये देखो क्या लिखा है, लास्ट मंथ के टाइम। ये देखो एग्जाम्पल से बताऊंगा समझेगा, ये देखो इसका एग्जाम्पल, ये देखो मान लो मेरा 1,00,000 रुपये का रेंट दे रहा हूँ। सी IB बोलते हैं ना, मतलब वो स्मॉल ही होना चाहिए। कोई बोले सर बिग हुआ, तो बिग लो का सेक्शन अलग है, 194IA है, बिग लो का सेक्शन 194IA है। IB मतलब पेयर स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल इंडिविजुअल HUF। और ये देखो रेंट कितना है, 1,00,000 मतलब महीने का 50,000 से ज़्यादा है तो TDS आएगा ना इसमें। और जर्नल एंट्रीज को देखो ज़रा, मैंने हर महीना एंट्री क्या पास किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट टू बैंक, रेंट टू बैंक, कहीं पर भी कोई TDS का झमेला दिख रहा है? मतलब पूरा साल कितना आराम है यार, आराम से पार्टी को रेंट दो, TDS का मचमच ही नहीं है। लेकिन पूरा साल शांति से बीत गया ना, अभी एक बार तो काम करेगा ना, क्योंकि जब TDS काटना है तो एक बार तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं पूरे साल का TDS काट दूंगा, तो बताओ पूरे साल का TDS का कितना आता है? अरे पूरे साल का रेंट कितना है, 12,00,000। और तुम लोग को याद है 194IB में 5% TDS था, तो कितना होता है, 60,000। तो 60,000 का TDS काटना पड़ेगा, और काटने का मतलब बुक्स में लायबिलिटी खड़ा करना। और बुक्स में लायबिलिटी कब खड़ी करेंगे, वही एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर द रेंट ऑफ मार्च और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द रेंट ऑफ मार्च। रूल वही है, विचर इज अर्लियर। लेकिन मार्च मंथ के लिए वो कैलकुलेशन होगी कि मार्च महीने के लिए पार्टी को क्रेडिट कब किया और मार्च महीने का रेंट का एक्चुअल पेमेंट कब हुआ, मतलब मार्च के हिसाब से ही करना है। तो टेल मी, पार्टी अकाउंट क्रेडिटेड मतलब मान लो मार्च में रेंट ड्यू हो गया, तो एंट्री क्या आएगा, रेंट अकाउंट टू पार्टी अकाउंट। और ऐसा मान लो मैंने आउटस्टैंडिंग रखा था और उसका एक्चुअल पेमेंट मैंने जुलाई में किया, पार्टी टू बैंक,
अरे जान पूछ के आउटस्टैंडिंग रख रहा हूँ, क्योंकि तुरंत पे कर दिया तो दो डेट नहीं बनेगी ना। अपने क्या दो डेट बनाना चाह रहा हूँ, पार्टीज अकाउंट क्रेडिट डेट अलग डेट, एक्चुअल पेमेंट की अलग डेट। दो अलग डेट कब बनती है, जब आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है तो ना। तो इधर मैंने ऐसा ही किया, पार्टीज अकाउंट क्रेडिट डेट कब हो गया, मार्च में, जो तभी रेंट ड्यू हो गया था ना, और एक्चुअल पेमेंट कब हो गया था, मान लो जुलाई में। तो दोनों में से अर्लियर क्या है, मार्च के जुलाई, मार्च पहले आ गया ना, तो मार्च में टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मार्च में बताओ एंट्री क्या आएगी, मार्च का रेंट 1 लाख है, तो पार्टी को मैं 1 लाख का क्रेडिट दूंगा कि कम, टीडीएस कटेगा ना, तो 60 हजार का काटना है, तो पार्टी बन गई 40 और टीडीएस आ गया 60। ये दो लिखा हुआ देखो, समझेगा क्या किया मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसमें कोई शक नहीं है, और पार्टी था तो 1 लाख का, लेकिन कट के 40 हो गया। 40 कैसे आया, 12 लाख का रेंट पूरे साल का, पूरे साल का इकट्ठा टीडीएस कटेगा, और 5% के हिसाब से 60,000 आ रहा है, पर 60,000 टीडीएस है, टीडीएस 60 है, तो पार्टी को तो 40 ही मिलेगा ना। एंड फिर मैंने पार्टी को कब पे किया, जुलाई, ये पार्टी का पेमेंट है, लेकिन सी मैंने क्या बोला, एक्चुअल पेमेंट और पार्टी ऑन क्रेडिटेड विच इज अर्लियर, तो विच इज अर्लियर में मार्च आ गया, तो मार्च में टीडीएस का प्रोविजन हो गया। ओके, फिर इसको जमा का भी करना है। अरे मार्च होता है तो मैंने क्या सिखाया था, मार्च होता है तो टीडीएस कब जमा करता, अगले महीने की 30, तो ये टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में कब जमा होगा, अगले महीने की 30, मतलब 30 अप्रैल को जमा हो जाएगा, 30 अप्रैल। और सुनो, मैंने क्या बोला था, स्मॉल इंडिविजुअल एचएफ को हर महीने रेंट तो देना पड़ता है, लेकिन हर महीने टीडीएस नहीं काटना है, लास्ट महीने में काटना है, और लास्ट महीने का मतलब ये नहीं कि मार्च ही होगा, बीच में अगर प्रॉपर्टी खाली कर दिया ना, सी बहुत बार हम लोग भाड़े की प्रॉपर्टी में रहते हैं, लेकिन हम लोग अचानक प्रॉपर्टी खाली कर देते, तो प्रॉपर्टी खाली कर दिया, तो जब भी खाली किया वो लास्ट महीना हो गया। जैसे मान लो इसने जून नवंबर में प्रॉपर्टी खाली कर दी थी, अरे भाड़े की प्रॉप, मैं भाड़ोत्री हूँ ना, रेंट पे कर रहा हूँ, मतलब भाड़ोत्री हूँ, और मैंने नवंबर में प्रॉपर्टी खाली कर दिया, तो नवंबर आखिरी महीना है, तो टीडीएस का काम नवंबर में करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने इधर मार्च को लेके बताया, नवंबर में, मतलब फिर कैसे करेंगे, नवंबर महीने का रेंट के लिए पार्टी को क्रेडिट कब किया, और नवंबर मंथ का रेंट का एक्चुअल पेमेंट कब किया, विच इज अर्लियर। ओके, तब टीडीएस की लायबिलिटी खड़ी होगी। और जमा कब करने वाले, मैं अगले महीने की 30 को ही करना है। इधर पता है क्या है, चाहे नवंबर महीने में टीडीएस का लायबिलिटी खड़ा हो कि मार्च महीना, कोई भी महीना हो अगले महीने की 30, ये भी एक स्पेशल रिलीफ दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि छोटों को टीडीएस का काम का सौंप दिया ना, तो गवर्नमेंट को गिल्टी फील हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, छोटो तुमको पहला आराम तो क्या दिया कि बार बार रेंट देना पड़ता है, लेकिन बार बार टीडीएस नहीं, एक ही बार, और एक बार कब, या तो मार्च, और अगर बीच में प्रॉपर्टी खाली हो गया तो जब भी प्रॉपर्टी खाली किया तभी, और उसमें भी जमा करने का भी कोई घाई नहीं है, जमा कब करना है, अगले महीने की 30 को ही करना है, चाहे वो नवंबर महीना हो, दिसंबर महीना, कोई भी महीने में टीडीएस काटा है अगले महीने की 30। तो जैसे नवंबर में प्रॉपर्टी खाली कर दी ना मैंने, तो टीडीएस तो नवंबर में काट दूंगा, लेकिन जमा कब करना है, 30 दिसंबर तक। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोले अगले महीने की 30, 30 दिन के अंदर, अगले महीने के 30 दिन के अंदर। तो सी नवंबर का अगला महीना दिसंबर है, तो दिसंबर में तो 30 तारीख आती भी है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी मैंने जनवरी में खाली कर दी होती तो, अरे मान लो मैंने जैन में प्रॉपर्टी खाली कर दिया, तो जैन का अगला महीना तो फेब है, फेब में तो 30 तारीख भी नहीं आता है, और गवर्नमेंट ने 30 तारीख नहीं बोला, 30 दिन की मोहलत मिलेगी, 30 दिन। तो जनवरी का महीना छोड़ देने का, तो फेब में तो 29 डेज ही है, अपने वाले ईयर में तो 29 डेज है ना, तो फेब में 29 डेज, तो मार्च का एक और दिन मिलेगा, पूरा 30 दिन का टाइम मिलेगा वो महीना छोड़ के। तो जैन में अगर प्रॉपर्टी खाली किया तो जैन को छोड़, उसके बाद फेब में तो 29 डेज है, तो 29 तो एक और दिन चाहिए, तो 1 मार्च तक टीडीएस डिपॉजिट होना चाहिए।
सी लॉ में क्या लिखा है, TDS टू बी डिपॉजिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच यू काटोड TDS. मतलब जब तुमने TDS का लाइबिलिटी खड़ा किया ना, वो महीने को एंड करके 30 दिन में जमा करना है. और इधर हमेशा ही 30 होता है. अरे नॉर्मली क्या था, चालू महीना होता है तो अगले महीने के 7, मार्च महीना है तो अगले महीने की 30 ना. लेकिन इन 194 IB में क्या है, चालू महीना हो कि मार्च वाला महीना हो, अगले महीने की 30 को ही करना है. और पता है ये अगले महीने की 30 वाला जो स्पेशल रिलीफ है, ये IB के साथ IA में भी है और M में भी है. ये तीनों में ना हमेशा अगले महीने की 30 होती है. 7 वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अरे मैंने बताया था अगले महीने के 7 जो बोला था, ये कॉन्सेप्ट किधर एप्लीकेबल नहीं है, IA, IB और M. क्योंकि पता है ये तीनों में गवर्नमेंट ने TDS रख के गिल्टी फील किया है. क्यों गिल्टी फील किया बताओ, IA में क्या गिल्टी फील करना है. IA में कोई घर खरीद रहा है यार, घर खरीदने वाला ऐसे 100 टेंशन में रहता है यार, उसको TDS का काम दे दिया कि तुमने घर क्या खरीद लिया 50 lakhs और मोर का, TDS आ गया. तो इनको ही बोला चलो तुम लोग आराम से अगले महीने की 30 को जमा करो. और एम भी क्या था, 194M, स्मॉल लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर अदर कमीशन का दे रहे, उनको भी अगले महीने की 30 बोला है. इन शॉर्ट ऐसे याद रहो ना, अगले महीने की 30 वाला रिवाज कहाँ का है. जनरल में तो मार्च महीने के लिए ही है, मार्च. और IA, IB और M में तो हमेशा ही अगले महीने का 30 है. एक्चुअली अगले महीने का 30 बोलना टेक्निकली गलत है. जो महीने में TDS का लाइबिलिटी खड़ा हो उसको छोड़ के बाद पूरे 30 दिन मिलते हैं. तो उसमें क्या अगला महीना का भी फेब आ गया ना, तो फेब में तो 28-29 दिन है, तो पूरा 30 करना पड़ेगा, मार्च तक जाना पड़ता है वो. ये देखो इधर मस्त चीज लिखी है मैंने, पढ़ो ना. वेन टू डिपॉजिट में 30 का सिस्टम कब है बताओ, बोलना 30 का सिस्टम कब है. मार्च में तो है ही, और IA, IB और M ये सब में 30 तारीख वाला सिस्टम, अगले महीने के 30, मतलब 30 दिन में जमा करो. और बाकी सब में क्या है, अगले महीने की 7. टेल मी ये चार्ट किसके हवाले में, डिपॉजिट कब करना है. सी डिपॉजिट तो कब होता है, जब बुक्स में पहले लाइबिलिटी खड़ा होता है ना. और बुक्स में लाइबिलिटी कब खड़ा करना है वो इधर था, बताओ कब खड़ा करना है. नॉर्मल कोर्स में पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर. और IB में भी वैसा ही है, लेकिन IB में तो क्या रेंट बार बार देते हैं ना, तो ये चीज़ बार बार नहीं करके एक ही बार करना है. करना वैसा ही है, पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर. लेकिन रेंट बार बार दोगे तो ऐसा बार बार नहीं, एक ही बार करना है. एक बार या मार्च में, और प्रॉपर्टी बीच में खाली की तो तभी. और इधर तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे करना है. और इस दिन लाइबिलिटी खड़ी होती है, और उसका भुगतान कब करना है, 7 तारीख को अगले महीने की. लेकिन कोई कोई केस में 7 नहीं, 30 तारीख का सिस्टम होता है. मार्च वाले महीने का हुआ तो, और IA, IB और M हुआ तो. ओके, फिर सुनो, एक नया सेक्शन आया था 194BA, ऑनलाइन विनिंग्स. बताया था ना, ऑनलाइन गेमिंग होता है, गेमिंग जो गेमर लोग होते हैं, गेमर लोग, उन लोग तो क्या पूरे दिन, तुम लोग तो बेचारे पूरे दिन पढ़ते रहते हो, लेकिन जो गेमर लोग होते हैं ना, वो पूरे दिन लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर है ना, ऑनलाइन गेम्स ही खेलते रहते हैं. और कभी जीतते, कभी हारते, कभी जीतते. और उन लोग का क्या अकाउंट खोल देते हैं, रखो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, गेमिंग प्लेटफॉर्म, उधर तुमको अकाउंट खोलना पड़ता है, यूज़र अकाउंट. क्या होते हैं, यूज़र अकाउंट. तुम्हारा यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह होता है ना, वो सब हो जाता है, ये अकाउंट ही खुल जाता है. एंड फिर जीतना हारना वो अकाउंट में सब जमा होता है. अब पता है गेमर लोग तो क्या दिन में 10 बार खेलते होंगे, शायद पूरे दिन खेलते रहेगा तो 10 में दिन में 50 बार गेम खेला होगा, और 50 बार शायद जीता भी होगा. कोई कोई लकी होते. और हर बार वो जीतेगा, हर बार TDS काटना पड़ेगा, काम कितना बढ़ जाएगा इसका, गेमिंग प्लेटफॉर्म वालों का. गेमर तो कमा रहा है, वो रिसीवर है, लेकिन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या है, कोई कोई लोग तो पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, तो 10-10 बार, 20-20 बार जीतेगा दिन के अंदर, तो कितनी बार TDS काटने का. तो इनके लिए पता है रूल अलग है कि बार बार TDS मत काटो. पूरा साल ख़त्म हो जाएगा ना, फिर देखो वो गेमर ने गेमिंग में कितना जीता है साल के एंड में देखो. और साल के एंड में मालूम पड़ा वो गेमर
गेम खेल खेल के टोटल 6 लाख जीत गया है, तो लास्ट में साल खत्म होगा तभी 6 लाख का 30% TDS काट दो, वो भी मार्च में TDS का लाइबिलिटी खड़ा करना खाली, जमा तो अगले महीने की, मार्च आ गया तो अप्रैल हो जाएगा, 30 अप्रैल। अरे तो इधर अलग हो गया, अरे अलग नहीं लगा तुमको, जबकि गेम खेलने वालों साल के अंदर शायद 500 बार जीता होगा, लेकिन हर जीत के टाइम TDS नहीं कटता है, इट इज नॉट पेमेंट वाइज। अरे नॉर्मल विनिंग में कैसा होता है, जब विन किया जब पेमेंट मिला तब TDS कट जाएगा, लेकिन ये विनिंग तो क्या है, साल में बार बार विनिंग होते रहता है, तो बार बार TDS नहीं, साल में एक ही बार कटेगा, कब, साल के एंड में। लेकिन सुनो इधर एक रूल है, अगर वो गेम खेलने वाला साल के ड्यूरिंग अपने अकाउंट में से पैसा निकाल लेता है ना, अरे गेमर लोग का क्या अकाउंट में पैसा जमा होता है विनिंग्स का, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर गेमिंग करके उससे विनिंग्स का पैसा विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ कर दिया तो तुरंत TDS कट जाएगा, मतलब या तो विड्रॉ करे तभी TDS काट दो, लेकिन अगर गेम खेलने वाला पैसा विड्रॉ ही नहीं कर रहा है, अपने अकाउंट में ही रहने दे रहा है, तो मार्च में तो TDS काटना ही पड़ेगा ना, तो आइदर मार्च और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल विच एवर इज अर्लियर। अरे मार्च तो साल के एंड में आ गए, लेकिन पहले विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ कर दे TDS काट दो, ओके। और अगर पार्ट विड्रॉल किया तो जितना विड्रॉ किया उतने का काट दो, अरे बेस्ट ऐसे है तो मार्च में TDS काटना है बस। लेकिन अगर गेम खेलने वाले ने ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ कर लिया तो जितना विड्रॉ किया उतने का TDS तभी कट जाएगा। ये तो क्या लिया, अमेंडमेंट है सब, हाँ क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर विच ईयर इज अर्लियर। तो टेल मी, अगर उसने विड्रॉल किया था 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को उसने क्या क्या जितना भी जीता था ना निकलवा लिया, इन कैश कर लिया, तो 6 अक्टूबर को ना, तो गेमिंग प्लेटफॉर्म वालों को TDS का लाइबिलिटी 6 अक्टूबर को क्रिएट करना है, लेकिन जमा कब करना है, अगले महीने के साथ। सी, ये लाइबिलिटी कब खड़ी करना है उसका थियरी चल रहा है, जमा करने का रूल सिंपल है। तो सी, अगर गेमर ने अक्टूबर 6 तारीख को सब विनिंग्स का पैसा निकलवा लिया तो उसे विड्रॉ कर लिया है, तो गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या करेगी, एंट्री क्या पास करेगी, अरे वो विनिंग्स उनका खर्चा है ना, खर्चा टू बैंक हो गया ना, और टू बैंक और बाद में टू TDS पेबल, तो वो TDS पेबल 6 अक्टूबर को लाइबिलिटी खड़ी होगी, जमा तो अगले महीने के साथ को ही होगा ना। सी, ये सिस्टम क्या है, लाइबिलिटी खड़ी कब करने का, तो कब खड़ी करने का, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, और अगर विड्रॉ नहीं कर रहा है तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तभी लाइबिलिटी खड़ी करो। जमा कब करना है, अगले महीने की मार्च हुआ तो 30, नहीं तो 7 तारीख को। तो ये पॉइंट याद रखना, इन शॉर्ट सी मैंने तुमको ये दो चीज करा दी, वेन टू डिडक्ट, वेन टू डिपॉजिट। सी, एक अच्छा पॉइंट ये देखो, लुक, ये वाले में TDS कैसे निकाला था, अरे इसमें TDS कैसे निकाला था, 60 ईयर कैसे आया था बताओ, 12 लाख का रेंट था, इनटू 5% 60,000 आया था ना। लेकिन पता है एक रूल है TDS में, कि जिसका हम TDS काटते उसका पैन नंबर लो, और अगर पैन नंबर देने से इनकार करे तो 20% TDS काट दो। ये रूल है, ये बाद में आने वाला, लेकिन अभी क्यों छेड़ा बताता हूँ। क्या रूल था, जैसे मैं रेंट पे करता हूँ, है ना, ये था ना, स्मॉल इंडिविजुअल एच रेंट पे कर रहा है, और बिकॉज मैं मोर देन 50,000 का रेंट दे रहा हूँ, मुझे TDS काटना पड़ रहा है, लेकिन TDS काटना है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, उनका पैन नंबर दो, है ना, और वो अगर मुझे पैन नंबर देने से इनकार करेगा ना, तो मुझे गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है 20% TDS काट दे। तो लेट्स अज्यूम ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे ना, जो मेरे को जो पार्टी है ना सामने वाला जिसको मैं रेंट देता हूँ, वो पैन नंबर ही नहीं दे रहा है, तो मैं TDS कितना काटूंगा, 20%। निकालो 20% कितना आता है, 20% बताओ, चलो 12 लाख का रेंट है तो 20% कितना आ गया, 2,40,000। अरे मतलब TDS से मतलब 2,40,000 का TDS काटना है, लेकिन TDS काटना तो मार्च के महीने में, और मार्च का तो रेंट ही 1 लाख है,
अब 1 लाख के रेंट को काट काट के कितना काट दूंगा, 1 ही लाख काट सकता हूं ना, तो 1 लाख ही काटो फिर। ऐसे 20% के नियम से TDS 2,40,000 आ रहा है, लेकिन 2,40,000 काटने के लिए उतना रेंट भी तो होना चाहिए। चलो रेंट 3 लाख का होता तो 2,40,000 काट भी देते, लेकिन रेंट ही मार्च का कितना है, 1 लाख। कोई बोले नहीं बाकी महीने में भी तो रेंट है ना, लेकिन बाकी महीने में तो गवर्नमेंट ने TDS से छुट्टी दी है मेरे को। TDS का काम कब दिया है गवर्नमेंट ने, मार्च में। अब मार्च का रेंट ही 1 लाख है तो TDS भी 1 लाख हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये देखो इधर क्या लिखा है, पढ़ो। सी 5% तो कब लेते थे, जब सामने वाला पैन नंबर दे देवे तो, लेकिन पैन नंबर नहीं दिया तो रूल क्या है, 20% ना, और 20% के हिसाब से 2,40,000 है, लेकिन देखो इसको काट के मैंने क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख, क्योंकि रेंट ही 1 लाख है। तो पता है इसकी एंट्री में क्या आएगा, बताओ जल्दी एंट्री बनाओ जल्दी। रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, पार्टी अकाउंट 0, पार्टी को मिलेगा ठेंगा, और पूरा TDS पेबल 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख तो छोड़, एक्चुअली तो 2,40,000 था, लेकिन शुक्रबानो गवर्नमेंट ने 1 लाख पे अटका डाला। और ऐसा क्यों हुआ उन्होंने अचानक इतना बड़ा TDS, क्योंकि पहले तो क्या अपने लास्ट में एक साथ TDS काट रहे तो पूरे साल का इकट्ठा ज़्यादा हो जाता ना, ओके, और वो भी 20% आ गया तो भारी TDS आ गया, लेकिन उतना भारी नहीं, उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये 194 IB के, खैर सॉरी IB के लिए नहीं था, ये पॉइंट को जनरलाइज कर दो कि कभी भी TDS काटने बैठे लेकिन काटने के लिए अमाउंट ही सफिशियंट नहीं है तो रेस्ट्रिक्ट कर दो। और ये IB में खास करके होता है क्योंकि 12 महीने का इकट्ठा TDS कट रहा है ना, और काटने के लिए महीने का रेंट का महीना एक ही है, और वो भी 20% काटना पड़ा तो भारी हो जाता है। ओके, ये देखो मैंने क्या क्या करवा दिया तुमको, वेन टू डिडक्ट, वेन टू डिपॉजिट करवा दिया। ओके, अब इसमें ना इंटरेस्ट का भी थियरी होता है। ये देखो इंटरेस्ट है ना, लुक, डिडक्ट करने में लेट हुआ कोई, डिपॉजिट करने में लेट हुआ तो उसका इंटरेस्ट लगता है। अरे वेन टू डिडक्ट का ही टाइमिंग था ना, कब डिडक्ट करना पड़ता, पार्ट इज ऑन क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर, लेकिन उस वक्त अगर TDS नहीं काटा, थोड़ा लेट काटा, तो लेट काटने का इंटरेस्ट है, और डिपॉजिट भी लेट कर दे उसका भी इंटरेस्ट है। ये देखो इधर दो इंटरेस्ट होते हैं, लुक, अगर TDS डिडक्ट लेट किया तो 1% इंटरेस्ट लगता है, डिपॉजिट लेट किया तो 1.5%, ये 0.5% पर मंथ है, पर मंथ, मतलब 1 महीना भी लेट किया तो इंटरेस्ट लग जाता है, और पार्ट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज फुल मंथ। दो अलग रेट क्यों मालूम है, क्योंकि दो अलग चीज है ना। इधर क्या हो रहा है, हमने TDS काटा ही लेट, मतलब बुक्स में लाइबिलिटी लेट खड़ी की, ओके, मतलब बुक्स में जो TDS पेबल दिखाते ना वो ही लेट किया, तो जितना लेट किया उसका 1% इंटरेस्ट, लेकिन बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी कर दी, ओके, बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी कर दी, तुमने डिपॉजिट करने में लेट किया तो 1.5%। अब सुनो, लुक हियर, इसका एग्जाम्पल ये MCQ में आ सकता है। ये देखो मैं ना एक एग्जाम्पल लूंगा 1.5 सिखाने के लिए, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा 1% सिखाने के लिए, प्लीज भटकना मत। पहला एग्जाम्पल मेरा 1.5% सिखाने के लिए, और 1.5% के लिए कैसा एग्जाम्पल लूँ, लेट डिडक्शन के लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट। ये देखो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा है, लेट डिपॉजिट का एग्जाम्पल, और लेट डिपॉजिट मतलब 1.5%। ट्राई करो तुम लोग, सी लेट डिपॉजिट मतलब काटा टाइम पे, डिपॉजिट लेट किया। तो मेरे को बताओ TDS काटने का कब होता है, पार्ट इज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर। हाँ, कोई कोई केस में एक्चुअल पेमेंट होता है, SWCL था ना, SWCL, लेकिन मैं नॉर्मल केस ले रहा हूँ। मान लो ये रेंट है और नॉर्मल रेंट है 194 I वाला, IB में तो अलग ही होता है कि हर महीने TDS ही लास्ट में काटना होता है ना, लेकिन ये सादा रेंट है, और सादे रेंट में तो क्या है, हर महीने रेंट भरो, हर महीने TDS काटो, और सादे रेंट में तो बड़े बड़े लोग TDS काट रहे होते हैं ना। तो सी रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, और मान लो ये रेंट है ना, मैं बाद में पे करने वाला हूँ, आउटस्टैंडिंग था,
लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग भी होता है तो रूल क्या है, विच एवर इज अर्लियर, तो जिस दिन मैंने पार्टी को क्रेडिट किया है, अरे मैंने वही सेम एंट्री लिखी है, तो पार्टी को क्रेडिट कब किया था, 3 जून को, तो मुझे 3 जून को टीडीएस काटना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग रेंट मैं पेम बाद में करूँगा, अभी ड्यू हुआ है खाली, तो लेकिन रेंट के ड्यू होते ही टीडीएस काटना चाहिए, तो देखो मैंने परफेक्ट टाइम पे काटा है, काटा उसकी फीलिंग है, देखो राजेश भाई को काटा ना, काट दिया, कट के राजेश भाई बेचारे आर कौन है, राजेश भाई है कोई अपना, 90 रुपीज़ हो गया और टीडीएस पेबल आ गया, तो टेल मी काटने में लापरवाही हुई कि परफेक्ट है, परफेक्ट, अरे मतलब डिडक्ट सही किया मैंने, पार्टी को जब क्रेडिट किया उसके संग संग टीडीएस पेबल भी हो गया, ये सही काम किया मैंने, लेकिन अभी मेरा ड्यूटी क्या बनता है, इसको अगले महीने की 7 को डिपॉजिट करो, और अगर ये जून है तो इसका अगला महीना क्या जुलाई, तो मुझे 7 जुलाई तक क्या करना चाहिए, एंट्री पास करो टीडीएस डिपॉजिट करने की, टी डी एस पेएबल टू बैंक, ये कर देना चाहिए, लेकिन मैंने किया 25 सितंबर को, तो इसको क्या उधर टाइम पे डिपॉजिट किया कि लेट डिपॉजिट किया, लेट डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ, तो लोग इधर क्या गड़बड़ करते हैं ना, ये लोग ऐसा करते हैं, ओ 7 जुलाई को करना था लेकिन हमने 25 सितंबर को किया, तो 7 जुलाई के बाद कितना लेट हुआ, तो लोग ऐसे गिनते, 7 जुलाई के बाद तो जुलाई तो चल ही रहा था, तो 1 जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, फिर सितंबर भी 25 है, तो पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ, तो सितंबर भी गिन लो, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ, तो लोग 3 महीने का इंटरेस्ट गिनते, लेकिन वो रॉन्ग है, इधर इंटरेस्ट है ना जुलाई के बाद नहीं चढ़ेगा, जुलाई के बाद जून के बाद चालू हो जाता है इंटरेस्ट, क्योंकि सी किताबों में लाइबिलिटी तो जून में खड़ी हुई थी ना, तो मतलब गवर्नमेंट तो 3 जून से तरस रही है अपने पैसों के लिए, अरे तूने लाइबिलिटी खड़ा किया लेकिन गवर्नमेंट को तो चाहिए ना ये, तो सोच गवर्नमेंट बन के सोच, 3 जून से ये टीडीएस के लिए गवर्नमेंट तड़प रही है, एंड गवर्नमेंट ने क्या बोला, तू हमको अगले महीने की 7 तारीख तक तड़पाएगा ना, वो तड़प हम सहन कर लेंगे, क्यों हम तेरे को खुद बोल रहे अगले महीने की 7 उतना सहन कर लेंगे, लेकिन तूने अगले महीने की 7 को नहीं दिया, देरी कर दी, तो हम जितना भी तड़पे पूरा ब्याज मांगेंगे, और पता है गवर्नमेंट 3 जून से क्यों तड़प रही है, अरे टीडीएस पेबल का मतलब क्या है, मेरे को 3 जून को ही पे करना चाहिए था, ये तो गवर्नमेंट का बड़प्पन है कि अगले महीने की 7 तारीख तक रुक रही है, लेकिन मुझे तो 3 जून तक देना था, और 3 जून का किया मैंने 25 सितंबर, तो कितना लेट हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का ब्याज चढ़ेगा भाई, ये देख इधर कैसे गिना है मैंने, 3 जून से लेके 25 सितंबर तक 4 महीना होता है, और महीना गिनते टाइम क्या टूटा हुआ फूटा हुआ महीना पूरा गिन लो, पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ, और ये देखो कैसे आएगा इंटरेस्ट किस पे चढ़ेगा ना, टीडीएस के अमाउंट पे, क्योंकि हमने टीडीएस लेट डिपॉजिट किया है, और मेरे एग्जाम्पल में टीडीएस कितना है, 10 रुपया है, तो 10 का टीडीएस 1.5% पर मंथ है, और पर मंथ तो इंटू मंथ्स करेंगे तो मंथ्स 4 महीने हो गए, तो ये एमसीक्यू में है ना, आधे लोग का आंसर क्या आएगा, 3 महीना, लोग क्या सो अगले महीने के 7 को करना है ना, तो 7 के बाद कितना लेट हुआ उसका पीरियड गिनते हैं, लेकिन अगले महीने के 7 के बाद इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो स्टार्टिंग से आएगा, इधर पता है एक्ट में फॉर्मूला दिया है, देखो ये 4 महीने के लिए एक्ट में क्या लिखा है ना, मैं पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन टीडीएस फॉर डिडक्टेड, सी 3 जून को क्या बोलते, इस दिन टीडीएस काटा था, लाइबिलिटी खड़ा किया था, द डेट व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड अप टू द डेट व्हेन डिपॉजिटेड, तो डिडक्टेड डेट से डिपॉजिटेड, और वो 4 महीना होता है, ओके अब सुनो, इधर एटलीस्ट मैंने काटा तो टाइम पे था, डिपॉजिट लेट किया था, लेकिन कभी कभी हम लोग काटते ही लेट है, काटने का कब होता है बताओ, पार्टी इज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर, तो मान लो एक्चुअल पेमेंट फ्यूचर में होगी तो विच इज अर्लियर में पार्टी इज अकाउंट क्रेडिटेड, तो पार्टी इज अकाउंट क्रेडिटेड के टाइम मुझे टीडीएस पेबल करना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी मैंने काटने में देरी कर दी, अरे मैं अभी दूसरे एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, लेट काटा मतलब लाइबिलिटी लेट खड़ा किया,
तो ये देखो एग्जाम्पल रेडी है। मैंने क्या किया, पार्टीज अकाउंट मेरा 3 जून को क्रेडिट हो गया था, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती थी, जिस दिन पार्टी को क्रेडिट किया पार्टी को काट के 90 कर दो और इधर मुझे TDS का लाइबिलिटी खड़ा कर देना चाहिए था, ऐसा मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। और किया तो कब किया, ये देखो यहाँ किया 23 अगस्त को किया। अरे मतलब ये जो एंट्री है ना, ये लोग हाथ देखो मेरा, मैं कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ देखना, ये इधर होना चाहिए था देख, क्यों, क्योंकि पार्टी जाऊन क्रेडिट 3 जून है ना, इधर होना चाहिए था, लेकिन मैंने टाइम पे किया कि लेट किया, लेट किया, कितना लेट किया, 3 जून से 23 अगस्त गिनो, जून पूरा गिनेंगे। इधर पता रूल क्या है, द डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेबल अप टू द डेट व्हेन डिडक्टेड, तो डिडक्टेबल कब था, 3 जून, तो डिडक्ट कब किया, 23 अगस्त, तो डेट कितना, पीरियड कितना रहा, जून जुलाई अगस्त 3 महीना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। चेक करो मैंने बराबर निकाला है, 10 रुपये का TDS था, 1%, क्योंकि इधर डिपॉजिट लेट किया है कि काटा ही लेट है, काटा ही लेट है ना, तो 1% आता है, और 3 महीना कैसे है, जून जुलाई अगस्त। अब सुनो, चलो तूने लेट काटा लेकिन अभी जमा तो कर तुरंत, मैंने कब काटा, TDS का लाइबिलिटी कब खड़ा किया, 23 अगस्त, तो मेरा ड्यूटी क्या बनता है, अगले महीने की 7 को फटफट जमा कर देना चाहिए, तो अगस्त का, अरे अगला महीना मतलब जब लाइबिलिटी खड़ा होता है उसको बेच लेते, तो अगस्त में लाइबिलिटी खड़ी हो तो कब जमा करना है, 7 सितंबर, लेकिन 7 सितंबर को छोड़ मैंने 13 अक्टूबर को डिपॉजिट किया, मतलब डिपॉजिट भी लेट किया, काटा भी लेट, डिपॉजिट भी लेट, तो अभी 1.5 वाला इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन डिपॉजिट करने में कितनी देरी की, 23 अगस्त को जो लाइबिलिटी खड़ी हुई थी मैंने कब चुकाई, 13 अक्टूबर, तो पीरियड गिनो, अगस्त, अरे 23 अगस्त को लाइबिलिटी खड़ा हो गया था ना, तो मतलब गवर्नमेंट को तो 23 अगस्त को ही चाहिए था, खैर अगले महीने की 7 तक देता तो इंटरेस्ट नहीं चढ़ता, मतलब 7 सितंबर, लेकिन तूने अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं दिया ना, तो गवर्नमेंट तो फिर पूरा हिसाब लेगी, 23 अगस्त से गिनो, अगस्त से अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना हो गया, 3 महीना, ये देखो 3 महीना, लेकिन पता इधर एक गड़बड़ हो जाएगी, देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर लोगे ना तो अगस्त महीने का डबल काउंटिंग हो रहा है, देखो सी इधर जो पीरियड था इसमें अगस्त आया था कि नहीं, गिनो गिनो, मेरा आईपैड खराब हो जाएगा नहीं तो, अरे कैसे गिना था, ये वाला पीरियड गेन, जून जुलाई अगस्त भी था, अगस्त भी था ना, फिर वो 3 महीना आ गया था, इधर देखो अगस्त भी था, फिर नीचे वाले पीरियड में तू अगस्त वापस गिनेगा, मतलब अगस्त के महीने की तो बैंड बज गई ना, सी लफड़ा क्यों रहा है, पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ है, तो इधर जब गिनने बैठे तो अगस्त का टुकड़ा मिला, फिर नीचे जब गिनेंगे तो अगस्त का टुकड़ा वापस आ रहा है, अरे तो अगस्त का डबल काउंटिंग हो गया, मतलब अगस्त पे सो जो 1% भी लग रहा है, 1.5 भी लग रहा है, तो मतलब 2.5 लग गया, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए देखो मैंने अगस्त को कट कर दिया है, मतलब कानून में कुछ खामी है, लॉ के हिसाब से जाऊंगा ना तो नीचे मेरे को ये वाले पीरियड में अगस्त भी गिनना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 23 अगस्त से तड़प ही रही है ना TDS के लिए, तो 23 अगस्त से 13 अक्टूबर में अगस्त भी गिनना चाहिए, लेकिन मैंने अगस्त ऊपर भी तो गिन लिया ना, तो डबल डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे सी बिकॉज अगस्त ऊपर आ चुका है ना, तो नीचे देखो मैंने अगस्त को काटा, दिख रहा है काटा हुआ है, ये काट दिया है, तो फिर बचा क्या, सेप्टेम्बर और अक्टूबर, 2 ही महीने का आएगा, ओके। तो इस मामले में तो कितने लोग आर्ग्यूमेंट कर भी रहे, कोई कोई लोग बोलते अगस्त को ले लो, क्यों लो, अगस्त को लेंगे तो डबल डबल हो जाएगा, एनीवेज अपने पास उतना टाइम नहीं अभी बहस करने का, इन शॉर्ट अगर इसमें अगस्त अपना ले लिया है ना, सी 1.5 में खाली नीचे वाला पीरियड आएगा और 1% में ऊपर वाला पीरियड आएगा, उतना पक्का है, लेकिन ऊपर वाले में जून जुलाई अगस्त आ गया ना तो नीचे अगस्त वापस नहीं आएगा, खाली सेप्टेम्बर और अक्टूबर, तो हर महीने का एक ही रेट लगेगा, तो पहले 1-1% लग चुका है, तो अभी 1.5 रिमेनिंग मंथ्स का आएगा,
तो ये लेट इधर एक्चुअली क्या, काटा भी लेट, डिपॉजिट भी लेट किया था, लेकिन ये वाला एग्जांपल में काटा टाइम पे था, डिपॉजिट लेट किया, तो खाली 1.5 वाला इंटरेस्ट चढ़ा था। ओके, एनीवेज इन लोग इतना ज़्यादा डीपली इंटरेस्ट का नहीं पूछने चाहिए, कि फाइनल सीए में बहुत यार डिटेल में, इंटर में स्टडी मटेरियल में थोड़ा बहुत दिया और भरोसा नहीं, थोड़ा बहुत भी दिया तो एमसीक्यू में डाल दिया तो इंटरेस्ट था। फिर सुनो, एक टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है, टीडीएस का रिटर्न मतलब क्या होता है ना, मैं इनकम टैक्स वालों को फॉर्म भर के बताने का कि मैंने किस किस पार्टी का कितना टीडीएस काट के कहाँ जमा किया है, फॉर्म भरने का ही फॉर्म, पैसे नहीं खर्च करने, इधर रिटर्न भरने में एक फॉर्म भर के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, और ये ना हर तीन तीन महीने में करना है, क्वार्टरली बेसिस पे। टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली बेसिस फाइल होता है, ये देखो कैसे होता है, लुक हियर, अपना साल का पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई जून, तो जून में एक क्वार्टर खत्म हो गया और उसके बाद एक महीने का गैप मिलता है अपने को, जून के बाद एक महीना पकड़ो तो 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई को मुझे पहला रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टीडीएस का। और मतलब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्म होता है, देखो रियल लाइफ में फॉर्म होता है, फॉर्म 26Q, ऐसा फॉर्म होता है, तुम लोगों को नंबर याद नहीं रखना, ऐसे ही बता रहा हूँ, एक फॉर्म होता है उसमें देखो कुछ डिटेल्स फिल करके देना है, और एक डिटेल्स मतलब क्या कि अप्रैल मई जून इस क्वार्टर में मैंने किस किस पार्टी का कितना टीडीएस काटा उसका एक समरी बना के देना है, और ये सबमिट कब करना है, 31 जुलाई तक। कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म नंबर 26Q, और ऐसा एक बार करना है कि चार बार, चार क्वार्टर है ना, अगला क्वार्टर क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इधर एक महीने का गैप मिलता है, फिर 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करना है। लेकिन सी लास्ट क्वार्टर देखो क्या है, जैन फेब मार्च, इधर अपने को 2 महीने का टाइम मिलता है रिटर्न तैयार करने के लिए, और 31 मई तक रिटर्न फाइल करना है। अरे रिटर्न फाइल करने में टेंशन मत लो, कुछ पैसा नहीं लगेगा अपना, अपने को तो खाली फॉर्म भर के गवर्नमेंट को अपडेट करना है कि हमने किस पार्टी का कितना टीडीएस काटा, अपडेट करो, लेकिन ये फॉर्म भरने का काम बहुत सीरियस है, अगर इसमें तूने लापरवाही की ना तो ये देखो क्या होगा, लेट फाइलिंग फीस लगेगा 234E, 200 रुपया पर डे, 200 रुपया पर डे का लेट फाइलिंग फीस। तो जैसे मान लो ये देखो, लुक हियर, अप्रैल मई जून का रिटर्न कब फाइल करना है, 31 जुलाई, और मैंने फाइल किया था 9 अगस्त को, तो कितना दिन लेट किया, 31 जुलाई के 9 अगस्त, मतलब 9 दिन लेट, तो 9 दिन का कितना होता है, इंटू 200 करो, 9 × 200 कितना हो गया, 1800 का लेट फाइलिंग फीस लगेगा। लेकिन पता है इधर एक लिमिट है, कि अगर इस क्वार्टर में मैंने कुल टीडीएस ही 600 का काटा था, तो टीडीएस से ज़्यादा नहीं लग सकता लेट फाइलिंग फीस, ऐसे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया था ना, लेकिन उस क्वार्टर में टोटल 600 का ही टीडीएस का काम हुआ था, तो 600 तो फिर ये रेस्ट्रिक्ट होके 600 हो जाएगा। हाँ, 7-8 हज़ार का टीडीएस था ना उस क्वार्टर में, तो 1800, ये देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम जितना टीडीएस था उस क्वार्टर का, और हर क्वार्टर का कितना टीडीएस, उसका कोई फिक्स रूल थोड़ी है, वो तो देखना पड़ेगा, उस क्वार्टर में जितना टीडीएस था ना उससे ज़्यादा लेट फाइलिंग फीस नहीं लग सकती है ना, मतलब विचर इज लेस बना दो ना, मतलब उस क्वार्टर का टीडीएस या 200 रुपया पर डे, विचर इज लेस, इतना लेट फाइलिंग फीस भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234E, और ये कब, अगर रिटर्न लेट भरा तो। एक्चुअली सी इसको टीडीएस रिटर्न नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन में नहीं लोग टीडीएस रिटर्न नहीं बोलेंगे, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, क्या बोलते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। तो एग्जाम में ऐसा है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट लेट फाइल किया तो समझ जाओ यही है, टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली स्टेटमेंट इज वन एंड द सेम। फिर सुनो, 4 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट देखो, कई बार अपने को क्या लगता है कि अपना टीडीएस फालतू में कट रहा है, सी टीडीएस काटने वाला तो क्या करता है, जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड तो 5 हज़ार के ऊपर होता है टीडीएस कट जाता है, लेकिन जिस बंदे को डिविडेंड इनकम मिल रही है वो क्या बोल रहा है, अरे भाई मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, 10-15 हज़ार का डिविडेंड आ गया, टीडीएस काट दिया, और मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, और उसका टोटल इनकम मतलब 5 वेट्स का इनकम मिला के ना बेसिक एग्जेम्पशन भी क्रॉस नहीं हो रहा है,
मतलब स्लैब रेट्स में उसका टैक्स जीरो आ रहा है और उसको अभी खटक क्या रहा है यार, 10-15 हज़ार का डिविडेंड रिलायंस वालों ने मेरे को दिया, TDS काट डाला, ये फालतू गिरी है, मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है। सी अपना अच्छा खासा इनकम होता है, TDS कट गया ना तो एडजस्ट हो जाता है कि जब मैं टैक्स भरूंगा तो जो TDS कटा है उतना कम भरूंगा, लेकिन मेरा तो इनकम ही जीरो है, जीरो नहीं है सॉरी, बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा टैक्स जीरो है, तो TDS कटता है तो खटकता है ना अपने को। सी उसमें भी टेंशन मत लो, TDS अगर तेरा फालतू में कट गया और तेरा टैक्स लाइबिलिटी जीरो था तो रिफंड आ जाता है, लेकिन रिफंड के लिए वेट करो, ये तकलीफ क्यों लो। तो ऐसे लोग के लिए गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, तुझे अगर लगता है ना कि तेरा टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस नहीं हो रहा है और तेरा टैक्स लाइबिलिटी जीरो है और तेरा फालतू में TDS कट रहा है, तो एक काम कर, जो तेरा TDS काटता है ना उसको फॉर्म नंबर 15G दे दे, फॉर्म 15G, और 15G में क्या है, एक लिख के देने का कि सर मेरा TDS मत काटो क्योंकि मेरा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन, ऐसा लिख के दे दो, TDS नहीं काटेगा। किस में लिख के दे रहा, फॉर्म 15G। और अगर तू बुढ़ा व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन, 60 ईयर्स एंड अबव वाला, तो तेरे को फॉर्म 15H देना है, लेकिन ऐसा फॉर्म भर तो TDS काटने वाला नहीं काटेगा, लेकिन जिंदगी भर नहीं, उस साल नहीं काटेगा, अगले साल तुझे चाहिए वापस TDS ना कटे, वापस फॉर्म भर, लेकिन ऐसा फॉर्म भर करके TDS हम स्टॉप करवा सकते हैं। ये देखो ऐसी एक फैसिलिटी है, देखो ड्रॉइंग देखो जल्दी देखो, ये रिसीवर लोग को करना पड़ता है। सी पेयर तो TDS काटता है, लेकिन जिसको पैसे रिसीव हो रहा है उसको चुभ रहा है, मत काट यार मत काट, तो रिसीवर को गरज है ना, तो क्या लिखा, रिसीवर तेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 15G या 15H, कौन किसको फॉर्म देगा, रिसीवर पेयर को देगा, एंड फिर तेरा TDS बंद हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये सुविधा है ना खाली ड्रीम इनकम में, ये ड्रीम मेरा शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये देखो तेरा TDS नहीं कटे, ये तेरा ड्रीम ड्रीम में ही पूरा होगा। नहीं समझे क्या बोला, अपना ये जो ड्रीम है ना, अपना ये सपना है कि मेरा TDS ना कटे ना कटे, ये ड्रीम तेरा ड्रीम वाली इनकम में ही पूरा होगा। ओके, ड्रीम वाली इनकम मतलब क्या है, ड्रीम का फुल फॉर्म बताओ जल्दी देखो, गेस करो, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंट इनकम, कौन सा रेंट, सादा वाला रेंट, अरे सादा वाला रेंट 194i वाला, जिसमें बिग बिग लोग 2,40,000 क्रॉस होता है साल का TDS काटते हुए वाला। फिर एक और आ रहे, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम RPF, दो आर थे, फिर आई दिख रहा है इंटरेस्ट इनकम, चाहे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो कि इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी हो, फिर इंश्योरेंस का कमीशन, फिर इंश्योरेंस का क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना मेच्योरिटी पे, बिग प्रीमियम पॉलिसी वालों का TDS करता है वो, फिर एम फॉर म्यूचुअल फंड इनकम, ये ड्रीम का फुल फॉर्म था। रट लो, इन इनकम्स में गवर्नमेंट ने हमें एक सुविधा दी है कि आप अगर चाहो तो आपका TDS बंद हो सकता है, लेकिन खाली चाहने से नहीं होता है, शर्त ये कि तेरा टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होना चाहिए और तुझे फॉर्म भर के देना पड़ेगा, और एक बार फॉर्म भर दिया तेरा TDS बंद हो जाएगा, और ये किस में होता है, ड्रीम इनकम में। ओके, डिविडेंड क्या क्या था, डिविडेंड, रेंट, RPF प्री मेच्योर विड्रॉल, RPF, इंटरेस्ट इनकम, दोनों वाले इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर इंटरेस्ट, फिर इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस का क्लेम, फिर म्यूचुअल फंड इनकम। लेकिन सी कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, सर कोई दूसरी इनकम में TDS बंद करवाना है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन ड्रीम वाली इनकम के लिए तो सिंपल तरीका है, फॉर्म 15G दे दे, TDS काटने वाला काटेगा ही नहीं। लेकिन कोई बोले नहीं मेरी तो ड्रीम नहीं, कोई और इनकम है और मेरे को TDS बंद करवाना है, तो उसके लिए भी तरकीब बताऊं। ये देखो क्या होता है, अभी मैं क्या बता रहा हूं, एक ऐसी तरकीब जिसमें अदर देन ड्रीम इनकम का भी TDS बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, रिसीवर एक फॉर्म भरेगा, फॉर्म नंबर 13, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 13 टू असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स का ऑफिसर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठता है, तो एक एप्लीकेशन करो फॉर्म 13 में, किसको,
असेसिंग ऑफिसर, उसको दरख्वास्त क्या करोगे, सर इनकम टैक्स में बैठते हो ना, आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुनो ना, मेरा TDS कट रहा है फालतू में, ऐसा कुछ करोगे TDS बंद हो जावे। तो असेसिंग ऑफिसर बोले क्यों शादी है तेरा TDS बंद करवा, बोले शादी का बात नहीं है, मेरा इनकम ही नहीं है, मेरी टोटल इनकम में टैक्स आता ही नहीं है, तो TDS कटता तो फालतू है, फिर मेरे को रिफंड का वेट करना पड़ता है। तो ऐसा अपने को रिक्वेस्ट कर देगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को, और अगर वो मुझसे सहमत हो गया ना, ये देखो मेरे को एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट मैं ना पेयर के मुंह पे मारूंगा, पेयर कौन जो मेरा TDS काट रहा था ना उसके मुंह पे मारूंगा, ये रख सर्टिफिकेट, आइंदा से TDS मत काटना, और ये सर्टिफिकेट में साक्षात इनकम टैक्स में बैठे हुए असेसिंग ऑफिसर से लाया हूं, और इनकम टैक्स वालों ने जब बोल दिया TDS नहीं काटना है तो काटने का ही नहीं। ये देखो ड्रॉइंग के फॉर्म में देखोगे, ये देखो ड्रॉइंग के फॉर्म में देख, रिसीवर पहले एप्लीकेशन करेगा फॉर्म 13 में टू असेसिंग ऑफिसर, फिर असेसिंग ऑफिसर हमें एक सर्टिफिकेट देगा, और हम वो सर्टिफिकेट को घर पे फ्रेम करके नहीं रखेंगे, वो सर्टिफिकेट हम दे देंगे पेयर को, पेयर कौन जो मुझे पे करते टाइम TDS काट के देता था ना उसको सर्टिफिकेट देंगे ना, तो वो TDS नहीं काटेगा। और सी इधर तो एक और फैसिलिटी है, तुम चाहो तो तुम्हारा TDS कम कटे वैसा भी जुगाड़ हो सकता है, अरे इधर कुछ भी हो सकता है, तू बोलेगा TDS बंद कर, बंद करवा देंगे, तू बोलेगा मेरा TDS जो कटता है ना वो 10% कटता है, एक काम करो 10% थोड़ा ज़्यादा कटता है, क्योंकि मेरा टैक्स आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत टैक्स ही आता तो थोड़ा TDS कम कटाओ। अरे कोई कोई लोग को तो ऐसा लगता है मेरा तो इनकम पे टैक्स ही नहीं आता है तो उसको तो TDS बंद करवाना है, और कोई कोई लोग की इनकम पे क्या थोड़ा बहुत टैक्स आता है लेकिन TDS ज़्यादा कट रहा है ना, तो उनकी इच्छा क्या होती है TDS कम कटवाओ, हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि इधर तो तू सीधा इनकम टैक्स में बैठा हुआ असेसिंग ऑफिसर से बात कर रहा है, वो तेरी सब इच्छा पूरी करेगा अगर जस्टिफाइड लगा तो। और पता ये ना हर इनकम के लिए हो सकता है, ड्रीम वाला इनकम भी इधर अलाउड है, खैर ड्रीम वाले के लिए अगर शॉर्टकट मेथड है ये वाला तो वही प्रिफर करते हैं ना। और एक डिस्टिंक्शन देखो, ये ड्रीम में 15G वाला सिस्टम खाली इंडिविजुअल HUF लोग के लिए, और यहाँ नीचे वाला सिस्टम तो सबके लिए, सब मतलब कंपनीज लोग के लिए भी। और पता है कई बार कंपनी को लगता है वी आर लॉस मेकिंग कंपनी, तो वाई TDS, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी भी AO को दरख्वास्त करती है, मतलब इधर कंपनीज लोग भी जा सकते हैं। अरे इन शॉर्ट TDS बंद करवाने के दो तरीके हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन बताओ। पहला तरीका था 15G 15H वाला, उसमें डायरेक्ट पेयर को दे दो TDS बंद। दूसरा तरीका था फॉर्म 13 वाला, उसमें AO को एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर वो सर्टिफिकेट देगा, फिर वो सर्टिफिकेट पेयर को देना पड़ेगा, ओके। और ऊपर वाले सिस्टम में तो TDS बंद ही होता है खाली, नीचे वाले सिस्टम में तो TDS बंद भी कर सकते कम भी करवा सकते। ऊपर वाला सिस्टम ड्रीम वालों के लिए खाली, और नीचे वाला सिस्टम तो हर इनकम के लिए, ऊपर वाला सिस्टम इंडिविजुअल HUF के लिए, नीचे वाला सिस्टम हर एक के लिए, ओके। बस इसमें और ज़्यादा है डिटेल में एक्चुअली, ये देखो लुक हियर, मेरी फाइनल की नोट्स में ना ये सब भी पढ़ाना पड़ रहा है, दिखता है तुमको ये, ये देखो ये सब मैं तुमको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि टाइम कम है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में इतना, कहने का मतलब है एक्चुअल लाइफ में इसमें ना बहुत कुछ और है, लेकिन इंटर का सिलेबस को माइंड में रखते हुए मैंने इतना पढ़ा है, ओके। तो ये पॉइंट हो गया, फिर अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट देखो, अगर कोई अपना पैन नंबर नहीं देता है या फिर गलत पैन देता है 20% TDS काट दो, बताया था मैंने ये रूल किधर दिया है, 206AA में दिया है, एंड फिर ये 20% मिनिमम है, विनिंग्स का तो TDS ही 30%, तो 30% हो जाएगा, ओके। फिर कभी कभी है ना पैन नहीं देते ना तो 5% TDS की धमकी देने का, 194Q क्या था, गुड्स परचेस करते 50 लाख से ज़्यादा गुड्स खरीदा एक ही जन से, और बायर ऑफ द गुड्स का गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था, तो ऐसे पता है 50 लाख छोड़ के ऊपर में 0.1 था, तो ये तो TDS ही 0.1 था। तो अगर सामने वाला अगर पैन नंबर नहीं दे रहा है तो 0.1 के TDS को सीधा 20 कर देंगे, ज़्यादा हो गया, इसलिए इधर गवर्नमेंट ने बोला 5% कर दो। सी बाकी में तो 10-10, 5-5% TDS है, और पैन नंबर नहीं दिया तो 20% हो जाएगा, लेकिन 194Q में अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 5% होगा, तो इसके लिए तो TDS का परसेंटेज 0.1 है।
फिर एक और चीज सुनो, लुक हियर, लुक, सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो उसको धमकी क्या, 20% TDS काट दूंगा, चुपचाप तेरा पैन नंबर दे दे, ओके। अब एक और धमकी है, सामने वाला मतलब मैं पेयर हुआ, मैं किसी को पे कर रहा हूँ, तो जिसको पे कर रहा हूँ उसको पूछूंगा तू फाइलर है कि नॉन फाइलर, सच्ची सच्ची बोल, और अगर वो नॉन फाइलर निकला ना तो उसका डबल TDS काटूंगा मैं, डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई। अरे मैं पेयर हूँ, जैसे मान लो मैंने कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया, और कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते टाइम उसको पूछा भाई साहब अब रिटर्न भरते हो, नहीं हम तो कभी रिटर्न ही नहीं भरते, हो आप नॉन फाइलर हो आप रिटर्न नहीं भरते हो, तो ऐसे लोग का TDS कितना कटता, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हाई। और कॉन्ट्रैक्टर लोग का TDS कितना था, 1% होता है इंडिविजुअल अचीव, वरना 2% होता है, तो इसको डबल करोगे तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, लेकिन डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई, तो 5 आ जाएगा, 5% TDS काटूंगा अगर वो नॉन फाइलर निकला तो। कौन रिसीवर, और नॉन फाइलर मतलब क्या, मैं प्रीसीडिंग 1 ईयर में रिटर्न नहीं भरा था, इधर 3 साल का स्टेटस नहीं देखना है, कैश विड्रॉ करता है ना तो बैंक वाले क्या बोलते, 3 साल लगातार रिटर्न नहीं भरा, खत्म। उधर उधर क्या, उधर डबल द रेट नहीं था, कैश विड्रॉल में नॉन फाइलर है तो 1 करोड़ के ऊपर नहीं, 20 लाख के ऊपर ही TDS चालू हो गया था, याद है। लेकिन वो कैश विड्रॉल का अलग रखो, अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना वो कैश विड्रॉल में नहीं, बाकी सब में लागू होगा, और बाकी सब में नॉन फाइलर मतलब 3 साल का स्टेटस ही देखते हैं, प्रीसीडिंग 1 ईयर का, मतलब तुमने गए साल का भी रिटर्न नहीं भरा ना नॉन फाइलर। लेकिन सी अब कितने लोग, सर गए साल का रिटर्न नहीं भरा हो तो कितने लोग रिटर्न नहीं भरते ना, अभी खाली गए साल का रिटर्न नहीं भरा उसमें डबल TDS कट रहा है, डबल द रेट और 5 विच इज हाई। तो सुनो ऐसा नहीं है, तूने एक तो गए साल में रिटर्न नहीं भरा, और तूने जिस साल का रिटर्न नहीं भरा वो साल तेरा 50,000 जितना TDS कटा था, फिर भी तूने रिटर्न क्यों नहीं भरा, ये कंडीशन। अरे दो कंडीशन है, एक तो तूने गए साल में रिटर्न नहीं भरा, और जिस साल में रिटर्न नहीं भरा उस साल का तेरा TDS 50,000 और मोर था। तो सोचो किसी का 50,000 TDS कटा है तो मतलब 5 लाख तो इनकम होगी, ये कैसे गया लो, रिवर्स वर्किंग। अरे 10% अंदाज से पकड़ लो ना, 10% के हिसाब से 50,000 का TDS आया है तो इनकम अराउंड 5 लाख होगी, रफली बता रहा हूँ। फिर 5 लाख जितनी इनकम है, मतलब इनकम है ना, तो तूने काहे को रिटर्न नहीं भरा था, कुछ तो दाल में काला है। तो ऐसे काले व्यक्ति लोग का डबल द रेट और 5 विच इज हाई। इन शॉर्ट सी दो चीज चेक करने का, सामने वाले ने प्रीसीडिंग ईयर में रिटर्न नहीं भरा था, और उस प्रीसीडिंग ईयर में उसका TDS प्लस TCS 50,000 और मोर है, तो समझ जाना चाहिए लफड़े वाला आदमी है। हाँ चलो TDS उसका ज्यादा नहीं था ना तो ठीक है ना, रिटर्न नहीं भरा तो क्या, कितने लोग रिटर्न नहीं भरते, क्योंकि कई कई बार अपनी इनकम ही खास नहीं होती है। लेकिन तूने रिटर्न नहीं भरा था इसके बावजूद के तेरा TDS 50,000 और मोर था, TDS प्लस TCS, तो दाल में काला है। और ऐसे काले कारनामे वाले आदमी लोग का TDS कितना काटने का, डबल द रेट और 5 विच इज हाई, डबल द रेट और 5 विच इज हाई। और पता है मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, वो नॉन फाइलर है, गए साल रिटर्न नहीं भरा था, तो उसके लिए क्या करूँ मैं, उसको पूछूंगा भाई तेरा पैन नंबर दे, वो पैन नंबर ही नहीं दे रहा है, तो 20% काट दूंगा। फिर पैन नंबर दिया तो उसका पैन कार्ड देख के ना मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में डालूंगा, और इनकम टैक्स की वेबसाइट में पॉपअप हो जाएगा नॉन फाइलर नॉन फाइलर नॉन फाइलर, तो वो देख के डबल द रेट और 5 विच इज हाई, डबल द रेट और 5 विच इज हाई। बोल ट्यून में मजा आता गाने में, डबल द रेट और 5 विच इज हाई, ऐसा करूंगा। लेकिन वो मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि नॉन फाइलर है, उसका पैन नंबर मिला तो मैंने उसको पैन नंबर को डाला इनकम टैक्स की वेबसाइट में, देख के मालूम पड़ा। कोई बोले सर पैन नंबर दे ही नहीं रहा है, हाँ तो 20% काट दिया ना, इसी ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं होती, ये देखो दो चीज़ है ना, पैन नहीं दे रहा तो 20% वाला झंडा काट दो, लेकिन पैन दिया है तो उसका पैन नंबर इनकम टैक्स की वेबसाइट में डाल के देखो कि वो फाइलर है कि नॉन फाइलर। और नॉन फाइलर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि खाली रिटर्न नहीं भरा उतना ही, दो कंडीशन चेक करने का, एक तो रिटर्न भी नहीं भरा प्लस
तेरा TDS प्लस TCS 50,000 और मोर था, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और प्रिसीडिंग 3 साल देखना कि एक ही साल, वो भी कौन सा साल, अगर ट्रांजेक्शन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले होता है तो गया साल स्किप करके उसके पहले वाला है ना, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक तो शायद लास्ट ईयर का रिटर्न भर देगा ना, तो अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अभी तक गई नहीं है तो गए को छोड़ के उसके पहले वाला, और अपने एग्जाम में गया साल तो 22-23 ना, वो छोड़ के 21-22 देखेंगे, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद में ट्रांजेक्शन हुआ है, अरे ट्रांजेक्शन मैं किसी को पे कर रहा था ना, वो ट्रांजेक्शन ड्यू डेट के बाद हुआ है तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर देखेंगे, बट एक ही साल देखना है। और कैश विड्रॉल में 3 साल देखते हैं, और उधर तो 3 साल नॉट, उधर TDS का स्टेटस नहीं देखते हैं। सी डिस्टिंक्शन देखो, कैश विड्रॉल में नॉन फाइलर और बाकी सब में नॉन फाइलर का फर्क क्या है, कैश विड्रॉल में तो 3 साल लगातार रिटर्न नहीं भरा नॉन फाइलर, और बाकी सब में क्या है, 3 साल केवल 1 साल देखना है, प्लस एक और कंडीशन चेक करनी है कि जिस साल तूने रिटर्न नहीं भरा उस साल तेरा TDS प्लस TCS 50,000 और मोर है तो तू नॉन फाइलर, और कैश विड्रॉल में नॉन फाइलर निकलता है ना तो डबल द रेट नहीं होता है, लिमिट चेंज हो जाती है, 1 करोड़ के बदले 20 लाख के बाद TDS चालू होता था, 20 लाख के बाद 2%, 1 करोड़ के ऊपर गया तो 5%, उधर वैसा था, और बाकी केस में अगर नॉन फाइलर है तो डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई। तो ये पैन ने दिया तो 206AA वाला सेक्शन आता है, और नॉन फाइलर हुआ तो 206AB वाला सेक्शन आता है। ओके, फिर सुनो जल्दी देखो ये, लुक हियर, अगर हम लोग TDS नहीं काटते तो खर्चा बिजनेस में डिसअलाउड होता है, तो सी ये तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउ करना है तो रूल क्या है, मार्च तक है ना TDS काट दो। एक्चुअली पता है TDS कब काटना होता है, साल जब चल रहा होता है ना, एट दी टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड और एक्चुअल पेमेंट विच इज अर्लियर, वो तो ड्यूरिंग देयर कभी भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भाड़ में गया पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड वगैरह, तो मार्च तक भी TDS का लाइबिलिटी खड़ा कर देगा ना। सी TDS डिडक्ट करने का मतलब ये देख, लाइबिलिटी खड़ा करना, तो गवर्नमेंट क्या होती है, तू मार्च तक कैसे भी बुक्स में TDS का लाइबिलिटी खड़ा कर दे, एंड उसको जमा करने के लिए ऐसे भी नहीं कि अगले महीने के साथ, आराम से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक जमा कर दे, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो तेरा खर्चा इस साल में अलाउ हो जाएगा। कौन सी दो कंडीशन, 31 मार्च तक TDS काट दो, मतलब बुक्स में TDS पेबल का लाइबिलिटी खड़ा कर दो, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक TDS को डिपॉजिट कर दो, और ये प्लस साइन का मतलब क्या है, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो वो खर्चा मेरा 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। टेल मी, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई दूसरी नहीं हुई तो क्या होगा, डिसअलाउड। लेकिन कितना डिसअलाउ होता है, रेसिडेंट से पाला पड़ा तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट से पाला पड़ा तो 100% डिसअलाउ। लेकिन सी जो डिसअलाउ होगा ना वो करंट ईयर में माइनस नहीं करने मिलेगा, फ्यूचर में वही चीज माइनस हो जाएगी। अरे जैसे अभी मेरे को 100 रुपये के खर्चे में 70 का ही डिडक्शन मिला, 30 का नहीं मिला ना, तो जो 30 का डिडक्शन अभी नहीं मिला फ्यूचर में मिल जाएगा। फ्यूचर में कब, पढ़ो क्या लिखा है, ईयर ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS। अरे मुझे तुरंत डिडक्शन चाहिए तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक TDS डिपॉजिट करना पड़ता है। तो टेल मी, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, कोई एडवर्टीजमेंट रेंट का खर्चा दिया है, बोलेंगे उसका TDS क्या है, मार्च तक काट दिया था लेकिन फाइलिंग रिटर्न तक डिपॉजिट नहीं किया। अरे नहीं किया डिपॉजिट फाइलिंग रिटर्न तक, मतलब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो क्या करोगे, बोलना तो क्या करेंगे, उसका 30% डिसअलाउड, और डिसअलाउड अपने नेट प्रॉफिट में एडबैक कर देते तो 30% डिसअलाउड। लेकिन यही नेट प्रॉफिट में जो एडबैक हुआ है ना ये फ्यूचर में लेस करने मिलेगा, फ्यूचर में कब, जब वो TDS डिपॉजिट होगा,
और फ्यूचर में वो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस की तरह लेस होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस का फॉर्मेट याद है, नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंस, लेस नॉन बिजनेस इनकम लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। और फ्यूचर में अनरिकॉर्डेड क्यों? क्यों फ्यूचर के लिए बासी खर्चा हो जाएगा ना, तो फ्यूचर में वो फ्यूचर के पीएनएल में अनरिकॉर्डेड होगा तो तब लेस हो जाएगा। बेस्ट ऐसे याद रहना, करंट ईयर में तो नेट प्रॉफिट में 30% एडबैक, रेसिडेंट समझ के बता रहा हूँ, 30% एडबैक। लेकिन यही जो 30% नेट प्रॉफिट में एडबैक हुआ है, ये फ्यूचर नेट प्रॉफिट में लेस करने मिलेगा। कब? जब TDS को हम एक्चुअली डिपॉजिट करोगे। लेकिन देखो तो अभी पूरा अलाउ करवा के लेना है तो दो शर्त है, मार्च तक TDS काट दे और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक डिपॉजिट कर दे। ओके, तो ये 40A इनकम फ्रॉम बिजनेस का पॉइंट इधर बता रहा हूँ, क्योंकि TDS से कनेक्टेड है ना। फिर देखो अगला पॉइंट, देखो सिंपल है, जो इनकम कमा रहा है ना उसको भले TDS कट के मिलता है, लेकिन उसको दिखाना ग्रॉस चाहिए। कमाने वालों, आपको भले TDS कट के भी मिला है, लेकिन आपको 5x के अंदर उसका प्रदर्शन कैसे करना है? ग्रॉस करके, ग्रॉस। जबकि काट पीट के मिला है तो भी ग्रॉस दिखाना है। और जो TDS कटा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कब? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद जब अपना फाइनल लाइबिलिटी आता है ना, उसमें से हम लोग थोड़ा कम भरेंगे जो TDS कट गया है। तो ये 10वां पॉइंट था। फिर बाद में अपने को सामने वाले को TDS सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अरे मैं पेयर हूँ, जिसका TDS काटा ना तो उसको डाउट आएगा, TDS काट के खुद खा गया होगा, तो मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा, भाई मैं तेरा TDS काट के खुद नहीं खाया हूँ, जमा किया हूँ, उसका सर्टिफिकेट है। ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कौन किसको देगा? पेयर रिसीवर को। बस खत्म, TDS का टॉपिक खत्म हो चुका है, नया टॉपिक चालू हो रहा है। देखो TCS, हिम्मत रहो, कम ऑन TCS। TDS में इतना सफिशिएंट है, लास्ट क्लास में सब जनरल पॉइंट्स थे। TCS का मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके, ये TDS का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बता दो कैसे? पहले मैं इसका मीनिंग बता दूंगा, फिर डिफरेंस बताऊंगा, फिर TCS के रेट्स है और कुछ जनरल नोट्स है। ये चार पार्ट में टॉपिक कवर होता है। मीनिंग समझ गया ना, फटफट हो जाएगा। और मीनिंग समझाने के लिए, देखो मीनिंग समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल के ऊपर है ना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये ड्राइंग को जरा महसूस करो, फिर मैं बाद में चालू करूँ, एक बार देख लो। ये देखो TCS में है ना, पहले एक बार है ना समझे बिगड़ समझो नहीं, देखो एक बार समझने में जाओ, एक बार मैकेनिकली देखो। TDS में कैसे होता है? काट के दो, काट के दो। लेकिन इधर क्या? काट के दो के बदले ऐड करके लो, कलेक्ट है ना, टैक्स कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना है। तो मतलब कोई पार्टी से मुझे 100 आने वाला है ना, तो 100 रुपये के जगह प्लस करके लेना है उससे। मीनिंग क्या बताऊंगा, लेकिन एक बार ऐसे तो फील करो कि उल्टा है। TDS में क्या? पे करने वाला काट के पे करता है, इधर रिसीव करने वाला जब रिसीव करता है ना, ऐड करके रिसीव करता है। अब ये क्यों होता है बता दो। सी, जैसे ना लिकर का बिजनेस होता है, अल्कोहल लिकर का, दारू का धंधा करते हैं ना, उसमें TCS आता है। क्यों आता है बताता हूँ, मेरा एग्जाम्पल देखो। मान लो ये देखो, ये एक राजू भाई है। ये क्या है? ये आदमी का नाम क्या है? राजू भाई। इसकी दारू की दुकान है, दारू का बॉटल बेचता है, वोडका, रम, बियर, वाइन, विस्की, है ना। और इसकी दुकान का नाम क्या? राजू वाइन्स, राजू वाइन्स। अबे ना, जो दारू की दुकान चलाते हैं ना, इन लोग की दुकान जोरदार चलती, क्योंकि मार्केट में पीने वाले बहुत है आजकल, तो इन लोग की दुकान जोरदार चलती, मतलब कमाई जोरदार है। लेकिन इन लोग टैक्स नहीं भरते। क्यों? क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या लिखा है? अनऑर्गेनाइज। सोचो ना, जो दुनिया को दारू पिलाता है, मतलब खुद भी थोड़ा ऐसा ही पियकर टाइप होगा, मतलब अनऑर्गेनाइज होगा। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है मालूम है? सिस्टमैटिक नहीं होना। अनऑर्गेनाइज का मतलब सिस्टमैटिक नहीं। और सिस्टमैटिक नहीं मतलब क्या? मतलब क्या मालूम है? कि दारू की बोतल बेचेगा, कैश में बेचा, उसका कोई एंट्री वेंट्री पास नहीं करना है, कोई बिल नहीं बनाता है, कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है उसको, तो एक ही चीज़, दारू बेच बेच के पैसा छाप बस। लेकिन वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है।
रिकॉर्ड्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, कोई प्रॉपर बिलिंग नहीं होता, इनवॉइस नहीं बनता और पूरा कैश में धंधा होता है, तो बाद में इनकम दिखाता ही नहीं होगा वो। तो बिकॉज दारू के धंधे में चोरी होती है, क्या चोरी होती है, टैक्स की चोरी, कि लोग दुकान खोल के अच्छा खासा पैसा छापते लेकिन टैक्स नहीं भरते, बिकॉज दीज आर पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे अपनी कोचिंग क्लास कैसी होती है, ऑर्गेनाइज कोचिंग क्लास चला रहा है कोई पढ़े लिखे लोग होते यार, तो हम लोग क्या ऑर्गेनाइज क्यों है, कि हम लोग बच्चों को से फीस लेते, उनको रिसीट इश्यू करते, प्रॉपर अकाउंटिंग करते, तो वी आर ऑर्गेनाइज पीपल। तो हम जैसों से गवर्नमेंट को डर नहीं है, लेकिन मैं दारू की दुकान खोल के बैठा हूँ तो पीपल आर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और पता है गवर्नमेंट को कभी भी डर होता है ना कि कमाने वाला टैक्स नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट TDS चालू करती। लेकिन पता है इधर TDS वर्क नहीं करेगा, इधर TDS फ्लॉप हो जाएगा। पहले डू यू एग्री, कभी भी गवर्नमेंट को डर है कमाने वाला चोर है टैक्स नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट TDS चालू करती है। तो इधर कमाने वाला कौन है, राजू भाई। तो राजू भाई दारू की बोतल बेच के कमाएगा, टैक्स नहीं भरेगा तो TDS रखनेगा ना। लेकिन TDS कौन काटता, पेयर। मेरे को बताओ ये राजू भाई को पे कौन करता है, पब्लिक। ये जो पब्लिक दारू के बोतल का पैसा देती है, तो हु इज द पेयर, पब्लिक। राजू भाई को तो इनकम मिल रही हो तो रिसीवर है, तो पब्लिक को अगर बोलेंगे पब्लिक आप दारू की बोतल का पैसा देते हो ना, किसको, राजू भाई को, तो TDS काट के दो। अगर एक बोतल 1000 रुपये की है तो पूरा पैसा मत दो, काट के दो, क्योंकि राजू भाई टैक्स नहीं भरते। तो सोच पब्लिक को अगर ये काम देंगे तो अच्छा है क्या, पब्लिक बोले हमको क्या दिया है, हम लोग को दारू पीना है बस, हमको दारू पीने के बाद कुछ समझता ही नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं दारू के दुकान वालों को TDS काट के दो, तो इधर TDS चल ही नहीं पाएगा। सी गवर्नमेंट आम जनता को TDS का काम नहीं दे सकते ना। सोचो ये आदमी है ना, दारू का बोतल क्या लेने आ गया, पेमेंट क्या कर दिया, उसमें TDS काटने का काम बढ़ गया, तो फिर ये तो तकलीफ हो जाएगी ना पब्लिक को। इसलिए इधर TDS नहीं वर्क करेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट को बेचैनी क्या हो रही है, नहीं यार लेकिन ये राजू भाई का कुछ तो करना पड़ेगा, चोरी करता है, चोरी मतलब ऐसे चोरी नहीं करता है, मतलब कमा के टैक्स नहीं भरता, टैक्स की चोरी करता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो एक काम करते, इधर TDS तो वर्क नहीं करेगा, TCS चालू कर देते। और TCS के लिए क्या होता है ना, देखो इसकी दुकान में इतनी बॉटल आती कहाँ से, राजू भाई की दुकान में बॉटल आती कहाँ से, उसके भी सप्लायर होंगे, सप्लायर लोग को काम पे लगा दिया, सप्लायर को बोला सप्लायर तू राजू भाई को जब बॉटल देता है ना तो बॉटल्स दे के पैसा लेता है, ये देखो एरो देखो एरो देखो, तो उससे अगर तू दारू की बोतल का 100 रुपया लेता है ना 1% एक्स्ट्रा ले ले। सप्लायर को बोला तू राजू भाई से एक्स्ट्रा ले ले। सी गवर्नमेंट को कैसे भी करके राजू भाई से पैसा निचोड़ के लेना है। एक तरीका क्या था, पब्लिक को बोलो कि राजू भाई को बोतल का पैसा देंगे काट के ही दो, तो TDS हो जाता है, लेकिन वो इधर नहीं चल पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, राजू भाई के जो सप्लायर है वो जब उसको बॉटल्स बेचेंगे तो बेचते टाइम एक सेलिंग प्राइस होगी, उसमें 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेंगे, और 1% राजू भाई से लिया है ना, एंड फिर सप्लायर लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपनी जेब में डालेंगे, 1% गवर्नमेंट को दे देंगे। ये होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कलेक्ट किया है, कौन कलेक्ट किया, सप्लायर ने राजू भाई से एक्स्ट्रा 1% कलेक्ट किया, ये GST कलेक्टेड जैसा ही है। खैर GST से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, थोड़ा ऐसा फील करा रहा हूँ। GST में कैसे होता है कि कलेक्ट कर लो, GST कलेक्ट करते हैं काइंड ऑफ, बाकी इसका GST से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़्यादा मत सोचना उस लाइन्स पे। हाँ तो ये देखो मेरे एग्जांपल में क्या होगा, देखो ड्राइंग देखो ना, दारू की बोतल दे दी और राजू भाई से 100 रुपया प्लस 1% का फिक्स रूल है दारू की बोतल में। और तुम लोग सोचो दारू वारू की बातें क्यों करे, ऐसा क्या एग्जाम्पल लिया है, अरे एग्जाम्पल मैं शौक से थोड़ी ले हूँ यार, वो दारू के धंधे में है TCS तो मेरे को लेना ही पड़ेगा ना यार, मैं नहीं पीता हूँ। तो सेलिंग प्राइस प्लस 1%, तो ये देखो फिर ये सप्लायर क्या करेगा, ये देखो काला आदमी, देखो ये 100 रुपया तो खुद रखेगा, 1 रुपये किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। ये होता है TCS।
इसलिए सुनो, कभी भी टीडीएस फेल जाता है ना तो गवर्नमेंट टीसीएस लेती है। गवर्नमेंट का पहला प्यार तो टीडीएस पे है, हो सके तो टीडीएस ही रखो, लेकिन इधर टीडीएस रखने के लिए पब्लिक को काम पे लगाने का, और पब्लिक अनेक है, लेकिन यहाँ सप्लायर अनेक है कि थोड़े थोड़े है। अब राजू भाई को दुकान में माल देने वाले 4-5 सप्लायर होंगे, तो सप्लायर लोग को तो इजीली बोल सकते हैं आप लोग राजू भाई को सप्लाई करते हो और उससे ज़्यादा पैसा ले लिया करो, और राजू भाई कुछ बोले तो उसको हुल दे देना गवर्नमेंट की, उससे ज़्यादा पैसा लो और गवर्नमेंट को दे दो एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये टीसीएस था। ओके, अब सुनो, जैसे दारू की बोतल में होता है ना, वैसे और दूसरे सब चीज़ों में भी टीसीएस होता है। अब है ना, मेरा ये ड्राइंग सेम रहेगा, राजू भाई भी सेम रखता हूँ मैं, लेकिन राजू भाई का भी धंधा चेंज होते रहेगा। इधर दारू बेच रहा था ना, अब देखो, अब राजू भाई है ना टेंडू लीव्स बेचते, टेंडू लीव्स। अभी सुनो, मैं दारू की बोतल का एग्जाम्पल चेंज करके टीसीएस के रेट्स बता रहा हूँ। टीसीएस के रेट्स, जैसे दारू की बोतल में 1% था ना, वैसे एक और प्रोडक्ट होता है टेंडू लीव्स, टेंडू लीव्स में 5% होता है। सब कुछ सेम, लेकिन दारू के बदले टेंडू है तो 5%। अब टेंडू लीव्स क्या होता है? टेंडू लीव है ना, जंगलों में जंगली झाड़ होते हैं ना, उससे पत्ता आता है पत्ता, और वो पत्ते को रोल करके बीड़ी बनता है। बीड़ी बीड़ी मतलब देसी सिगरेट। सिगरेट पी के नहीं दिखाऊंगा मैं, सिगरेट तो क्या है फिरंगी लोग ने बनाया है, लेकिन अपने इंडिया का देसी सिगरेट क्या होता है? बीड़ी। और बीड़ी कभी देखा है? देखा तो होगा, पिया नहीं होगा तो। दिखने में कैसा लगे? रो पत्ता होता है झाड़ का, वो झाड़ के पत्ते को ऐसे रोल करके बीड़ी बनता है, और उस पत्तों को बोलते हैं टेंडू लीव्स, और ये जंगलों में मिलता है। और पता है फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है भैया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, टेंडू का लीव्स देते हैं राजू भाई को, और राजू भाई क्या है, टेंडू का धंधा करते हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज है, तो उनसे डर वही है। अब आगे सब समझ जाओ ना, सब कुछ सेम है। जैसे ये दारू की बोतल पब्लिक को बेच रहा था ना, अब राजू भाई क्या बेच रहे? टेंडू के पत्ते। लेकिन टेंडू के पत्ते उनको कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो फॉरेस्ट में उगता है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होता है ना। तो इधर भी टीसीएस है, लेकिन इधर 1% के बदले 5% है। और पता है जंगलों में टेंडू लीव्स के अलावा दूसरा सामान भी मिलता है, लकड़ा मिलता है, टिम्बर, तो दूसरा कोई फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हुआ तो 2.5%, जंगलों में उगे हुए टेंडू लीव हुए तो 5%, दूसरे कोई फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हुए तो 2.5%। ओके, मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी टीसीएस होता है। दारू में था, अभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी क्या होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, ऐसे कोई छोटे मोटे गरीब जैसे लोग होते हैं ना, गरीब मतलब थोड़े इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, सिस्टमेटिक नहीं होते, तो वो लोग क्या है, कुछ खाता वाता नहीं रखते, अनऑर्गेनाइज होते, और वो लोग क्या है, अनऑर्गेनाइज होते, तो डर क्या है, आगे बेच के जोरदार कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे, इसलिए उनका भी टीसीएस रखा है। तो कितने टीसीएस बता दिया उन्होंने? 3 बता दिए। देखो, लुक यार, टेंडू लीव्स का क्या था? 5%, और टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट, टिम्बर मतलब झाड़ का लकड़ा होता है ना, जंगलों में मिलता है वो, और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का 2.5। एक्चुअली टेंडू भी फॉरेस्ट में मिलता है ना, लेकिन उसका परसेंटेज अलग है, तो अलग लिखने में आ रहा है, और बाकी सबका 2.5। और दारू के लिए 1 था ना, खाली दारू के लिए नहीं था, दारू, स्क्रैप, मिनरल्स, सी ये सब में मेरा लॉजिक एक ही है, राजू भाई जैसे बहुत लोग हैं ना अनऑर्गेनाइज होते हैं। अब देखो, अब राजू भाई को मैं स्क्रैप का डीलर बनाता हूँ, स्क्रैप बेचता है ये देख, और स्क्रैप बेच के भी बंगला बना लिया बोल उसने, सोच, लेकिन उसको स्क्रैप कहाँ से मिलता है मालूम है? यहाँ से, देखो, फैक्ट्री से, फैक्ट्री वाले उसको स्क्रैप देते हैं, और स्क्रैप का जब पैसा लेते हैं ना, तो उसमें भी 1% टीसीएस आता है। अरे सेम एग्जाम्पल, लेकिन अभी राजू भाई दारू वाला के राजू भाई स्क्रैप वाला, स्क्रैप वाला, और उसका सप्लायर क्या होगा? फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री से स्क्रैप निकलता है, तो उसमें भी सेम है, लेकिन परसेंटेज 1, हाँ उसके दारू परसेंटेज भी सेम है 1%, ये तो था ना 1% स्क्रैप का भी। फिर मिनरल्स है, मिनरल्स, अब मिनरल तो है ना बहुत तरह के होते हैं,
लेकिन दो मिनरल में TCS आता है, कोल और आयरन ओर। कोल मतलब कोयला, काला काला होता है ना, और आयरन ओर मतलब जमीन से जो लोखंड निकलता है रॉ फॉर्म में, वो आयरन ओर। तो सी ऐसे मान लो, ये राजू भाई दारू वाले के बोले कोयला वाला, लोखंड वाला, और ये इसको कोयला लोखंड कहाँ से मिलता है? फैक्ट्री से नहीं, माइनिंग कंपनीज वाले। ये कोई माइनिंग की कंपनी होगी और माइनिंग कंपनी वाले राजू भाई को कोयला देते, लोखंड देते, और कोयले और लोखंड के धंधे वाले भी है ना थोड़े अनपढ़ गवार टाइप होते, अनऑर्गेनाइज होते, क्योंकि कोयला है ना, कोयला सस्ती चीज़ है यार, और आयरन ओर भी एकदम, लोखंड तो सस्ता ही होता है, तो इसके भी अनऑर्गेनाइज वाले लोग होते हैं। नाम ही देखो ना, कोयला लोखंड का डीलर कौन होगा? अनऑर्गेनाइज। तो इसको जो कोयला लोखंड देता है ना, वो भी 1% TCS कलेक्ट करता है। अरे सब ड्राइंग सेम रखो ना, पहले में राजू भाई दारू वाला था, फिर राजू भाई टेंडू वाला, राजू भाई फॉरेस्ट का सामान वाला, राजू भाई स्क्रैप, राजू भाई क्या था, स्क्रैप और कोल और आयरन ओर वाला मिनरल्स। तो ये सब में TCS आता है, इसको बोलते हैं सेक्शन 206C, सब सेक्शन वन। पूरे टॉपिक में सेक्शन एक ही है, 206C, सब सेक्शन बदलेगा, टॉपिक खत्म नहीं, मैं और भी थोड़े रेट्स आएंगे, और मैं तुमको लास्ट में ना रेट्स बाय हार्ट करने का टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक से याद हो जाएगा। अभी मैंने जो इतने रेट्स बताए, इतने याद कर लो एक बार। अब सुनो, इसमें एक्सेप्शन है, लुक हियर, लुक, ये राजू भाई जो दारू वाला था ना, राजू भाई है ना, ये देखो, ये बॉटल दारू की लिया था ना, ये खुद पीने के लिए लिया था, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अरे राजू भाई ने बहुत बॉटल मंगाई है, लेकिन वो खुद ही पीता है, पीने के लिए मंगाई थी, बेचने के लिए नहीं, तो TCS नहीं आता है। सी राजू भाई अगर आगे बेचेगा ना, तो इनकम का स्कोप है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स का टेंशन है ना। लेकिन राजू भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं बेचता नहीं हूँ, मैं तो दारू लेके पी लेता हूँ, मतलब पर्सनल कंजम्पशन, तो TCS नहीं आएगा। फिर सप्लायर लोग बोले, अरे तेरे को पीने के लिए चाहिए, ये ले, कितनी बॉटल चाहिए? 1000 बॉटल चाहिए, ले पी ले, पी। एंड फिर उसमें TCS नहीं आता है। तो लॉ में एक्सेप्शन लिया है कि अगर राजू भाई सप्लायर से दारू मांगता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, देन देर इज नो TCS। एंड बराबर है ना, सी TCS क्यों रखा? टैक्स की चोरी होती है, लेकिन टैक्स की चोरी तो इनकम होगी तो ना, और इनकम तो राजू भाई करेगा, पब्लिक को बेचेगा तो ना, लेकिन पब्लिक को बेचता ही नहीं, कमाता ही नहीं, खुद पी लेता है, तो TCS की जरूरत ही नहीं है। जैसे पब्लिक वही तो कर रही है, देखो, अरे जैसे इधर, फिर तो इधर भी TCS आना चाहिए था। अगर पर्सनल कंजम्पशन को एग्जेम नहीं किया होता, फिर तो राजू भाई भी बोलेंगे, पब्लिक आप दारू लेते हो, TCS का एक्स्ट्रा पैसा लो, फिर तो राजू भाई भी कलेक्ट कर लेते। लेकिन राजू भाई पब्लिक से क्यों नहीं कलेक्ट करते? क्योंकि पब्लिक पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रही है, पब्लिक पी रही है तो खुद के पीने के लिए ले रही है ना। तो इन शॉर्ट, दारू में TCS कब आता है? जब ये राजू भाई जैसा आदमी है ना, दारू फर्दर बेचना चाहिए, खुद पी ले वैसा नहीं होना चाहिए। और एक एक्सेप्शन है, राजू भाई है ना, दारू का ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन उससे दवाइयाँ बनाता है, दारू से दवाई बनती है, कॉफ सिरप। अरे कॉफ सिरप लेते ना, उसमें बहुत बार अल्कोहल होता है, तो राजू भाई बोलते हैं, भाई मैं ऐसा गया बीता नहीं हूँ, मैं दारू मंगाता हूँ, लेकिन दारू को थोड़ा बहुत यूज़ करके उससे मैं दवाई मैन्युफैक्चर करता हूँ। मतलब राजू भाई दवाई वाला, मतलब ही इज़ बाइंग दारू यहाँ से, कहाँ से? सप्लायर लोग से, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो भी TCS नहीं आएगा। अरे फिर तो वो दारू को दारू की तरह बेच भी नहीं रहा है, दवाई बन रही है, और दवाई बन गई तो अनऑर्गेनाइज के ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड अपने आप वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला बन जाएगा, क्योंकि दवाई बेचने वाले थोड़े डिसेंट टाइप होते हैं ना। तो इन शॉर्ट देखो, दो एक्सेप्शन है, पढ़ो क्या लिखा है। अगर राजू भाई पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते दारू, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए, तो TCS नहीं आता है। और सी ये पॉइंट खाली दारू के लिए नहीं है, ये पूरे टेबल के लिए एक्सेप्शन है।
अरे जैसे हो सकता है पावर जनरेशन के लिए लकड़ा काम आता है, अरे जैसे फॉरेस्ट का कोई सामान राजू भाई ने खरीदा, क्यों? पावर जनरेशन के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर बनाने के लिए। अरे मतलब एक एक्सेप्शन याद रहो, बहुत इन लोग इधर ही बच्चों को काटते हैं। बच्चा क्या ये पढ़ के बड़ा खुश हो गया है, लेकिन एग्जाम में आता क्या है ये। तो याद रखना मेरे जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया ना, चाहे वो कोयला, लोखंड, स्क्रैप, जो भी बोला, टेंडू वेंडू, हर एक में अगर ये राजू पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन के लिए माल मंगवाता है सप्लायर से, तो TCS नहीं आएगा। ओके, अब देखो अगला TCS ये हो गया ना, अगला TCS गाड़ी की सेल। सी ये चैप्टर में ना अपने को पेयर बन के सोचना है कि रिसीवर, रिसीवर इधर सेलर जो होता है ना वो कलेक्ट करता है। सी पिछले टॉपिक में TDS में क्या पेयर बन के सोचने का बोला था, पेयर बन के इधर रिसीवर बन के सोचो। तो ये देखो अभी ये ट्रांजेक्शन को समझो, प्लीज देखो, मेरे को देखोगे तो समझोगे, नोट्स बाद में देखो, पहले मेरे को देखो, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये देखो ये गाड़ी है, मैंने किसी को गाड़ी बेची, तो गाड़ी बेचते टाइम मैं सामने वाले को फ्री में नहीं पैसा लूंगा, तो जो भी पैसा मिलेगा उसमें भी 1% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, 1%। अगर मैंने किसी को गाड़ी बेची उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, चाहे गाड़ी बेचने वाला कोई आम आदमी हो कि गाड़ी का शोरूम वाला हो, फर्स्ट हैंड बेचा हो सेकेंड हैंड बेचा हो, गाड़ी बेचा ना 10 लाख से ज़्यादा में, तो 1% TCS लेना पड़ता है। अब इसका लॉजिक क्या है? बाद में मैंने गाड़ी जिसको बेची वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा है, इधर कुछ भी नहीं, गाड़ी में TCS आता ही है ना, पर्सनल कंजम्पशन का एग्जेम्पशन है, कुछ भी नहीं है। सेल ऑफ कार इफ इट इज अबाउ 10 लाख TCS आएगा। पता है इस TCS का लॉजिक थोड़ा अलग है। सी इधर लॉजिक क्या था दारू वारू में, कि दारू के डीलर लोग अनऑर्गेनाइज में सिस्टमेटिक नहीं होते, कैश में धंधा करते हैं, कोई अकाउंटिंग हिसाब किताब नहीं होता है, तो इन लोग में टैक्स की चोरी बहुत होती है ना, इसलिए रखा था। लेकिन गाड़ी के TCS का लॉजिक ही अलग है। देखो इसका लॉजिक क्या है, सुनो, लुक, तुम लोग पता है इंडिया में बहुत सारे लोग के पास ब्लैक का पैसा होता है। ब्लैक का पैसा मतलब क्या बताओ? ब्लैक का पैसा मतलब तूने बहुत कमाया लेकिन टैक्स नहीं भरा, और कमाई हुई इनकम पे टैक्स नहीं भरते हैं तो ब्लैक का पैसा होता है। और पता है ब्लैक का पैसा अमीरों के पास होता है। सी गरीब तो कमा ही नहीं रहा तो कहां से टैक्स भरेगा, अमीर लोग के पास बहुत ब्लैक का पैसा होता है। तो पता है कितने अमीर लोग क्या करते, भर भर के कमाते टैक्स नहीं भरते, उनको पता है इनकम टैक्स की इज्जत भी नहीं होती है, इन लोग इनकम टैक्स वालों को गिनते भी नहीं है, क्या इनका हटपुट, वो लोग भाव भी नहीं देते। इसलिए पता है अमीर लोग को गवर्नमेंट ने क्या बोला, अमीरों, ओ अमीरों, तुमको इनकम टैक्स की इज्जत नहीं है, लेकिन तू अपनी अमीरी के जो शौक पूरे करेगा ना, गाड़ी लेना, तब तेरे को अटैक करेंगे। अमीर आदमी ने कभी इनकम टैक्स वालों की कदर नहीं की होगी, बहुत कमाता है, बहुत कमाता है, टैक्स नहीं भरता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गिनता भी नहीं होगा। लेकिन अमीर आदमी अपना शौक पूरा तो करेगा, इनकम टैक्स को भाव नहीं देता होगा, लेकिन अपने शौक तो पूरे करेगा। और अमीरों का सबसे पहला शौक है गाड़ी, और जब अमीर आदमी गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो तो खरीद रहा है, लेकिन उसका जो सेलर होगा ना वो उससे 1% एक्स्ट्रा लेके गवर्नमेंट को दे देगा, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को अमीरों से टैक्स मिल गया। अरे मतलब ये अलग स्टाइल है गवर्नमेंट का टैक्स वसूलने का। ये तो सी अमीर लोग तो क्या कमा कमा के टैक्स भरते नहीं है, और गवर्नमेंट कहाँ ढूंढेगी, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इससे गवर्नमेंट ने अमीर लोग को अटैक करने के लिए TCS चालू किया। और गाड़ी में क्या है, ये अमीरों का पहला शौक होता है। हर अमीर आदमी, जैसे तुम लोग भी अमीर बनोगे, सबसे पहले क्या है, चल गाड़ी लो, BMW लेता हूँ, मर्सिडीज लेता हूँ, और मतलब तू कोई छोटी मोटी वैगनार नहीं लेगा, 10 लाख से ज़्यादा ले रहा है ना यार, मतलब तू अमीर है तभी तो तू 10 लाख से बड़ी वैल्यू की गाड़ी ले रहा है। फिर ख़त्म, तूने इनकम टैक्स वालों की कभी इज्जत नहीं की ना, अब गाड़ी लेने तो झक मार के तेरे को कोई गाड़ी के सेलर के पास जाना पड़ेगा, वो सेलर तुझसे 1% एक्स्ट्रा ले लेगा,
और सेलर क्या है, अपना मेन प्राइस जेब में रखेगा, 1% गवर्नमेंट को दे देगा। ये गवर्नमेंट का तरीका है। सी अगर वो अमीर आदमी बोलेगा अरे मैं तो टैक्स बढ़ता हूँ, अब बढ़ता है तो भी तेरे से 1% कलेक्ट करेंगे और तुझसे तेरे को लग रहा है फालतू में कलेक्ट किया, एडजस्ट हो जाएगा। सी जो भी TCS कलेक्ट होता है ना, अपना जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है। जैसे अमीर आदमी की गाड़ी खरीदते टाइम उससे TCS ले लिया, तो वो जो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी में उतना कम भरना पड़ेगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था गाड़ी का। तो इधर क्या रहना, मोर देन 10 लाख, परसेंटेज क्या 1%। ओके फिर सुनो, पार्किंग के धंधे में भी अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं। टोल प्लाजा चलाते हैं ना, और माइन, पहले मानो कि इस सब में ना बहुत कमाई है और कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे मान लो मैं पार्किंग चलाता हूँ, सोच मैं पार्किंग चलाऊंगा तो मेरे यहाँ पे तो कितने लोग गाड़ी पार्क करते हैं, कोई 2-व्हीलर पार्क करता है, कोई 4-व्हीलर पार्क करता है, किसी से 50 रुपया लेता हूँ, किसी से 20 रुपया लेता हूँ, सब लोग पार्किंग करके आते हैं और पार्किंग की कोई रिसीट भी ढंग की बनती नहीं, कई जगह तो कैश में मिलता है। तो पार्किंग का जो धंधा कर रहा है ना, अनाप शनाप कमाता है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, अनऑर्गेनाइज है। और जो टोल चलाते हैं, टोल, अरे हाईवे पे टोल होता है ना, टोल चलाने वाला क्या, गाड़ी वहाँ से आती तो टोल के पैसे कैश में ले लेता है। चलो आजकल क्या फास्टैग ऑनलाइन पेमेंट हो गया, लेकिन अभी भी कितने लोग कैश दे के चले जाते टोल नाका से गुजरते। तो टोल के धंधे में भी कैश में बहुत पैसा आता है। और माइन जो चला था माइनिंग, उन लोग के अंदर भी बहुत हिसाब किताब नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने माइन ले ली है, अब उसको खोद के मैं 1 लाख यूनिट्स निकाल रहा हूँ कि 10 यूनिट्स निकाल रहा हूँ, कौन पता लगाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ज़मीन को मैं खोद के माइनिंग करूँगा तो अंदर से कितना खजाना निकल रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा, हाँ माइन खरीदी थी लेकिन खजाना ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्शन कम दिखाऊंगा तो इनकम छुपा पाऊंगा ना यार। अरे मतलब मैं ये फीलिंग देना चाह रहा हूँ कि ये तीनों धंधे में मतलब कमाई जोरदार है, लेकिन छुपाने का फुल रिस्क है, इनकम छुप सकती है। पार्किंग वाला सब कैश में ले लेगा, टोल चलाने वाला कैश में, और माइनिंग करने वाला माइनिंग करके कितना प्रोडक्शन क्या बताएगा ही नहीं। तो पता है इनको पकड़ने के लिए क्या बोला है, इन लोग तीनों के लिए कॉमन चीज क्या है, जमीन। पार्किंग चलाने के लिए भी जमीन चाहिए, टोल चलाने के लिए भी जमीन चाहिए, माइन भी जमीन खोद के आता है। तो इसको जमीन देने वाला जो लेसर होता है ना, लेसर को बोला है तो उससे जब लीज रेंट लेगा ना 2% ज्यादा ले ले। एग्जाम्पल ये देखो, लुक हियर, राजू भाई पार्किंग वाला, मान लो ये राजू भाई है ना पार्किंग वाला है, और पब्लिक इसके यहाँ पे गाड़ी पार्क करती है, तो राजू भाई पार्किंग का धंधा तो जोर शोर में चला रहे हैं, लेकिन पार्किंग के धंधे के लिए उसको जमीन चाहिए। तो उसको जमीन इसने दी थी, ये देख, अरे कोई आदमी है, उसने उसको जमीन लीज पे दी थी और लीज का रेंट लिया था। ये देखो क्या लिखा, LR मतलब लीज रेंट, तो लीज रेंट में 2% एक्स्ट्रा ले लेगा, खत्म। वैसे ही राजू भाई टोल वाला, मतलब और पता है टोल चलाने का राइट्स है ना गवर्नमेंट देती है। जैसे मान लो लोनावाला का हाईवे है, उधर मेरे को टोल चलाने का राइट्स मिला है, लेकिन राइट्स कौन दिया, गवर्नमेंट। तो राइट्स दिया मतलब गवर्नमेंट मुझसे लीज रेंट लेती है। ये देखो ये गवर्नमेंट है, ये टोल वाला है, तो गवर्नमेंट ने उसको टोल चलाने का राइट दिया, उससे रेंट लेती है, तो उसमें भी 2% आता है। फिर राजू भाई माइनिंग वाला, राजू वाइन्स के बोले राजू माइन्स, अरे माइन करता है और माइनिंग करके क्या खोद खोद के कितना निकालता है बताता भी नहीं है, शाना है बहुत, खोदता है निकालता है 1 लाख यूनिट, बताता है 5000 यूनिट, चोरी करता है। तो इसको भी जो जमीन दिया ना माइनिंग करने के लिए, वो लीज रेंट में 2% एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा। लेकिन सी ये राजू भाई क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहा है ना, माइनिंग करके कोयला निकाला ना, लोखंड निकाला ना, तो वो आगे बेचते टाइम उसको भी TCS देना पड़ेगा, था ना, कोल और आयरन ओर का था। सी बच्चा माइन में घूम जाता है, देखो पहले एक बार आया था ना, वो मिनरल बेचा था, मिनरल,
मतलब कोयला लोखंड बेचा था, वो चीज थी कोई चीज, अभी क्या रहा है? माइन मतलब जमीन है, जमीन लीज पे दी है, चाहे वो जमीन में तू खोद के अंदर से डायमंड्स निकाल कि कुछ भी निकाल, जो खजाना निकालना निकाल, अरे माइन तो सोने की भी खान होती, कौन कुछ भी निकाल सकता है। सी ये तो जनरल है, कोई भी जमीन तूने माइन करने के लिए लीज पे दी ना तो उस पर TCS आता है, एंड फिर माइन करने के बाद खोद के कोयला और लोखंड निकला तो उसकी सेल पे भी TCS है। तो सी मैं एक काम करता, ऐसा एग्जाम्पल बना रहा हूँ जिसमें ये भी आ जाएगा, ये देखना, और ये भी आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल बनो, ये देखो, लुक, ये देखो, राजू भाई को है ना, ये राजू भाई को है ना जमीन मिली है लीज पे, और राजू भाई माइनिंग करते, और माइनिंग की जमीन लीज पे मिली है। अब एक बार माइनिंग की जमीन लीज पे मिली है तो जो लेसर होता है ना, लेसर, वो क्या करेगा बोल? लीज रेंट में +2% लेगा, वो चाहे वो जमीन पे कोई भी टाइप का माइनिंग हो, जमीन लीज पे दिया ना जमीन तो उसपे 2% एक्स्ट्रा ले लेगा कौन? लेसर। फिर अब राजू भाई ने जमीन लीज पे ले ली, अब जमीन को खोद के क्या निकालता है चेक करो, और अगर कोई साधारण मिनरल निकाला है तो ठीक है, लेकिन जमीन को खोद के कोयला निकाला, आयरन ओर निकाला, फिर निकाल के वो आगे सेल कर रहा है ना, और सेल करेगा क्या? कोयला और आयरन ओर, मतलब अभी वो कोयले की चीज बेच रहा है तो वो रिटर्न में वो भी TCS कलेक्ट करेगा, लेकिन वो 1% वाला था, वो अलग था। ओके टेल मी, राजू भाई ने माइनिंग करके कोयला नहीं निकाला, कोई दूसरा सामान निकाला, हाँ तो बेचो, फिर उसमें TCS नहीं आएगा, बट वो ये वाले ट्रांजेक्शन में आने वाले, ये वाले में। और इधर तो जमीन लीज पे मिली थी तो वो तो माइन के लिए कोई भी जमीन हो, किसी भी माइनिंग का 2% आता ही है, लेकिन माइनर जब खोद खोद के कोयला आयन और बेचेगा तो आगे भी TCS आएगा। तो ये था, ये हो गया। फिर सुनो, ये सब लीज ट्रांजेक्शंस थे, हाँ, इसके पहले सब सेल हो रहा था। ये देखो, इसके पहले गाड़ी की सेल हुई और सेल ऑफ टेंडू, ये सब सेल था, सेल सब सेल ही था, नोटिस करो, ये सब सेल ही सेल था, कुछ बेच रहा था। कौन किसको बेच रहा था? मेरे एग्जाम्पल में ये राजू को बेच रहा था। ओके, अभी क्या, ये राजू को लीज पे दे रहा था, तो मतलब सेल पे था, अभी लीज पे आया था। अब सुनो, नेक्स्ट वाला है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टफ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट आया है। सेक्शन गौर कर रहे हो, टेंडू वेंडू में 1 था, फिर गाड़ी में 1F था, 1F, और इसमें 1C था, 1C, 1C, 1C है ना, 1C। फिर लुक यार, 1G, 1G, इधर मत देखना, नहीं समझेगा, मेरे को देखो ना प्लीज़, मेरी नोट्स बाद में, मैं पहले आता हूँ ना। ये देखो, मान लो मैं एक फॉरेन करेंसी डीलर हूँ, ऑथोराइज डीलर होता है ना मैं, जिसको फॉरेन करेंसी बेचने का राइट्स है, तो सी मैं ना डॉलर्स पाउंड्स लोगों को बेचता हूँ, और लोग मुझसे डॉलर क्यों लेके आते हैं? इंडिया में तो डॉलर का जरूरत नहीं, फॉरेन में भेजना होता है, फॉरेन में भेजना होता है ना पैसा, तो वहाँ तो डॉलर लगता है, या तो भेजना या फिर खुद लेके जाएगा, तो लोगों को डॉलर पाउंड चाहिए तो मेरे पास आते हैं। तो सी मेरी दुकान है फॉरेन करेंसी डीलर, अब मैं जब डॉलर्स पाउंड्स बेचूंगा तो बदले में मुझे रुपीस मिलता है, अब बदले में जो रुपीस मिल रहा है वो 7 लाख का करेंसी एक्सचेंज हुआ तो TCS नहीं आएगा, कितना? 7 लाख। लेकिन अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसने बोला मेरे को 5-6 लाख डॉलर्स चाहिए, 5-6 लाख डॉलर्स, ये डॉलर है, रुपयों में बदलोगे तो 50-60 लाख हो जाएगा बारी, तो उसने मुझसे 5-6 लाख डॉलर मांगा तो बोले ठीक है दे देता हूँ, उसको डॉलर दिया और बदले में रुपीस मिले, तो जो रुपीस लूँगा ना उसमें भी मैं एक्स्ट्रा 5% लूँगा, कभी 20% लेना पड़ता है, कभी 5%, 5 कब 20 कब बताऊँगा, लेकिन उससे मुझे एक्स्ट्रा कलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों?
मतलब उसमें भी शर्त है 7 लाख तक का करेंसी एक्सचेंज हुआ तो चलेगा। जैसे मुझसे कोई डॉलर लेके गया और डॉलर कितना, 1000 डॉलर लेके गया। अब 1000 डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज से लगाओ ना, 1 डॉलर 100 रुपया बढ़ो ना, एक बार 1000 डॉलर लेके गया तो 1000 डॉलर × 100 सामने 1 लाख का ही मिला है। सी अपने को रुपीज देखना है, मतलब 1 लाख रुपी में करेंसी एक्सचेंज हुआ है ना, तो इट इज़ अप टू 7 लाख नो TCS। लेकिन अगर कोई मुझसे भर भर के डॉलर्स, एक से ना मैं डिस्क्लेमर, मैं डॉलर डॉलर बोलूँगा लेकिन डॉलर पाउंड सब आ गया, बोलने में डॉलर निकलेगा, तो मुझसे कोई डॉलर लेके गया और बदले में जो रुपीस मिला 7 लाख से ज़्यादा है, तो उससे मैं TCS कलेक्ट करूँगा। अब इसमें TCS क्यों रखा? क्योंकि मैंने बोला था अमीर लोग बहुत कमाते और कई बार टैक्स नहीं भरते, तो उनके पास ब्लैक का पैसा होता है, और उनकी फितरत कैसी होती है, उन्होंने इनकम टैक्स वालों को गिनते भी नहीं, इज्जत भी नहीं देते। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला, अमीरो तुमको इनकम टैक्स वालों की इज्जत नहीं है ना, लेकिन तो अपने शौक पूरे करने के लिए कभी डॉलर पाउंड लेने जाएगा ना तब फंसेगा। और अमीरों के शौक गाड़ी के होते डॉलर्स के भी होते। आज बताओ एक गरीब आदमी को डॉलर पाउंड तो क्या सुनता है, खाली उसको चाहिए थोड़ी, डॉलर पाउंड कौन मांगता है जिसका विदेश में कनेक्शन है, तो और वो अमीरों का ही होता है। तो अमीरों से टैक्स निचोड़ने का तरीका है, जो गाड़ी में लॉजिक था ना सेम लॉजिक इधर है, कि अमीरों आपको इनकम टैक्स की इज्जत नहीं है, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए कभी गाड़ी लेने जाओगे तो कभी फॉरेन करेंसी लेने जाओगे तब फंसोगे। और 7 लाख तक क्यों माफ़ किया है, कि 7 लाख तक तो बेसिक नेसेसिटी है ना, उतना तो अपने को नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी फॉरेन वॉरेन कभी जाता है ना कोई काम से यार, तो कंडीशन के 7 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से सुनना, मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूँ, एक्शन से समझना। मैंने तुमको डॉलर्स दिए और बदली में मैंने जो रुपीस लिया ना वो 10 लाख था, तो 10 लाख में से 7 को कट करो, ऊपर जो 3 लाख है ना उसका 5% आएगा। और 5% कब मालूम है, जब मुझसे तू डॉलर लेके गया था कोई एजुकेशन मेडिकल पर्पस के लिए। मतलब एजुकेशन मेडिकल पर्पस क्यों, जैसे ये देखो तू मुझसे डॉलर लेके गया, क्यों लेके गया, तेरे बच्चे को फॉरेन में पढ़ाना है या फिर तुझको खुद को फॉरेन में पढ़ना है, जो भी एजुकेशन के काम के लिए, या फिर तेरी बीवी को कैंसर हो गया उसका इलाज करवाने के लिए। मतलब अगर तू एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए मुझसे डॉलर्स पाउंड्स लेके जा रहा है ना, तो मैं बोलूँगा ओ ये तो बहुत नेसेसिटी वाला काम है, तो खाली 5% है। लेकिन अगर तू कोई फालतू पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी लेके आता तो 20% है। एजुकेशन मेडिकल है तो 5%, क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए कोई डॉलर मांगता है, माना कि कोई ज़रूर अमीरजादा होगा, अमीरजादे अपने बच्चों को फॉरेन वॉरेन पढ़ाते ना, लेकिन एजुकेशन की थोड़ी रिस्पेक्ट है यार, एजुकेशन है मेडिकल है, तो परसेंटेज खाली 5% है। लेकिन 5% पूरे पे कि एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा पे। मैंने तुमको मालूम बताया था 3 ऐसी जगह है ना जहाँ परसेंटेज एक्सेस पे लगाते हैं। एक कैश विड्रॉल में था 194N, वो TDS में था, और 194Q था गुड्स परचेज 50% से ज़्यादा। इन सब में क्या था, एक्स्ट्रा अमाउंट पे आता है। इधर भी ऐसा है कि फॉरेन करेंसी डीलर जब डॉलर्स पाउंड देता है और बदले में रुपया लेता है 7 लाख से ऊपर देता है, तो 7 लाख छोड़ के बैलेंस पे आता है, और कितना 5%। अब सुन, कभी कभी ये देखो ड्राइंग देखो ना क्या है, ये कोई अमीर आदमी है, ये मुझसे डॉलर्स लेके गया, तो मैं उससे TCS कितना लूंगा, जितना भी INR है, INR मतलब इंडियन रुपीस, माइनस 7 लाख कर दो उसका 5%। और ये आदमी मुझसे डॉलर्स क्यों लेके गया है, क्योंकि उसको एजुकेशन मेडिकल पर्पस के लिए भेजना है बाहर, बाहर भेजना मतलब रेमिटेंस, बाहर भेजना मतलब रेमिटेंस। अब सुनो, अभी ड्राइंग में मुझे देखो, मैंने जिसको डॉलर बेचा ना वो मुझसे डॉलर क्यों लेके गया, क्योंकि उसको एजुकेशन के लिए भेजना है पैसा बाहर, और उसने एजुकेशन के लिए कहीं से लोन लिया है, पहले बेचारा लोन लेके आया, फिर लोन का पैसा मुझे दिया, मुझसे डॉलर लिया। तो अगर कोई लोन लेके एजुकेशन का काम करता है ना, तो 0.5% हो जाएगा TCS, क्योंकि एजुकेशन एक पहले नेक पर्पस है, उसमें भी कोई एजुकेशन के लिए कर्जे में डूबा है, तो गवर्नमेंट को और भी सिंपथी आ गई, 0.5% TCS आएगा।
मतलब सिचुएशन ऐसा है, मैंने जिसको डॉलर्स बेचा ना, वो डॉलर क्यों मांग रहा है मुझसे? एजुकेशन के लिए चाहिए, लेकिन एजुकेशन के लिए उसने खुद का पैसा यूज़ नहीं किया है, पहले लोन लिया था। और लोन भी पता किससे लेना चाहिए? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। रट लो, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब तू वहां से पहले लोन लेके आया, फिर लोन वाला पैसा मेरे को दिया, मुझसे डॉलर लिया, और तूने एजुकेशन के लिए भेजा। सीन याद कर। तो ऐसे में 7 लाख तक तो चलता है ना, लेकिन 7 लाख के ऊपर अगर 8 लाख हो गया तो एक्स्ट्रा 1 लाख के ऊपर 0.5% आएगा। बट शर्त ये एजुकेशन पर्पस के लिए होना चाहिए, वो भी आउट ऑफ लोन मनी। ये देख क्या लिखा, पढ़। कि ये आदमी मुझसे डॉलर लिया, लेकिन क्यों लिया? एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन के लिए उसने पैसा कहां से अरेंज किया है? आउट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इन लोग बच्चों को इधर ही अटकाएंगे, ऐसा लोन का माहौल बनाएंगे, लेकिन बैंक वैंक से नहीं लिया होगा। ओके टेल मी, उसने अगर बैंक वैंक से नहीं, अपने कोई अंकल आंटी से लोन लिया होगा तो? नहीं, 7 लाख का लिमिट तो ही, तो 5% आ जाएगा। अरे 7 लाख की तो छूट सब में ही है। सी, कोई भी डॉलर वॉलर मुझसे लेके आता, 7 लाख की छूट तो है ही। 7 लाख तक तुम लोग करेंसी एक्सचेंज कराओ चलता है, लेकिन 7 लाख के ऊपर गया ना तो गवर्नमेंट को खटकता है कि कुछ ज़्यादा ही रही से भाई ये तो। फिर उससे गवर्नमेंट लूटने का सोचती है। कितना लूटने का? नॉर्मली 5%। लेकिन एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया था, वो भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो 0.5%। सी, तुम लोग ट्रांजेक्शन को विजुअलाइज करो तो सिंपल लगेगा। अब देखो लास्ट पॉइंट। अब है ना, मैंने जिसको डॉलर दिया था वो मुझसे डॉलर लेके गया, और क्यों लेके गया? मैं एजुकेशन के लिए नहीं, मेडिकल के लिए नहीं, उसकी फॉरेन में कोई ब्रांच होगी एक्सपांशन के लिए। मतलब एजुकेशन और मेडिकल के अलावा कोई अदर पर्पस है, तब गवर्नमेंट क्या बोलते हैं मैं, अब तो उसको 7 लाख तक तो ठीक है, ऊपर 20% आएगा। कितना? 20%। मतलब अगर करेंसी एक्सचेंज 10 लाख का हुआ है ना, अरे मतलब डॉलर देके रुपीस मिला, वो 10 लाख मिला, तो 10 लाख आ रहा है, तो 10 लाख आ रहा है, उसमें से 7 लाख माइनस कर, ऊपर का 3 लाख का 20% 60 या TCS लूंगा मैं। लेकिन 20% के लिए भी रूल है, 1 अक्टूबर 2023 या बाद में ट्रांजेक्शन हुआ तो, क्योंकि ये अमेंडमेंट अक्टूबर से इफेक्टिव हुआ है। बिफोर 1 अक्टूबर 2023 हुआ तो 5% ही है। अरे इधर अपने को चेक करना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी डीलर ने डॉलर पाउंड दिया तो कभी दिया? 1 अक्टूबर के पहले का हुआ है तो 5%, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 है तो 20%। और ये 1 अक्टूबर भी अपने ईयर का है भाई। ये देख मैंने क्या लिखा, दिख रहा है इधर? 5% कब? बिफोर 1 अक्टूबर 2023 का ट्रांजेक्शन है। 20% कब? ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। मतलब क्वेश्चन में देखना, लेकिन सी ये डेट देखने का मगजमारी इधर होता है, लुक अदर पर्पस हुआ तो। क्वेश्चन में एजुकेशन और मेडिकल दिया ना तो 5% कंफर्म है, और एजुकेशन हुआ तो 0.5 भी हो सकता है। अगर एजुकेशन के लिए जो पैसा भेज रहा है वो लोन लिया था बेचारा कहीं से, और कहीं से भी मतलब कहीं से भी नहीं है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो बस ये 3 पार्ट में याद रखो ना, पहले एजुकेशन और मेडिकल का जनरल, मतलब लोन से नहीं लिया, नॉर्मल है, फिर एजुकेशन आउट ऑफ लोन, फिर एनी अदर पर्पस। और पर सब में देखो, 7 लाख की छूट तो सब में ही है, सब में 7 लाख तक हुआ तो TCS आएगा ही नहीं, और आएगा तो भी 7 लाख माइनस करके बैलेंस में आएगा। लेकिन इधर 5 था, इधर 0.5 था, इधर कभी 5 तो कभी 20, डिपेंडिंग अपॉन द डेट। वो क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी डेट क्या है ना। फिर सुनो, ये 206C 1G था ना, 1G, 1G के अंदर एक और चीज है, फॉरेन टूर पैकेज बेचते हैं ना, फॉरेन टूर पैकेज,
अरे होते ना टूर ऑपरेटर लोग, वो लोग क्या बोलते हैं, 7 दिन यूरोप घूमने घूमने का टूर है, 10 दिन के लिए सिंगापुर घूमने का टूर, 15 दिन के लिए यूएस घूमने का टूर है, टूर अरेंज करके देते हैं। और पता है टूर ऑपरेटर लोग क्या फैसिलिटी देते हैं, तेरी फॉरेन की टिकट भी बुक हो जाएगी और तेरा वहाँ का रहने का बंदोबस्त भी, वहाँ पे साइट सीइंग का भी, पूरा पैकेज टूर भेजते हैं। और पता है पैकेज टूर भी अमीरों के शौक होते, और अमीरों को गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया, अमीरों तुम लोग को इनकम टैक्स वालों की इज्जत नहीं है ना, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए कभी फॉरेन टूर पैकेज खरीदोगे तभी अटैक होगा। मतलब ये देखो, अगर एक टूर ऑपरेटर किसी को फॉरेन टूर का पैकेज भेजता है, पैकेज टूर, तो उसमें भी TCS आता है। लुक, मैं टूर ऑपरेटर हूँ अभी, समझो। अरे अभी मैं डॉलर वॉलर नहीं बेच रहा हूँ, टूर ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ। और टूर ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, टिकट बुक करना, होटल का, रहना का, और उधर का साइट सीइंग का, सब मैंने पैकेज बना के दे, पैकेज टूर होता है ना। अब टूर ऑपरेटर ने देखो फॉरेन टूर पैकेज बेचा तो उससे पैसा भी लेगा ना, अरे पैकेज टूर का पैसा मिलता है ना, तो जो पैसा मिलेगा उसमें प्लस TCS होगा। TCS हमेशा प्लस होके आता है, प्लस होता है ना। और कितना होगा देखो, लुक यार, अगर 1 अक्टूबर 2023 के पहले हुआ तो 5%, और इधर 7 लाख की छूट नहीं है। डॉलर बेचूंगा ना डॉलर पाउंड, तो 7 लाख का छूट है। इधर मैं डॉलर बेच रहा हूं कि पैकेज टूर, पैकेज टूर अलग चीज है। ओके, इधर मैंने टूर ऑर्गेनाइज करके दिए तो इधर तो 7 लाख का छूट है ही नहीं, 5% TCS आएगा। भले मैंने तेरा पैकेज टूर है ना 20,000 में भी अरेंज कर दिया, चल 20,000 में जा घूम के आ जा, चल इधर थाईलैंड घूम के आ जा, सस्ते में करवा दे 20,000 में खाली, तो 20,000 में प्लस 5% लूंगा। लेकिन अक्टूबर के बाद हुआ ना तो 7 लाख तक का टूर पैकेज बेचा तो 5%, मतलब 7 लाख की छूट नहीं है, 7 लाख तक छोटा परसेंट और 7 लाख के ऊपर बड़ा परसेंट। अरे ये अक्टूबर का झमेला क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हुआ है ना। बजट में बहुत बार क्या, हर चीज़ को 1 अप्रैल से इफेक्टिव नहीं करते, लेट करते। तो ओके सुनो, क्वेश्चन में क्या देखोगे बताओ, डेट। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम आंसर देना। 1 अक्टूबर का पहले का कोई डेट लो ना, जुलाई, जुलाई में टूर पैकेज टूर बेचा तो जुलाई मतलब अक्टूबर का पहले का 2016 5%, फिर 5 ही है फिक्स्ड, तो मतलब जितने में भी टूर पैकेज बेचा उसमें सामने वाले कस्टमर से जो पैसा आया है ना प्लस 5%, वो 5% प्लस करके लेके ले तो लूंगा, मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। और अभी 1 अक्टूबर के बाद का ले लो, मान लो दिसंबर, दिसंबर में पैकेज टूर बेचा है और जिसको मैंने पैकेज टूर बेचा ना 10 लाख का टूर बेचा है, अरे मतलब उसका टूर अरेंज किया और 10 लाख रुपया चार्ज किया, 10 लाख, तो 7 लाख तक तो 5% और 7 लाख के ऊपर 3 लाख का 20%, तो 7 लाख का 5% निकाल और ऊपर के अमाउंट का 20% निकाल, ऐसे डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर पैकेज टूर का ट्रांजेक्शन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023, ओके सी, तुमको लग रहा है इतना सारा पढ़ा दिया, लेकिन मैं इस लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा, टॉपिक बहुत छोटा हो जाएगा। अभी तुम लोग इंडिविजुअली देखते हो, भरोसा करो शॉर्टकट बताऊंगा। लास्ट चीज आ रही, देखो ये चीज देखेंगे ना तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा TDS से। पता है जो TDS था ना, उन्हें जिसमें, अरे वो गुड्स परचेस का TDS था, गुड्स परचेस का, एक बार स्क्रीन पर मत देखो, मैं छुपा ही डालता हूँ। ये देखो TDS में ना ऐसा था कि अगर मैं 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स परचेस करता हूँ एक ही जन से, मैं बायर ऑफ गुड्स हुआ और मेरा गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो मैं गुड्स बाय करने का जब पेमेंट करूँगा ना तो TDS काट के दूंगा, पूरे का नहीं, 50 लाख छोड़ के ऊपर का 0.1%, है ना। तो ये बायर को करना पड़ता है, ये चीज़ सेलर पे भी डाली है, लेकिन जब बायर पे होता है तो TDS, सेलर पे होता है तो TCS। अभी इसको रिवर्स करके पढ़ते हैं, मतलब सेलर को क्या बोला, सेलर तू अगर किसी को गुड्स बेचना है 50 रुपये से ज़्यादा सिंगल पर्सन को, और सेलर का गए साल का टर्नओवर
एक करोड़ से सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने मेरे को 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा और बेचते टाइम उससे जब पैसा लेगा ना तो 50 लाख छोड़ दे एक्स्ट्रा पे 0.1% मुझसे कलेक्ट करेगा। अरे बोले एग्जैक्ट, वो बायर होता है तो बायर को तो पेमेंट करनी पड़ती, तो काट के पे करेगा और सेलर को पे करना पड़ता है कि रिसीव होता है, रिसीव होगा तो ऐड करके रिसीव करेगा। बोले एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन इधर कंफ्यूजन क्या होगा, सर ये TDS पे भी डाल दिया, TCS पे भी डाला है, लेकिन टेंशन मत लो ना, दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ट्रांजेक्शन सेम है। कौन सा ट्रांजेक्शन? गुड्स परचेज 50 लाख से ज़्यादा का फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, ट्रांजेक्शन सेम है, कंडीशन भी सेम है, गए साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर, सब कुछ सेम है, अमाउंट भी 50 लाख और 50 कार्ड के ऊपर जीरो, सब कुछ सेम है, 0.1 था ना। लेकिन TDS होता है तो बायर के एंगल से होता है, TCS होता है तो सेलर, लेकिन दोनों चीज़ नहीं आएगी। पता है क्या चेक करना चाहिए? किसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है? पता है इधर एक कंडीशन क्या थी? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हुआ, तो सी अगर बायर बोलेगा कि मेरा टर्नओवर गए साल 10 करोड़ के ऊपर था तो बायर को TDS काटने का, लेकिन बायर बोले नहीं बाबा मेरा तो टर्नओवर 10 करोड़ कहाँ, उतना होता ही नहीं है, तो सेलर को पूछेंगे तेरा टर्नओवर, वो बोले मेरा भी नहीं होता तो जाने तो कुछ मत रखो, लेकिन सेलर बोलेगा हाँ मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से आता तो 2 TCS कलेक्ट कर, और बायर का है तो बायर TDS काटेगा, और दोनों का है तो TDS विल प्रिवेल। बायर बोलेगा मैं भी 10 करोड़ के ऊपर, सेलर बोलेगा मैं भी 10 करोड़ के ऊपर, ओ दोनों ही बड़े बड़े बिग शॉट लोगों, तो फिर बोलते ना एक मायान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ट्रांजेक्शन में TDS और TCS दोनों नहीं, फिर एक ही रहेगा TDS, क्योंकि गवर्नमेंट का पहला प्यार TDS है। TCS का जन्म तो ऐसे हुआ कि TDS नहीं चल पाया तभी ना, तो TDS विल प्रिवेल। इन शॉर्ट क्या देखना चाहिए? हुज टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इज मोर देन 10 करोड़, इफ बायर्स टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ तो TDS, इफ सेलर्स टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ TCS, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ तो नथिंग, और दोनों का 10 करोड़ हो रहा है तो TDS। समरी ऑफ द टॉपिक, मैंने तुमको इतनी चीज पढ़ाई, टेंडू लीव का 5%, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का 2.5%, फिर ASML एल्कोहल स्क्रैप मिनरल का 1%, गाड़ी का 1%, पार्किंग टोल माइन लीज पे दिया है। अरे मतलब किसी ने जमीन लीज पे दी है और जिसको लीज पे दिया वो पार्किंग का धंधा कर रहा है, टोल चला रहा है, माइनिंग कर रहा है ना। फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, उसमें कभी 20 था, कभी 5, कभी 0.5 था। फॉरेन टूर पैकेज, फॉरेन टूर में कभी 20 था तो इधर 5 भी था, वो डेट वेट का मगजमारी था ना। वो डेट देखना पड़ता है, डेट फॉरेन टूर में कैसा था? अक्टूबर के पहले तो 5% ही है, अक्टूबर के बाद थोड़े पे 5, ऊपर पे 20, 7 लाख तक 5, 7 लाख के ऊपर पे 20। फिर गुड्स वाले में 0.1% था। अरे सब TCS के आइटम्स की समरी पूरी। और पता है लिस्ट कैसे याद रखते? मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ वैसे याद रखना, ये देखो टी आसाम, ये टी है, ये टी है, ASM में कैसा साउंड हो रहा है? आसाम, आसाम में चाय बड़ी प्यारी मिलती है मालूम है, और चाय मतलब टी, तो ये देखो टी आसाम दिखा। अब देखो, अब गाना गा रहा हूँ टी आसाम 5-1, टी आसाम 5-1, टी आसाम 5-1, ये क्या होता है 5-1? 5.5 का मतलब 2.5। आजकल के अंग्रेज बच्चों को 2.5 का मतलब समझता नहीं तो बता देता हूँ, 2.5 मतलब हिंदी में जो 2.5 बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या होता है 2.5। तो 2.5 को मैं बुरा ना मानो, हिंदी में बोल रहा हूँ 2.5। क्यों? क्योंकि 5 से राइम हो रहा है, 5.5, तो साउंड देव कितना मस्त, टी आसाम 5.1, टी आसाम 5.1,
फाइव ढाई मतलब 2.51। फिर सुनो, मैं ऐसा गाना गा रहा था, फिर बाद में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। अब देखो मेरी दोस्त के साथ फ़ोन पे क्या बात हो रही है, पहले मैं गाना गा रहा था टी टी असम फाइव डाई वन, फिर मैंने दोस्त को फ़ोन लगाया। देख दोस्त, एक तो तू क्या लिखा, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा मतलब टू, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर, माइन पे मिल। दोस्त को क्या बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर, माइन पे पहुंच। फिर दोस्त बोला, फिर क्या करना है? अरे फिर क्या, फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे। ऐसी मेरी बात हुई थी दोस्त से। तो पूरी कहानी ऐसे याद रखो, पहले मैं ऐसे घर पे गाना गा रहा था टी टी असम फाइव डाई वन, ओके। फिर मैंने फोन उठा के दोस्त को बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, एक मतलब 1% हो गया, एक तो तू गाड़ी ले, फिर दूसरा मतलब टू आ गया, पार्किंग से निकल, टोल भर, माइन पे मिल। फिर दोस्त पूछा, फिर क्या करेंगे? अरे फिर क्या, फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग मतलब गुड्स हो गया ना, बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन 50 लाख। लेकिन सी ये टेक्निक में ना ये नहीं याद हो पा रहा है, बाकी तो पूरा याद हो गया। अरे इधर तक तो परसेंटेज भी याद करवा दिया मैंने, नहीं करवाया क्या? टी टी असम फाइव ढाई वन। फिर देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, एक आ गया ना, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर, माइंड पे मिल। फिर बाद में ना मेरा कॉन्वर्जेशन ऐसा ना कि परसेंटेज याद नहीं हो रहा है, तो इधर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा तो कर लो ना मेहनत यार, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ओके। तो इसलिए फॉरेन करेंसी वाला एकदम अच्छी तरह याद करो। फॉरेन करेंसी में कैसा था, 7 लाख तक तो छूट है ही, और 7 लाख के ऊपर एजुकेशन मेडिकल है तो 5%, एजुकेशन आउट ऑफ लोन है तो 0.5%, और कोई पर्पज है तो अक्टूबर के पहले 5, अक्टूबर के बाद है तो 20%। बट 7 लाख की छूट तो है ही, डॉलर बेचते हुए, पाउंड बेचते हुए। फिर फॉरेन टूर में क्या था, पैकेज टूर अक्टूबर के पहले बेचा तो कितने में बेचा, 5% एक्स्ट्रा ले लो, और अगर अक्टूबर के बाद है तो 7 लाख तक 5%, 7 लाख के ऊपर के लिए 20%, और गुड्स का तो ये तो याद रहेगा 0.1%, ओके। तो ये था TCS का समरी। लास्ट में देखो, ये कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, जनरल नोट्स खत्म हो रहा है। हर एक में एक रूल है, अगर बायर गवर्नमेंट हुआ तो नो TCS, ऐसे नहीं समझेगा। ड्राइंग देख मेरा राजू भाई, देख राजू भाई किधर है, देखो राजू भाई के बदले इधर गवर्नमेंट होते, गवर्नमेंट दारू का दुकान खोली है, तो इनको जो माल सप्लाई करेगा उसमें TCS नहीं आता है। अरे मतलब बायर गवर्नमेंट, अरे बायर तो है, अरे भाई ये लोग कौन है, सेलर, तो राजू भाई कौन है, बायर, लेकिन राजू भाई के बदले में गवर्नमेंट होती है ना, तो नो TCS, ऐसे याद होगा, राजू भाई की जगह गवर्नमेंट है तो नो TCS। एक पॉइंट हो गया। फिर सुनो जल्दी, देखो बायर मतलब राजू भाई गवर्नमेंट है तो नो TCS। फिर अभी सेलर, हाँ सेलर मतलब कौन, अपने एग्जाम्पल बताओ, राजू भाई तो बायर था, हाँ ये अगर स्मॉल इंडिविजुअल HUF है, स्मॉल मतलब या तो उसका धंधा नहीं है, धंधा है तो गए साल का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, ग्रॉस रिसीव 50 लाख के ऊपर नहीं हुआ, स्मॉल इंडिविजुअल HUF है, तो उसको TCS से बख्श देंगे। जैसे TDS में था ना, रांचीज वाले सेक्शन में छोटों को बख्श दिया था, इधर भी ऐसा है, छोटों को बख्श दिया, लेकिन इधर सब में नहीं बख्शा है, टी टी असम और गाड़ी ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो छोटा सेलर को TCS कलेक्ट नहीं करने का है। टी असम मतलब टेंडोलीज, टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स, असम में एक एल्कोहल स्क्रैप मिनरल्स था, और गाड़ी, ये देखो इधर लिखा है ना, कि अगर टी असम और गाड़ी ट्रांजेक्शन है, और उसमें सेलर मतलब अपने ड्राइंग में राजू भाई नहीं, उसका सप्लायर,
उसका अगर सप्लायर कोई स्मॉल इंडिविजुअल है वो नो टीसीएस, तो सी बायर में तो गवर्नमेंट बायर है तो नो टीसीएस, सेलर में तो स्मॉल सेलर है नो टीसीएस, लेकिन स्मॉल वाली छूट टीटीएसएम और गाड़ी में। अब सुनो टीडीएस में मैंने कैसे बताया, तो वेन टू डिडक्ट वेन टू डिपॉजिट, इधर वेन टू कलेक्ट वेन टू डिपॉजिट, सेम है बोलो। टीडीएस में कैसे था, वेन टू डिडक्ट मतलब टीडीएस का लाइबिलिटी कब खड़ा करते, बोलना कभी खड़ा करते, एट द टाइम व्हेन पार्टी इज अकाउंट इज क्रेडिटेड और एक्चुअल पेमेंट विथ रिजर्व लिया था ना, इधर एग्जैक्ट उल्टा कर दो, एट द टाइम व्हेन पार्टी इज अकाउंट इज डेबिटेड और एक्चुअल रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इस दिन टीसीएस का लाइबिलिटी खड़ा करना है। सी एट द टाइम पार्टी इज अकाउंट क्रेडिट एरिया वाले डेबिटेड आ गया ना, अरे जैसे सप्लायर ने दारू भाई को दारू, राजू भाई को दारू का बॉटल बेचा, उधार भी बेचा, तो राजू भाई अकाउंट डेबिट, सप्लायर लोग बोलेंगे राजू भाई अकाउंट डेबिट है ना, और टू दारू की बोतल और टू टीसीएस पेएबल, तभी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। एट द टाइम व्हेन राजू भाई डेबिटेड और एक्चुअल रिसीट विच इज अर्लियर, अरे सेम उल्टा ही कर रहा हूँ। और जमा कब करना है, अगले महीने के साथ, इधर तो मार्च हुआ ना तो भी अगले महीने के साथ, क्यों टीसीएस के ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो मार्च महीने के लिए कोई स्पेशल रिलीफ नहीं है। टीसीएस सॉरी टीडीएस में क्या था, मार्च का हुआ तो अगले महीने की 30 था ना, 30 अप्रैल, लेकिन इधर तो मार्च हो के कोई भी महीना हो अगले महीने की 7 है। और एक सन इधर क्या था, लाइबिलिटी कब खड़ा करना है, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट डेबिटेड और एक्चुअल रिसीट विच इज अर्लियर ना। लेकिन दो जगह है ना प्योर रिसीट बेसिस पे होता है, गाड़ी और गुड्स, गाड़ी और गुड्स में एक्चुअल रिसीव होगा तभी टीसीएस का लाइबिलिटी खड़ा होगा। जैसे मैंने गाड़ी बेची, उधार में बेची तो जाने दे, लेकिन गाड़ी जब पैसा आया ना गाड़ी का रोकड़ा, तब एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा ना, तब मुझे टीसीएस का लाइबिलिटी खड़ा करना है। अरे जैसे टीडीएस में भी कोई एक्सेप्शन थे, एचडब्ल्यूसीएल में पेमेंट बेसिस पे था, अरे आज का तो याद रहेगा ना, उसमें कैसे कुछ जगह पेमेंट बेसिस पे था, इधर कुछ जगह रिसीट बेसिस पे होता है, इधर दो जगह पे गुड्स का सेल और गाड़ी का सेल, ये चैप्टर में मैं जो सेलर होता हूँ, मैं सेलर, गुड्स की सेल गाड़ी की सेल में पार्टीज अकाउंट वो वाला सिस्टम नहीं, एक्चुअल जब रोकड़ा आएगा ना तब टीसीएस का लाइबिलिटी खड़ा करो, और जमा कब करना है, अगले महीने की 7। फिर इंटरेस्ट टीडीएस में कैसा था, अगर काटा लेट तो 1%, फिर काटने के बाद डिपॉजिट लेट किया तो 1.5, इधर 1% ही है। भले तुमने लाइबिलिटी लेट खड़ी की हो और लाइबिलिटी लेट खड़ी होने का तो उसको चुकाया भी लेट, एक ही परसेंटेज 1%, उधर कैसे डबल परसेंटेज था, कि अगर काटा लेट तो 1% और डिपॉजिट लेट किया तो 1.5, इधर एक ही परसेंटेज 1%। ओके, मतलब जब तुझे काटना था, बुक्स में लाइबिलिटी खड़ा करना था और उसको तूने लेट खड़ा किया, फिर लाइबिलिटी लेट खड़ा करके जमा भी लेट किया, तो पूरे पीरियड का 1% ही इंटरेस्ट आता है फुल, इधर 1.5 नहीं है। फिर टीसीएस का रिटर्न, जैसे टीडीएस का रिटर्न था, आज ही पढ़ाया था यार, एक क्वार्टर का रिटर्न, अरे टीडीएस में कैसे बताया था, देखो फटाफट निकले, टीडीएस में कैसे था, ऐसा था ना, एक महीने के बाद जुलाई 31, अक्टूबर 31, जैन 31, ये क्या थी ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न थी। टीसीएस में सब सेम है, लेकिन ये 31 के बोले 15 तारीख आ जाएगा बस, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जैन, 15 मई। तो कोई पूछे ना टीसीएस रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, तो क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर का 15 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर का 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर का 15 जैन, लास्ट क्वार्टर का 15 मई। अरे हर जगह 15 आ गया, और टीडीएस रिटर्न है तो 31, थोड़े थोड़े चेंज है। अरे टीसीएस क्या छोटा भाई है टीडीएस का यार, अलग थोड़ी होगा।
लेकिन थोड़े थोड़े चेंज है। क्या क्या चेंज दिखा? उधर रांची में छोटों को बख्शा था, इधर टीटी आसाम और गाड़ी में छोटों को बख्शा, और उधर पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड एक्चुअल पेमेंट था, इधर पार्टीज अकाउंट डेबिटेड एक्चुअल रिसीट विच इज अर्लियर, और उधर कोई कोई जगह पेमेंट बेसिस पे था HWCL, इधर दो जगह रिसीट बेसिस पे, क्या कार और गुड्स में है ना, और उधर कभी कभी अगले महीने की 30 है, इधर हमेशा अगले महीने की 7 को होता है, और उधर इंटरेस्ट में डबल रेट था, कभी 1 तो कभी 1.5, इधर सिंगल 1% ही है। उधर TDS के रिटर्न में सब 31st करके ड्यू डेट था, इधर 31st के जगह 15th है। फिर उधर मानो अगर पैन नहीं दिया तो 20% TDS काट दो। TDS पे क्या था, सामने वाले ने, अरे मैं पेयर उसमें हाँ TDS में पेयर था, सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 20% TDS काट दो, था ना ऐसा। वैसे इधर भी ऐसा है कि अगर सामने वाले ने अपना, इधर सामने वाला राजू भाई है सेलर हूँ, सप्लायर हूँ मैं, और राजू भाई को दारू का बोतल भी ले, दारू का बोतल वोडका विस्की सब ले, लेकिन तेरा पैन दे। वो दारूड़िया बोला पैन तो नहीं है, ओ पैन नहीं है तो ऐसे तो दारू की बोतल में 1% था, लेकिन पैन नहीं है ना तो क्या होगा ना, डबल द रेट और 5 विचर इज हाई, मतलब डबल रेट होगा। मतलब राजू भाई को बोला, राजू भाई तू मुझसे दारू ले रहा है अपनी दुकान के लिए, तेरा पैन वैन नहीं है, नहीं है तो ठीक है, ऐसे तो मैं तुझसे 1% दारू की बोतल का लेने वाला था, लेकिन 1 के बोले अभी डबल द रेट, डबल मतलब 1 का डबल 2 और 5 विचर इज हाई, तो 5 हो गया, डबल द रेट और 5 विचर इज हाई। टेंडू लिस्ट में डबल करेंगे तो 10, डबल द रेट, टेंडू लिस्ट का 5% था ना यार, तो डबल द रेट करेंगे तो 10 हो गया, और 5, अरे रूल ही है डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई, तो टेंडू में तो डबल करके ही हायर आ जाएगा ना 10%। तो ये 206 डबल सी था कि सामने वाला अगर पैन देने से इनकार करे, मेरे तो एग्जाम्पल राजू भाई ने अपना पैन नहीं दिया ना तो जो भी TCS मैंने बताया था डबल हो जाएगा, या डबल और 5 विच एवर इज हाई। और राजू भाई नॉन फाइलर निकला, नॉन फाइलर मतलब उसने प्रीसीडिंग 1 ईयर में रिटर्न नहीं भरा था, और उस ईयर का उसका TDS प्लस TCS 50,000 मोर है। जैसे मैं दारू का सप्लायर राजू भाई को बोला तुम मुझसे दारू लेता है रिटर्न भरता है कि नहीं, तो राजू भाई बोले नहीं, ओ नहीं भरता है तू, मतलब लास्ट ईयर रिटर्न नहीं भरा, और लास्ट ईयर तो तेरा TDS TCS 50,000 मोर था, तो तू काले कारनामे करने वाला है। तो ऐसे लोग का डबल द रेट और 5 विचर इज हाई। एक चीज नोटिस नहीं की, TDS में तो क्या है, पैन मस्ती है तो 20% था, नॉन फाइलर है तो डबल द रेट और 5 विचर इज हाई। TCS में तो चाहे पैन मस्ती हो के नॉन फाइलर वाली मस्ती हो, डबल द रेट और 5 विचर इज हाई। और TDS में पैन मस्ती का 206 डबल ए था, नॉन फाइलर है तो 206 ए बी था, इधर 206 CC और CC है। अरे इसके TDS में यही डबल ए और ए बी था, बताओ TDS में पैन मस्ती है तो 20% काट डालो, और अगर TDS का रेट ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग्स में तो TDS से 30% है ना, और अगर नॉन फाइलर वाला मस्ती है तो डबल द रेट और 5 विचर इज हाई। और वही TCS में कैसा है, चाहे पैन मस्ती हो कि नॉन फाइलर वाला मस्ती हो, डबल द रेट और 5 विचर इज हाई कॉमन रूल है। ओके, चाहे पैन ने एक्चुअली पहले राजू भाई से पैन मांगने का, पैन दे दिया, अगर पैन ही नहीं दिया तो डबल द रेट 5 विचर इज हाई, और पैन दे दिया तो उसका पैन नंबर कंप्यूटर में डाल के देखो फाइलर है कि नॉन फाइलर, अरे कंप्यूटर में देख के मालूम पड़ता है ना, मालूम पड़ा नॉन फाइलर तो गया, तो सी पहले सामने वाले से पैन लेने, अगर पैन ही नहीं दे रहा है तो पैन मस्ती का चमाट मार दो, और अगर पैन दे दिया तो पैन को कंप्यूटर में एंटर करके देखो फाइलर है कि नॉन फाइलर, और नॉन फाइलर है तो भी क्या होता है, डबल द रेट और 5 विचर इज हाई, खत्म। TCS में इतना याद रखना है, ये सब फटवर्ड मैंने बता दी, इसको तगड़ा कर दो। TDS और TCS है ना, कितने लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये दो लेक्चर को तुम लोग 2-3 बार रिपीट भी कर दोगे ना 2x स्पीड पे, पूरा छप जाएगा दिमाग में। ओके, हाँ इसके बाद तुमको थोड़ा सम्स वगैरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल के सम वगैरह चाहिए तो कर लो, और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो तो मेरे सम्स कर ही लेंगे,
नहीं तो कुछ नहीं तो स्टडी मटेरियल का सम किया तो भी चलेगा। ओके, तो TDS TCS का टॉपिक खत्म हो गया अपना।